Hello everyone, my name is Sanchit Grover and this is amendment class number 2 for GST amendments which is CA Inter November 19 attempt. We have discussed some last class ke andar humne kuch amendments discuss kar li thi pehle. आज वाली क्लास में आगे बढ़ने से पहले उन सारी अमेंडमेंट्स को लगभग 10 अमेंडमेंट्स हमने करी थी उनको जल्दी से एक रिकैप लेते हैं उनका फिर उन्हीं अमेंडमेंट्स से रिलेटेड इस बार के आरटीपी में कुछ क्वेश्चन आए हैं उन आरटीपी वाले क्वेश्चंस को करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर फॉर नेक्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हमारी ठीक है सबसे पहले कल वाली क्लास में हमने क्या किया था मैंने कैटेगरी वाइज बांट रखी अमेंडमेंट्स को नंबर 1 जो हमने करी थी वो एक सर्विस की डेफिनेशन के अंदर छोटा सा चेंज आया था उसके अंदर सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन आई थी कि अगर सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहे हो आप एक ब्रोकर हो तो आप सर्विस के डेफिनेशन में आओगे ठीक है सेकंड चीज हमने पढ़ी थी इंपोर्ट से रिलेटेड यहां पर एक वर्ड चेंज हुआ था टैक्सेबल पर्सन की जगह वर्ड आ गया था सिर्फ और सिर्फ पर्सन इसका भी मैंने आपको इंपैक्ट बताया था इवन इफ एक अनरजिस्टर्ड पर्सन आज की डेट में इंपोर्ट ऑफ सर्विस करता है उसको हम सप्लाई मानेंगे विदाउट कंसीडरेशन बट वंस उसे हमने सप्लाई मान लिया उसके ऊपर रिवर्स चार्ज आ जाएगा रिवर्स चार्ज का सेक्शन 24 लग जाएगा और वो बंदे को रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी मगर उसको सप्लाई बनवाने के लिए हमने टैक्सेबल पर्सन की जगह वर्ड क्या रख दिया पर्सन तो एनीवन हु इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड वो भी इसके दायरे में आ गया थर्ड था एक क्लेरिफिकेशन प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप के अंदर इसके अंदर एक नया टर्म हमने पढ़ा था डीसीए डेल क्रेडे एजेंट उसके अंदर हमने दो अलग-अलग सिनेरियो लिए जब वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर इनवॉइस इशू कर सकता है तो क्या टैक्सेबिलिटी होएगी जब वो इशू नहीं कर सकता तो क्या टैक्सेबिलिटी होएगी अमेंडमेंट नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था सेल्स प्रमोशन के ऑफर तीन तरह के ऑफर थे हमारे पहला ऑफर था कि अगर हम कोई भी चीज फ्री गिफ्ट या सैंपल के रूप में दे देते हैं तो क्या होगा उसके अंदर वही दो ऑप्शंस थे या तो आप उसका आईटीसी ले लीजिए आईटीसी ले लेंगे तो जब भी आप उसे फ्री गिफ्ट की तरह देंगे शेड्यूल 1 की एंट्री नंबर 1 लग जाएगी एंड आपको उसे सप्लाई मानना पड़ेगा इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन इन्वॉल्वड दूसरा ऑप्शन ये है सेक्शन 17(5) के हिसाब से आप उसका क्रेडिट लो ही मत और अगर आपने उसका क्रेडिट नहीं लिया तो आप पे शेड्यूल 1 की एंट्री नहीं लग सकती दूसरा सेल्स प्रमोशन ऑफर था बाय 1 एंड गेट 1 मोर जो यूजुअली हम देखते हैं जब दो तीन चीजें एक साथ हमें दे दी जाती है और कहा जाता है मैंने एग्जांपल लिया था कि एक पेप्सी की बोतल के साथ एक मिनट मेड की बोतल फ्री दे दी गई है यहां पे सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया था कि इसे फ्री सप्लाई मत मानिए इसको एक बंडल्ड सप्लाई मानिए जिसके अंदर पेप्सी और मिनट मेड दोनों एक सिंगल कंसीडरेशन के रूप में जा रही हैं अकॉर्डिंगली या तो ये कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी या मिक्स सप्लाई बन जाएगी डिपेंडिंग ऑन सेक्शन 8 के आप यार्डस्टिक्स लगाते हो नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है दूसरी चीज इसी के अंदर ही जो चीज आप फ्री में दे रहे हो सो कॉल्ड फ्री में दे रहे हो जो बंडल के रूप में जा रही है उसका आईटीसी भी आपको मिल जाएगा ये क्लेरिफिकेशन पड़ी थी तीसरी तरह का सेल्स प्रमोशन ऑफर था डिस्काउंट्स डिस्काउंट दो तरह के थे हमारे एक जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता थे बट दिए बाद में गए इस केस के अंदर आपको डिस्काउंट की एडजस्टमेंट मिल जाएगी सप्लायर को बायर को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा दूसरी तरह के डिस्काउंट वो होते हैं जो At the time of supply हमें पता ही नहीं थे बाद में बताए गए हैं ऐसे discount की adjustment नहीं मिलेगी यहां पर अगर आप credit note issue भी करोगे तो वो commercial credit note होगा उसके basis पर supplier अपनी tax liability को कम नहीं कर सकता buyer को अपने ITC को reverse नहीं करना पड़ेगा चार amendment करने के बाद हम next category में आ गए थे exemptions और reverse charge पहली हमने पढ़ी थी 9.5 से related 9.4 से related 9.4 का scope थोड़ा छोटा कर दिया गया है इसके अंदर all goods and services की जगह सिर्फ किसको cover किया गया है any notified goods and services को supplier कौन रहेगा any unregistered supplier मगर recipient all registered recipients की जगह word आ गया है specified registered recipients तो crux में change ही आया है सिर्फ notified goods and services जब एक unregistered supplier देगा notified recipients को registered recipients को तभी 9.4 लगेगा मैंने आपको crux बताया था ये कहीं ना कहीं 9.3 जैसा provision हो गया है अभी तक इसके अंदर सिर्फ एक ही notification आई है वो भी real estate sector से आई है जो हमारे CA Inter exam के लिए ज्यादा relevant नहीं है ठीक है पॉइंट नंबर 6 किया आ गया हमारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और फैसिलिटेटर इसके अंदर एक चेंज आई है रूरल एरियाज में तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और फैसिलिटेटर जो सर्विस देते हैं वो एग्जेम्प्ट थे अभी भी एग्जेम्प्ट है मगर अर्बन एरियाज में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और फैसिलिटेटर दोनों की सर्विस टैक्सेबल थी और फॉरवर्ड चार्ज में हुआ करती थी यहां पर एक अमेंडमेंट आई है बिजनेस फैसिलिटेटर को रिवर्स चार्ज में डाल दिया गया है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट अभी भी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है डिफरेंस नंबर 1 साथ साथ हमने कहा था कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट भी फर्दर एजेंट्स अपॉइंट कर सकता है बिजनेस फैसिलिटेटर भी फर्दर एजेंट्स अपॉइंट कर सकता है अगर एक एजेंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को सर्विस देता है तो वो रिवर्स चार्ज में है मगर एक एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को देता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में है इसका मैंने आपको डायग्राम बनवा दिया था और मैंने आपको जहां-जहां पे कंफ्यूजन हो सकती है वो भी हाईलाइट करा दी थी अलोंग विद लॉजिक लॉजिक सिंपल सा है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पे हमने लायबिलिटी डालनी है
बिजनेस फैसिलिटेटर को हमने लायबिलिटी से बचाना है, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 7 थी हमारी सिक्योरिटी सर्विस रिलेटेड। सिक्योरिटी सर्विसेज को रिवर्स चार्ज में डाला गया है, मगर बहुत ही लिमिटेड नोटिफिकेशन है ये। पहली बात तो सिक्योरिटी सर्विसेज शुड बी इशूड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। दूसरी बात, जो रेसिपिएंट होना चाहिए वो भी अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड में भी वो कॉम्पोजिशन डीलर नहीं होना चाहिए, अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर होना चाहिए। और नॉर्मल टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड नॉर्मल टैक्स पेयर में भी अगर उसने रजिस्ट्रेशन लिया सिर्फ और सिर्फ टीडीएस काटने के लिए सेक्शन 51 में, तो भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यानी रिवर्स चार्ज सिर्फ एक केस में लगेगा, वेयर द सर्विसेज सिक्योरिटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नाइदर अ कॉम्पोजिशन डीलर नॉर हु हैज मेयरली टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर टीडीएस पर्पस, उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। एग्जम्पशन नंबर 9 पढ़ी थी हमने जनधन योजना के हिसाब से। जनधन योजना के अंदर जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खुले हैं उसके अंदर इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट तो पहले भी एग्जेम्प्ट था, इंटरेस्ट तो हमेशा ही एग्जेम्प्ट था। इस बार एक्स्ट्रा अमेंडमेंट क्या आई है, जो बाकी सारे चार्जेस हैं जो पहले टैक्सेबल हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ जनधन योजना के बीएसबीडी बेसिक सेविंग डिपॉजिट बैंक अकाउंट, सिर्फ उन केसेस के अंदर हमने एग्जेम्प्ट कर दिए हैं। बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है। फिर लास्ट था आईआईएम्स। आईआईएम्स की पूरी कहानी हमने पढ़ी थी। पहले ये रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं कवर होते थे क्योंकि इनकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं थी। आईआईएम टू एक्ट 2018 के बाद इनकी डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ मानी जाएंगी। अकॉर्डिंगली अब इनके लिए अलग से एग्जम्पशन निकालने की जरूरत नहीं थी, तो वो एंट्री डिलीट कर दी गई थी। बट सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू करी सर्कुलर में, उसने बोल दिया कि सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज जो एक साल से ज्यादा है सिर्फ वही रिकॉग्नाइज्ड है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हैं और जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो अभी भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उन पे अभी भी जीएसटी लगेगा। इनके अलावा मैंने आपको एक जीटीए की छोटी सी अमेंडमेंट आपको लिखवा दी थी। जीटीए की अमेंडमेंट छोटी सी क्या आई है, अगर जीटीए किसी रजिस्टर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सर्विसेज दे रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय रोड, और वो पर्सन ने अगेन इट इज आइदर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी या एनी लोकल अथॉरिटी विच हैज मेयरली टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी पर्पस, सिर्फ रजिस्ट्रेशन विच हैज मेयरली टेकन रजिस्ट्रेशन फॉर टीडीएस पर्पस, तो उस पर्टिकुलर केस में उस पर ना तो रिवर्स चार्ज लगेगा ना फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, उस सर्विसेज को हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। ये मैंने ऑल दो अपने नोट्स में नहीं दे रखा क्योंकि बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, बट अगेन मैंने आपको लिखवा दी थी लास्ट क्लास के अंदर, पूछने को वो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है। अभी जो पहली 10 अमेंडमेंट्स कर रही है कवर, इसके अंदर अगेन कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता नहीं दिख रहा मुझे, मुझे इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आते दिख रहे हैं और आरटीपी के अंदर भी इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन ही हैं। एक बार मैं आपको आरटीपी में क्वेश्चन दिखा देता हूं, पहले हम सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कल वाली अमेंडमेंट से रिलेटेड था। आरटीपी में नवंबर 2019 का आरटीपी है ये, ठीक है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसको मैं एक बार ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा आरटीपी को। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है वो हमारा कल वाले एक टॉपिक से रिलेटेड है, पढ़ के देखते हैं। मिस्टर अरुण अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज्ड इन सेलिंग स्वीट्स, स्वीट्स मतलब हमारा गुड्स बेच रहे हैं हम। द स्वीट्स आर सोल्ड इन बॉक्सेस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉक्स इज 500 रुपए का एक मिठाई का डब्बा है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज टर्नओवर ही परचेज सर्टेन जूस कैंस फॉर 20 ईच, पीछे से उसने जूस कैन खरीदे एंड एडेड जूस कैन विद एवरी स्वीट बॉक्स एज अ गिफ्ट। अब उसने क्या किया, एक स्वीट बॉक्स के साथ जूस कैन को कंबाइन करके बंडल करके बेच रहा है। अ स्वीट बॉक्स अलोंग विद जूस फ्री जूस इज सोल्ड एट 500, 500 रुपए की अब वो दोनों चीजें मिल रही हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था, इसको मैंने पेप्सी माना था, इसको मैंने मिनट मिनट माना था। अब इस एग्जांपल में क्या हो गया, ये स्वीट बॉक्स हो गया, ये फ्रेश जूस हो गया, इन दोनों को आपने एक साथ बेचा, ये हमारा पिछले कल वाला जो सर्कुलर था उससे रिलेटेड हो गया। मगर ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, बाय वन गेट वन मोर। अब यहां पर पहले तो टैक्सेबिलिटी डिस्कस करते हैं बिफोर डिस्कसिंग द ऑप्शंस, क्योंकि ये तो बाय चांस एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है। मान लो इसके ऊपर हमें खुद लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं इन दिस केस सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड दैट दिस एक्स्ट्रा जूस व्हिच हैज बीन सेंट व्हिच हैज बीन गिवन अवे एज अलोंग विद स्वीट बॉक्स, इट इज नॉट अ फ्री गिफ्ट सप्लाई, रादर इट इज अ कंबाइंड बंडल्ड सप्लाई जिसकी टोटल कंसिडरेशन 500 रुपीज है, और इसका नेचर हम या तो कॉम्पोजिट नेचर के साथ कॉम्पोजिट सप्लाई के हिसाब से मानेंगे या मिक्स सप्लाई के हिसाब से। फैक्ट्स ऑफ द केस के हिसाब से ये मिक्स सप्लाई लग रहा है, अकॉर्डिंगली सेक्शन 8 के हिसाब से हाइएस्ट टैक्स रूल आ जाएगा। इसी के अंदर दूसरा पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो फ्रेश जूस है, जो जूस की बॉटल हम दे रहे हैं, ये हम खरीद रहे हैं, जो हम खरीदेंगे तो इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी सोचने वाली बात है। कल वाले सर्कुलर में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के सर्कुलर में कि
उस सर्कुलर में क्लियरली लिखा था, क्योंकि जब आप इसे एक सिंगल सप्लाई मान रहे हो, इसे आप एक बंडल सप्लाई मान के दोनों को एक साथ जाते देख रहे हो, तो पीछे से जो फ्रेश जूस खरीदा था उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमने कल पढ़ी थी। अब ये हमारी टैक्सेबिलिटी दिमाग में है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक बार आपको टैक्सेबिलिटी आती है, खुद लिखने वाली हालत में हो, फिर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाएगा तो और अच्छी बात है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ही इज लायबल टू पे टैक्स ऑन 520 एंड एलिजिबल टू क्लेम। देखो 520 यानी कि आप 500 रुपए प्लस वो 20 रुपए को ऐड कर दो। नहीं भाई, कस्टमर से मैंने लिया 500 रुपए है तो मैं 520 पे टैक्स नहीं लगा सकता। वही 500 रुपए जो मुझे मिल रहे हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज कंसीडरेशन फॉर द एंटायर बंडल। तो ये वाली चीज गलत होगी, यहां पर टैक्स तो पे करना था, ये सही था, मगर 520 पे नहीं करना। ही इज लायबल टू पे टैक्स ऑन 500, ये सही लग रहा है। बंडल का पूरी प्राइस कितना था 500, मैंने टैक्स पे कर दिया। एंड नॉट एलिजिबल टू क्लेम, ये वाला पार्ट गलत लग रहा है। देखो भाई, मैंने 500 पे अगर टैक्स पे कर दिया, पूरे बंडल पे मैंने टैक्स पे कर दिया, तो पीछे से मुझे आईटीसी मिलना चाहिए, यानी ये पॉइंट भी गलत हो गया। ही इज लायबल टू पे टैक्स ऑन 500 एंड ऑल्सो एलिजिबल टू टैक्स आईटीसी। तो आंसर हमारा क्या बन गया, पॉइंट नंबर सी बन गया। हम 500 के ऊपर टैक्स पे करेंगे और एट द सेम टाइम हम एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी भी हैं। तो दिस वॉज वन सच पॉइंट जो कल वाली अमेंडमेंट से रिलेटेड थी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5। विच क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। याद रखना, रिवर्स चार्ज के दो सेक्शन होते हैं, 9(3) और 9(4). अब 9(3) में तो हमेशा से नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस थे, 9(4) में अमेंडमेंट आने के बाद क्या हो गया, वहां पर भी गुड्स एंड सर्विस को नोटिफाई किया जाता है। मगर कल वाली क्लास में मैंने एक चीज क्लियरली बता दी थी, अभी भी 9(3) और 9(4) में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है 9(3) और 9(4) के अंदर? अभी भी 9(3) में जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, जबकि 9(4) वाला सप्लायर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अनरजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में किसके बारे में बात की गई है, 9(3) के बारे में की गई है। सर 9(4) की नोटिफिकेशन तो वैसे भी आपने बताई नहीं, सिर्फ इतना बताया रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड है, तो हमें पता ही नहीं 9(4) में है क्या। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे सेक्शन 5(3) इज एक्जैक्ट रेप्लिका ऑफ 9(3) एक्सेप्ट दैट 5(3) आईजीएसटी एक्ट में है। On which the tax on which shall be payable under reverse charge basis by the recipient, यानी कि वो कह रहा है नीचे गए चार दिए गए options में से कौन सी ऐसी transaction है जिसके ऊपर reverse charge लगेगा, और reverse charge भी 9(4) वाला नहीं किसका, 9(3) का, या IGST Act का section 5(3). पहला पढ़ते हैं, supply of security services provided by a person other than body corporate। security service कल हमने किया था, क्या था, सब सिक्योरिटी सर्विस बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यहां तक लाइन ठीक लग रही है, बट आगे क्या दे रखा है, टू अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। हमारा जब कम कंपोजिशन टैक्स पेयर को देते हैं तो उस केस के अंदर रिवर्स चार्ज नहीं लगता, क्या लगता है, फॉरवर्ड चार्ज। कल मैंने इसका पूरा फ्लो चार्ट बनवा के दिखाया था, कंपोजिशन डील में फॉरवर्ड चार्ज, कोई ऐसा पर्सन जिसने सिर्फ टीडीएस काटने के रजिस्ट्रेशन लिए वहां पर भी फॉरवर्ड चार्ज, अनरजिस्टर्ड को दिया तो भी फॉरवर्ड चार्ज, अगर किसी और पर्सन को दिया तब जाकर रिवर्स चार्ज लगेगा। यानी ये हमारा रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, इसमें हमारा क्या लगता है, फॉरवर्ड चार्ज, यानी ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आपको सिर्फ 9(3) वाला रिवर्स चार्ज के बारे में बताना है। ठीक है, फिर सर्विस इज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ये हमारा रिवर्स चार्ज के अंदर आता है। इंश्योरेंस एजेंट हो चाहे बैंक का रिकवरी एजेंट है, दे आर अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये क्वेश्चन मेरे को, ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है, मगर अभी अपने आप नहीं करना, क्योंकि यहां पे ऑप्शंस में 1, 2 ऐसे भी दे रखे हैं, तो आपने सिर्फ टिक करते जाने कौन से ठीक लग रहे हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ होटल अकोमोडेशन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ, ईसीओ के प्रोविजन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर आते हैं। 9(5) के अंदर अगर आप स्पेसिफाइड सर्विसेज देते हो तो सप्लायर को साइड हटाकर ईसीओ को लायबल कर दिया जाता है टैक्स पे करने के लिए। आज एक अमेंडमेंट आई है इसके अंदर, मैं इस सेक्शन को डिटेल में भी डिस्कस करूंगा 9(5) को। Where there are specified services and they are provided through an ECO, then the supplier does not become liable to pay tax. ECO becomes the supplier. ECO को supplier मान लिया जाता है। सिर्फ 3 services notified हैं इसके अंदर, cab services, दूसरा हमारा है hotel services और तीसरी है housekeeping service। तो हमसे पूछा गया 9(3) के बारे में, ये किससे related बात चल रही है, ये 9(5) से related बात चल रही है। हमसे क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, मुझे रिवर्स चार्ज बताओ और कौन सा बताओ, 9(3) वाला बताओ, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। और लास्ट, सप्लाई ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हु इज नॉट रजिस्टर्ड टू अ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड। देखो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस है, स्पेसिफाइड क्लास है, मगर क्लियरली लिख दिया सप्लायर कौन होना चाहिए, नॉट रजिस्टर्ड। ये 9(3) की बात नहीं है, ये तो अमेंडेड 9(4) की बात चल रही है।
मैंने पहले ही कहा था 93 और 94 में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस हो सकते हैं, दोनों में स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो सकते हैं, मगर 94 सिर्फ और सिर्फ किसको कवर करेगा, अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स को कवर करेगा। तो ये बात किसकी चल रही है, 94 की चल रही है। तो ले देके हमारा आंसर सही कौन सा है, पॉइंट टू। अगर ऑप्शन में देखोगे ओनली टू वाला ऑप्शन है हमारा बी पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, इसने इस चारों पार्ट्स में आपके कॉन्सेप्ट्स चेक करें, एक ही एमसीक्यू में वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपके चेक कर सकता है। मैंने ही आपको इसलिए कराया, इसके अंदर मेरी कल वाली दो अमेंडमेंट्स यूज हुई हैं, एक तो 94 का चेंज स्कोप यहां पर यूज हो गया और दूसरा सिक्योरिटी सर्विसेज में जो रिवर्स चार्ज आया है वो भी यहां पर यूज हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कवर कर सकते हैं। मिस्टर देव आनंद इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ फैसिलिटेटिंग सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। कौन है मिस्टर देवानंद? मिस्टर देव आनंद बाकी क्लाइंट्स के लिए सिक्योरिटीज को बेचने और खरीदने में फैसिलिटेशन देता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है। स्टॉक ब्रोकर के बारे में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक क्लैरिफिकेशन आई है सर्विस के डेफिनेशन में जहां पे बोला गया है ऑल्दो सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस दोनों के डेफिनेशन से बाहर है, मगर सिक्योरिटीज को बेचने में अगर आप फैसिलिटेशन करोगे तो उसको सर्विस माना जाएगा। और ये जो अमेंडमेंट थी मैंने आपको बताई थी ये क्लैरिफिकेटरी नेचर की है, तो इसका इंपैक्ट हमेशा क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा। ठीक है, ये हमारा प्रोविजन है। आगे बढ़ते हैं। He is also engaged in trading of securities. देखो भाई दोनों काम करता है वो खुद शेयर्स बेचता भी है, खरीदता बेचने का काम तो करता ही करता है, साथ साथ दूसरे लोग जो खरीद बेच का काम कर रहे हैं उसमें फैसिलिटेशन देता है। तो दो काम हो गए इसके, एक बाकी लोग जो खरीद बेच कर रहे हैं उसमें फैसिलिटेट करना और एक खुद खरीदना बेचना। ठीक है जी। His turnover is ascended. जब ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज करता है, अपनी खुद खरीदता बेचता है, ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर क्या टर्नओवर है इसकी, 40 लाख, और जो ब्रोकरेज इसको मिली है उसके अंदर इसकी टर्नओवर कितनी है, 30 लाख रुपए। अगर अभी आगे मैं आगे देख नहीं रहा क्वेश्चन में है क्या, सिर्फ यहां तक देखा जाए तो आप क्लियरली बोल सकते हो जो सिक्योरिटीज की ये वाली चीज है ये इसके अंदर क्या है, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, दिस इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेस, ना तो ये गुड्स है ना सर्विसेज है, अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर केस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी ना लगने का कारण ये नहीं है कि हमने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, जीएसटी ना लगने का कारण ये है कि जीएसटी लेवी 71A में किस पे होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, और मैंने गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया इसको। ठीक है जी। दूसरा, ब्रोकरेज क्या इस पे टैक्स लगेगा, यस, ये सर्विस की डेफिनेशन में कवर्ड है, कवर्ड इन सर्विस डेफिनेशन। ठीक है, यहां तक। अब यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर देवानंद। वो कह रहा है ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट करो। एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट करने के लिए पहली बात तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ जो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। आज वैसे मुझे रजिस्ट्रेशन वाली बातें ही करनी है, पहले बात कर लेते हैं एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर बहुत वाइड इन स्कोप होता है, उसमें टैक्सेबल सप्लाईज भी आती हैं, उसके अंदर आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आती हैं, उसके अंदर एक्सपोर्ट्स भी आते हैं, उसके अंदर इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर्स भी कवर हो जाते हैं, और उसके अंदर दो तीन एक्सप्लेनेशंस भी थी जो प्रिंसिपल एजेंट्स और डील करती हैं। हाँ, रिवर्स चार्ज की सप्लाईज आपने दी हैं वो आपके हाथ में आएंगी, अगर आपने रिवर्स चार्ज की सप्लाईज रिसीव करी हैं वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएंगी। ठीक है जी। अब खास बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि हमारी ये जो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज दोनों आती हैं, तो सवाल ये है कि सर ये जो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज है क्या ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, क्योंकि अगर इसको हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई बोल दिया तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है टैक्स 30 लाख पे लगेगा, मगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 70 लाख हो जाएगी अगर मैंने इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई बोल दिया। अब ध्यान देना, बड़ा टेक्निकल पॉइंट पे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि बच्चा गलत क्या कर देगा, वो जैसे ही देखेगा वो कहेगा टैक्स तो 30 लाख में भेजना है मगर ये भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एग्रीगेट टर्नओवर 70 लाख कर देगा। मगर एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है एनी सप्लाई व्हिच इज आइदर निल रेटेड, एग्जेम्प्शन वाले चैप्टर में डिटेल में एक डायग्राम बनवा रखा है मैंने इसका, विच इज आइदर निल रेटेड या जिसको सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट कर रखा है, या विच इज नॉट टैक्सेबल, जिसपे जीएसटी का लेवी नहीं है, जिसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आती है, उन तीनों उस तरह की सप्लाईज को एग्जेम्प्ट सप्लाई बोला जाता है। यहां पर जो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज है ना उसपे जीएसटी इसलिए नहीं लग रहा कि उसका रेट निल है, या उसको सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट कर रखा है, या उसको अल्कोहल और पेट्रोलियम की तरह हमने बाहर कर रखा है। यहां पर रीजन यह है कि वो गुड्स की डेफिनेशन से ही बाहर है, तो ट्रेडिंग ऑन सिक्योरिटीज पे टैक्स नहीं लगेगा, मगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई भी नहीं है,
वो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किसी चीज पर टैक्स ना लगना और उसका एग्जेम्प्ट सप्लाई होना. दोनों पे टैक्स नहीं होता, मगर जब आप किसी को गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन से ही बाहर कर देते हो या सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर कर देते हो, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बनता उस केस के अंदर. ठीक है जी, इसका एक हिंट मैं आपको बता दूं, सेक्शन 17 के अंदर, सेक्शन 17 के अंदर जिन लोगों ने रिवाइज कर रखा आईटीसी वाला चैप्टर वो बात ही समझ पाएंगे, अदरवाइज आईटीसी वाला चैप्टर जब आप रिवाइज कर लोगे फिर इस बात को ध्यान से सुनना. सेक्शन 17 के अंदर एक प्रोविजन होता है जहां पर कहा जाता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए आपको आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा. सेक्शन 17 में एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट की गई है जहां पर यह क्लियरली बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ आईटीसी रिवर्सल वाले पॉइंट के लिए ट्रेडिंग इनसिक्योरिटीज को एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा. मगर वो जो डीमिंग फिक्शन सेक्शन 17 ने क्रिएट करी है वो सिर्फ सेक्शन 17 में रिवर्सल करने के पर्पस के लिए करी है. फॉर ऑल अदर पर्पस ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज को एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं माना जाता. ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग सिक्योरिटीज ना तो सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट है किसी नोटिफिकेशन में, ना वो नेल रेटेड है, ना वो अल्कोहल और पेट्रोलियम की तरह स्पेसिफिकली बाहर की गई है जीएसटी के दायरे से. वो इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो ना तो गुड्स की डेफिनेशन में है ना सर्विस की. तो ये बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है. अकॉर्डिंगली इसका आंसर आएगा 30 लाख रुपीज. 30 लाख क्यों आया? बिकॉज ऑल दो 40 लाख रुपीज ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स, बट इट इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई. टेक्निकली स्पीकिंग इट इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, इट इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज. एंड एग्रीगेट टर्नओवर का जो वर्ड है इट इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज. ठीक है, जिन बच्चों को सेक्शन 17 के हिसाब से डाउट आ रहा है कि सर 17 में तो लिखा है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, तो अगेन सेक्शन 17 के अंदर जो डीमिंग फिक्शन क्रिएटेड है वो सिर्फ सेक्शन 17 के लिए ही है. ये जो डीमिंग फिक्शन की बात मैंने सेक्शन 17 की करी वो अगली अमेंडमेंट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि उस सेक्शन में भी एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है. जिन लोगों ने अपना आईटीसी वाला चैप्टर रिवाइज कर लिया है उनको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. सेक्शन 17 के अंदर जो डीमिंग फिक्शन है दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी रिवर्सल. फॉर ऑल द अदर पर्पस ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज को एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं मानना. आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मेरे हिसाब से. आई थिंक ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बच्चों की पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज चेंज हो चेक हो जाएगी. ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक से है, ये भी रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक से है. कॉम्पोजिशन स्कीम आईटीसी, क्रेडिट नोट आईटीसी, और कोई अभी तक टॉपिक ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक के कवर्ड टॉपिक्स में से हो. तो अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद न्यू अमेंडमेंट टुडे. लेट्स कम टू पेज नंबर 14. हमारी अमेंडमेंट नंबर कैटेगरी नंबर सी है, अमेंडमेंट नंबर 11 है, दैट इज चेंज इन द क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं और बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं जिनको हमें डीप में पढ़ना है. पहली बात मैं बता दूं, अभी तक जितने भी थे उन सब में ये अमेंडमेंट आप अपने इंडेक्स में इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये वाली और इसके बाद नहीं, और कोई तो नहीं है, मगर ये वाली अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर वेरी हाई चांसेस हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. इनफैक्ट मैं आपको बोल सकता हूं 99% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा. सो इसको टॉपिक को जो हम करने कवर अप करने वाले हैं इसको बहुत ही ध्यान से समझना है. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाता हूं रजिस्ट्रेशन पहले क्या प्रोविजन थे. रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे दो अलग अलग सेक्शन हुआ करते थे, मैं आपको डिस्कस करूं तो एक हमारा हुआ करता था सेक्शन नंबर 22, ठीक है, एक हमारा सेक्शन होता है 23, एक हमारा सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 24. तीनों सेक्शन का काम क्या है, पहले रिवाइज करा रहा हूं. 22 आपको बताता था कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है या 10 लाख से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी जरूरी है. रजिस्ट्रेशन हमें सिर्फ उस स्टेट के अंदर लेनी होती है, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जहां से, फ्रॉम वेयर सप्लाई इज मेड. हर स्टेट के अंदर नहीं लेनी, जहां जहां से आप सप्लाई मेक कर रहे हो वहां वहां रजिस्ट्रेशन लेनी है. एक खास बात यह है जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं होती, वो क्या होती है, पैन इंडिया कैलकुलेट की जाती है. जैसे ही आप 20 लाख या 10 लाख को क्रॉस कर दोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी मैंडेटरी हो जाएगी. सर ये 20 लाख और 10 लाख का पंगा क्या है? यूजुअली तो लिमिट 20 लाख है, मगर 10 लाख की लिमिट अप्लाई होती थी 11 स्टेट्स के अंदर. ये 11 स्टेट्स कौन कौन सी होती थी पहले मैं आपको बता दूं, 11 भी बाद में 10 स्टेट्स हो गई थी. सबसे पहले याद करने का मैंने आपको बताया था तरीका, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और उसके अलावा आसाम, आसाम को भी नॉर्थ ईस्ट ही मान सकते हो आप. 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन आती है, सबसे पहले आती है मणिपुर, फिर आती है मिजोरम, फिर आती है नागालैंड, फिर आती है त्रिपुरा,
फिर आती है अरुणाचल प्रदेश, एपी स्टैंड फॉर अरुणाचल प्रदेश, फिर आती है सिक्किम और लास्ट में आती है मेघालय। ठीक है जी, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारी ये हो गई, प्लस हमारा आसाम हो गया 8 स्टेट्स। फिर हमारे नॉर्थ इंडिया में आ जाओ, नॉर्थ इंडिया में जो हिली स्टेट्स हैं, पहली क्या आ गई उत्तराखंड, फिर हमारी कौन सी हो गई हिमाचल प्रदेश, और लास्ट में आ गई जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने बाद में इस प्रोविजन से ऑप्ट आउट कर दिया था, तो 11 की जगह 10 स्टेट्स बच गई थी। तो ये हमारी स्टेट्स थी जिनके ऊपर 10 लाख लगता था, बाकी कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या लगता था, 20 लाख का प्रोविजन ही लगता था। ठीक है जी, अगर हमारी बहुत मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेशन है और इनमें से कोई एक स्टेट भी ये वाली आ जाए तो हमारे पे प्रोविजन लगता था 10 लाख का, यानी कि मेरी अगर 5 लाख की सेल सिक्किम के अंदर है और 6 लाख की सेल दिल्ली के अंदर है, तो जैसे ही 11 लाख हुआ मेरे पैन इंडिया मेरे पे कितनी प्रोविजन है 10 लाख का, मुझे सिक्किम में भी रजिस्ट्रेशन लेनी है और दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन लेनी है। फिर आता है सेक्शन 23 हमें बताता है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर एक दो ट्रांजैक्शन तो नोटिफाइड ही है, एग्रीकल्चरलिस्ट यहां पर नोटिफाइड है, उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी पड़ती। साथ साथ अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो या एक्सक्लूसिवली ऐसी कोई सप्लाई कर रहे हो जिसपे जीएसटी नहीं लग रहा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी। साथ साथ एक प्रोविजन ऐसा था जहां पर गवर्नमेंट को यह पावर है कि गवर्नमेंट किसी भी ट्रांजेक्शन को नोटिफाई कर सकती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी नोटिफिकेशन निकाली है, अगर आप एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। फिर कुछ इंटरस्टेट सप्लाईज के केस के अंदर भी सर्विस प्रोवाइडर्स को हमने बेनिफिट दिया है, कोई पर्सन जो ईसीओ के थ्रू सर्विसेज दे रहा है उसको भी थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, हैंडीक्राफ्ट वालों को बेनिफिट दिया था। तो अलग अलग तरह की नोटिफिकेशन आपकी बुक में दे रखी होंगी सेक्शन 23 से रिलेटेड। 24 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये हमें बताता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किस किस में लेनी है। व्हेनेवर आई यूज द वर्ड ना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, उसका मतलब है सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन में करवाने के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रहा है 20 लाख या 10 लाख की। 24 कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देता, 24 कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर आपको रजिस्ट्रेशन लेनी ही लेनी है। तो यहां पर कुछ ट्रांसैक्शंस ऐसी हैं, अगर आप उन ट्रांसैक्शंस को या उन कैटेगरी ऑफ पर्संस में आ रहे हो, जैसे आप 24 में कवर हो रहे हो तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, अगर आप 10 रुपए की सेल भी करते हो, 10 रुपए की भी सप्लाई करते हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। ये मैंने आपको ब्रीफली रिवाइज करवा दिया रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, 3 सेक्शन हमारे 22, 23 और 24। अब अमेंडमेंट कहां कहां पे आई है, 22 में भी आई है, 23 में भी आई है और एक नई नोटिफिकेशन भी आ गई है। ठीक है जी, सेक्शन 23 के अंदर ध्यान से सुनते हैं, पहले समझते हैं क्या क्या अमेंडमेंट आई है। ये पहले पूरा पुराना प्रोविजन रिपीटेड है यहां पर। ठीक है, अच्छा पुराने वाले के अंदर ना एक खास बात ये थी कि पुराने वाला जो प्रोविजन था ना वो भेदभाव नहीं करता था, वो ये नहीं कहता था आप एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स हो तो आप पे ये प्रोविजन लगेगा, एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ सर्विस हो तो ये लगेगा, अगर आप गुड्स प्लस सर्विस देते हो तो, वो तीनों में समानता रखता था, तीनों में यूनिफॉर्मिटी थी कि आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचते हो, सिर्फ और सिर्फ सर्विस बेचते हो या गुड्स प्लस सर्विस तीनों देते हो, प्रोविजन आप पे वही सेम रहेगा 10 लाख और 20 लाख रुपए का। टू दैट एक्सटेंट जीएसटी अच्छी बात है ना, आप गुड्स और सर्विस वाले डीलर में भेदभाव नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। मगर अब पहला प्रोविजन, पहली अमेंडमेंट, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट आई है पहली जो हमारी आई है, चेंज इन दी स्पेसिफाइड स्टेट्स, कुछ स्टेट्स बदल दी गई हैं। देखो मैं आपको पहले हिस्ट्री बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, ये 10 लाख का चक्कर क्या था। सोच के देखो, जिन भी स्टेट्स के अंदर 10 लाख की लिमिट है वो सरकार का फायदा है ना कि एसएससी का फायदा है। सरकार का फायदा कैसा है, अगर आप 10 लाख से ज्यादा की टर्नओवर रखते हो तो उन स्टेट्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन दिलवा देंगे और उनके चक्कर में पैन इंडिया भी करवा देंगे। बाकी सारे स्टेट्स में जहां पर आप सप्लाई करते हो, वन ऑफ द स्टेट इज आउट ऑफ दोज 11 स्टेट्स, तो आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी 10 लाख को क्रॉस करते हुए, बेशक 20 लाख से आप कम हो। तो ये प्रोविजन लाया क्यों गया था, ये जो 11 स्टेट्स थी, 8 नॉर्थ ईस्ट वाली और 3 नॉर्थ इंडिया वाली, इन स्टेट्स ने कहा था कि हमारे यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी ज्यादा है नहीं, अगर हम 20 लाख की लिमिट रख देंगे तो इनको डर था कि इनके काफी सारे लोग जीएसटी के दायरे से बाहर ही हो जाएंगे, वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल वो कवर ही नहीं हो पाएंगे जीएसटी के अंदर। इसलिए जब स्टार्टिंग में जब जीएसटी लाए गए 1 जुलाई 2017 को, इन स्टेट्स ने स्पेसिफिकली अपने लिए एक्सेप्शन रखवाई, इन्होंने बोला हम 20 लाख की लिमिट नहीं रखेंगे, हम तो 10 लाख की लिमिट रखेंगे। हमारी जो जीएसटी काउंसिल है उसके अंदर ये कंसेंसस पास हुआ कि ठीक है ये 11 स्टेट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम है, इनको 10 लाख रखने देते हैं। फिर जब 1.5 साल इन्होंने जीएसटी में काम किया, इन्होंने ये चीज देखी कि जीएसटी के अंदर लोगों की टर्नओवर वैसे ही बढ़ गई है, क्यों, एग्जेम्पशंस काफी हद तक खत्म हो गई हैं, वैल्यूएशन में चेंज ला दिया गया है, हर चीज को हम सप्लाई मानने लग गए हैं शेड्यूल वन की वजह से, बहुत स्कोप बढ़ गया सप्लाई के डेफिनेशन का, तो लोगों की टर्नओवर ज्यादा आने लग गई, लोगों की टर्नओवर ऑटोमेटिकली बढ़ गई और ऐसे बहुत सारे लोग निकल आए जो 10 या 20 लाख को भी क्रॉस कर रहे थे।
फिर से जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई लेट 2018 में, इन्हीं स्टेट से फिर पूछा गया, हाँ भाई एक साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताओ अब तुम क्या 20 लाख रखने को तैयार हो? तो इनमें से कुछ स्टेट्स मान गई, कुछ स्टेट्स अभी भी आनाकानी कर रही थी। तो हमने क्या किया, जब जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट ला रहे थे, सेक्शन 22 में एक छोटी सी पॉइंट डाल दिया। हमने कहा कि सारी स्टेट्स को अब पावर है, ये जो 11 स्टेट्स थी इन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोलते हैं, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग से दर्जा दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो हमने बोला जितने भी स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट्स है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इनकी अपनी मर्जी है अब कि ये चाहे तो 10 लाख रखेंगे चाहे तो 20 लाख रखेंगे। यानी ये वाली चीज ना हमने इनके ऊपर छोड़ दी, काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी ले आए। जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, कुछ स्टेट्स 10 लाख से निकल के किसमें आ गई, 20 लाख में आ गई। वो 20 लाख में कवर होने के लिए तैयार हो गई। 20 लाख में जैसी वो स्टेट्स कवर हुई, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अपनी नॉर्थ इंडिया वाली स्टेट्स, ये एसएससी का फायदा हो गया। क्योंकि अब जो छोटे छोटे एसएससी हैं जिनकी 10 लाख से ज्यादा है मगर 20 लाख से कम है, और वो इन स्टेट्स में काम कर रहे थे, वो जीएसटी में सेक्शन 22 से बाहर हो गए। मगर ध्यान देना, 11 की 11 स्टेट्स नहीं मानी, चार स्टेट्स ऐसी थी जो अभी भी अड़ी रही कि हम तो 10 लाख के लिमिट में रहेंगे। ये सारी कहानी का क्रक्स ये निकला कि ये जो पहले 11 स्टेट्स थी अभी ये कम होकर चार स्टेट्स रह गई है। यानी 10 लाख के लिमिट के लिए अब नाउ 11 स्टेट स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट्स हैं। इनको याद करने के लिए मैं आपको एक लर्निंग टेक्निक दे देता हूं। लर्निंग टेक्निक है MMNT, चारों नॉर्थ ईस्टर्न है मगर नॉर्थ ईस्टर्न में भी याद करना जरूरी है। MMNT, एम स्टैंड फॉर मिजोरम, एम स्टैंड फॉर मणिपुर, एन स्टैंड फॉर नागालैंड, टी स्टैंड फॉर त्रिपुरा। यहां पर कंफ्यूजन ये हो सकती है, मेघालय भी एम से स्टार्ट होती है, तो याद रखना मेघालय को बाहर कर रखा है, मेघालय 20 लाख की लिमिट में आएगी। सिर्फ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, ये बहुत बार यूज होंगे, अभी आगे वाली अमेंडमेंट्स में भी यूज होगा। MMNT स्टेट्स बोलूंगा मैं। आप अगर फ्लो चार्ट्स वाली बुक भी देखोगे मेरी, मैंने जगह जगह वर्ड यूज कर रखा है MMNT स्टेट्स। MMNT स्टेट्स मतलब मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इफ असेसी हैज मल्टीपल स्टेट्स, एंड वन ऑफ द स्टेट इज MMNT, MMNT में से कोई भी एक स्टेट अगर आपकी कवर हो जाती है, मल्टीपल स्टेट में ऑपरेशन है आपके, देन लिमिट ऑफ रुपीज 10 लाख विल अप्लाई फॉर ऑल दी स्टेट्स। ये प्रोविजन कोई नया प्रोविजन नहीं है, ये पहले भी था, मैंने आपको जब समझाया होगा जो भी पुराने बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, कि अगर आपके उन 11 स्टेट में से एक भी स्टेट हो जाती थी तो पूरे देश के लिए 10 लाख होती थी। वही सेम चीज बोल रहा हूं, 11 की जगह अब ये चार स्टेट्स के अंदर एक भी स्टेट आ जाती है, आपके मल्टीपल ऑपरेशन है, 6 स्टेट्स में काम करते हो, गोवा में काम करते हो, महाराष्ट्र में, पंजाब में, यूपी में और दिल्ली में, और एक स्टेट आपकी त्रिपुरा, क्योंकि आप एक भी स्टेट त्रिपुरा के अंदर आ गए तो सारी स्टेट्स के लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितनी मानी जाएगी, 10 लाख। अगर आपकी सारी स्टेट्स के मिलाकर 12 लाख की टर्नओवर है तो ना सिर्फ त्रिपुरा, आपको सारे 6 स्टेट्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो एक छोटी सी अमेंडमेंट है, 11 की जगह क्या हो गई है, 4 स्टेट्स हो गई है, नॉट अ बिग डील। अब अगली अमेंडमेंट ध्यान से सुनना, ये अमेंडमेंट नहीं है। इन्होंने क्या किया, बहुत समय से बोला जा रहा था सर ये 20 लाख की लिमिट भी कम है, क्योंकि 20 लाख की लिमिट ना सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लिमिट कम रखी जाती है। अगर आपको याद हो डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी ना सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लिमिट कम रखी गई है, अगर गुड्स वालों के लिए, डायरेक्ट टैक्स की बात करो, इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स में सेक्शन 44AB में गुड्स वालों के लिए अगर 2 करोड़ की लिमिट रखी गई है तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए 50 लाख की लिमिट रखी गई है। 44AD में अगर 2 करोड़ की लिमिट रखी गई है तो 44AD A के अंदर 50 लाख रखी गई है। यानी टैक्सेशन चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, सर्विस प्रोवाइडर की लिमिट कम रखी जाती है, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स की टर्नओवर ज्यादा नहीं होती, उनका प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होता है मगर टर्नओवर ज्यादा नहीं होती, गुड्स वालों की टर्नओवर ज्यादा होती है। तो गुड्स वालों ने दिक्कत ये बोली कि भाई 20 लाख रुपए हमारे लिए बहुत कम लिमिट है, हमें तो इससे ज्यादा लिमिट चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि 20 लाख तो आज के डेट में देखा गया कि यार ठीक ठाक जो स्टेट्स हैं जहां पर अर्निंग अच्छी है वहां तो कोई छोटा मोटा काम करने के लिए भी, गुड्स में अगर डील कर रहा है उसकी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाती है, तो एक नई लिमिट लाई गई, 40 लाख की। मगर ये 40 लाख की लिमिट ब्लैंकेट नहीं दे दी गई,
इस पे बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई, आपको कंडीशंस को ध्यान रखना है, और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस अब इंटरेस्टिंग हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आते थे, अब तो पक्का आएंगे, क्योंकि अब 20 लाख और 10 लाख की लिमिट तो चली रही थी, एक नई लिमिट आ गई 40 लाख की। अब 40 लाख की कंडीशन सुनो, पहली कंडीशन, 40 लाख की कंडीशन लगी है सिर्फ उन डीलर्स के ऊपर जो एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, ट्रेडर भी हो सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर में कोई भेदभाव नहीं किया हमने, मगर एक्सक्लूसिवली गुड्स में होने चाहिए। एक्सक्लूसिवली मतलब बिल्कुल भी सर्विस नहीं होनी चाहिए। तो 40 लाख के दायरे से बाहर कौन हो गया, पहले तो ये बताओ, 40 लाख के दायरे से बाहर वो हो गया जो एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस प्रोवाइडर प्लस गुड्स दोनों है। लेट अस सपोज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कुछ सामान गुड्स में कुछ नहीं बेचता, मैं एक एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मेरे पे लिमिट आज भी कितनी है, 20 लाख या फिर 10 लाख, ठीक है जी। अगर मैं मान लो मैं अपना करंट एग्जांपल लूं कोचिंग का, मैं सर्विस भी देता हूं, मैं बुक्स भी बेचता हूं, मैं दोनों गुड्स प्लस सर्विस दोनों के अंदर आता हूं, जब मैं बुक्स और सर्विस गुड्स और सर्विस दोनों के अंदर आता हूं, तो मेरे पास भी मेरे पे भी 40 लाख की लिमिट नहीं है, मेरे पे आज भी लिमिट कौन सी लग रही है, 20 और 10 लाख की। तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली आई है एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स के ऊपर। अच्छा, गुड्स के अंदर भी बात करें, तीन तरह के गुड्स ऐसे हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक तरह के गुड्स में डील करते हो तो आपको बाहर कर दिया गया है। कौन से गुड्स हैं ये? आइसक्रीम एंड एडिबल आइस, दूसरा है पान मसाला, और तीसरा है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। अगर आप तीन तीनों प्रोडक्ट्स को देखोगे तो आपको कुछ याद आएगा कि ये तीनों प्रोडक्ट्स पहले भी हुआ करते थे। कहां पे होते थे? ये कॉम्पोजिशन स्कीम में होते थे। हम पहले बोलते थे कि कॉम्पोजिशन डीलर हर कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में जो होती है वो हर किसी पे लगेगी, इन तीन तरह के गुड्स के डीलर्स पर, इन तीन तरह के गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स पर नहीं लगेगी। वही तीनों तरह के गुड्स अब फिर से नोटिफाई करें हैं, मगर इस बार किस में डाल दिया हमने, इनको डाल दिया 40 लाख के दायरे से बाहर करने के लिए। याद रखना, ये जो तीन तरह के गुड्स हैं यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगाएगी, ये मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। हमने बोला इफ यू आर डीलिंग इन दिस टाइप ऑफ गुड्स, whether you are a manufacturer or you are a trader, then this particular provision will not be applicable. Yani 40 lakh mein aane ke liye you should be exclusive dealer of all the goods, of any goods you can be, other than these three goods. Sir, in teenon goods ke andar karenge to kya hoga? Natural si baat hai, 40 lakh ka fayda nahi le paoge. 40 lakh ka fayda nahi le paoge to kahan jaoge? ऐसा थोड़ा कि आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन दिलवा देंगे। 20 लाख और 10 लाख जो ऑलरेडी प्रोविजन है वो तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप एमएमएनटी स्टेट के अंदर हो तो 10 लाख लगेगा, नहीं तो 20 लाख। यानी जिन जिन को मैं 40 लाख से बाहर करता जा रहा हूं वो ऑटोमेटिकली कहां जाते जा रहे हैं, 20 लाख और 10 लाख के दायरे में जाते जा रहे हैं। अभी तक फिर से रिवाइज करते हैं। 40 लाख में आने के लिए पहली चीज चाहिए, यू शुड बी एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स, यानी कि एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर, और गुड्स प्लस सर्विस प्रोवाइडर दोनों को बाहर कर दिया। दूसरी चीज, गुड्स में भी आप पान मसाला, एडिबल आइस और आइसक्रीम, और तीसरी चीज टोबैको गुड्स वाले नहीं होने चाहिए। अगर आप इन तीनों में हो तो आपको फिर से किस में डाल दिया, 10 लाख और 20 लाख में डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप इन में से, ये 10 स्टेट्स लिखी हैं, इन 10 में से किसी भी स्टेट के अंदर डील नहीं करते होने चाहिए। यू शुड नॉट बी डीलिंग इन एनी ऑफ दीस 10 स्टेट्स। सर अभी तो 4 स्टेट्स थी, बिल्कुल सही, ये इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे कंफ्यूजन होती है। अभी 10 लाख की लिमिट रखने के लिए हमने क्या पढ़ी थी, 4 स्टेट्स पढ़ी थी, एमएमएनटी। आइडियली स्पीकिंग 40 लाख से भी बाहर करने के लिए इनको एमएमएनटी रखनी चाहिए थी सिर्फ, मगर इन्होंने क्या रखी, देखो याद करने के लिए 10, पहली चार तो वही है एमएमएनटी, ये चारों तो सेम है। एमएमएनटी एनटी स्टेट्स को 40 लाख का बेनिफिट नहीं देंगे, जब उनको 20 का नहीं देते, उनको 20 लाख से भी हटाकर 10 लाख में डाल देते हैं, तो 40 लाख का फायदा कैसे दे देंगे उनको। हमने कहा तुम एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स भी होंगे ना तो भी तुम्हें 40 लाख में डालेंगे, हम किस में डालेंगे, 40 लाख से बाहर करेंगे, 10 में जाओगे वापस तुम। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स को भी 40 से बाहर कर दिया, इनको याद कैसे करें, देखो याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होती हैं, 4 को तो हमने याद कर लिया एमएमएनटी में, 40 लाख से बाहर करने के लिए एमएमएनटी के अलावा 3 नॉर्थ ईस्ट, रिमेनिंग 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट आएंगे। यार ये पांडिचेरी गलती से मैंने ऊपर कर दिया, सिक्किम ऊपर कर लो, पांडिचेरी नीचे, सीक्वेंस ढंग से नहीं आई। 3 रिमेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, थ्री रिमेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी आ गई हमारी एमएमएनटी में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड हो गई थी, अब आ गई मेघालय आ गई, फिर आ गई सिक्किम, और फिर आ गया अरुणाचल प्रदेश। ध्यान देना, असम को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, कंसिडर नहीं कर रहे, तो असम इसके अंदर कवर अप नहीं हुआ, ठीक है जी। और आखिरी तो तीन स्टेट्स क्या हुई, आखिरी तीन स्टेट्स, तीन मैंने अपनी बुक्स में याद कराने के लिए रखा, तीन बेचारी स्टेट्स,
सर बेचारी का मतलब इनकी कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से 40 लाख का बेनिफिट यहाँ नहीं दिया जा रहा, सरकारों का फायदा किया जा रहा है। सरकार जो स्टेट्स की है उन्होंने बोला हम 40 लाख में नहीं जाएंगे। कौन कौन सी स्टेट्स हैं इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म दे दी मैंने, पीयूटी। पीयूटी स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर पौंडीचेरी, पौंडीचेरी बोल सकते हो या आप इसे पुडुचेरी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। पौंडीचेरी अगर आपको पता हो, सर ये तो यूनियन टेरिटरी होती है, यस, मगर मैंने जीएसटी में पहले बताया था जीएसटी के पर्पस के लिए 29 स्टेट्स नहीं माननी, ऐसी दो यूनियन टेरिटरी जिनके खुद के लेजिस्लेचर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनको भी स्टेट मानना है। ऐसी कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। दैट इज वाई आई एम यूजिंग द वर्ड स्टेट फॉर पांडिचेरी। सो पांडिचेरी इसके अंदर कवर अप हो गई। पांडिचेरी को सर बेचारा क्यों बोला, पांडिचेरी एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी उसको स्टेट का दर्जा तो दे दिया मगर वो दिल्ली की तरह अमीर यूनियन टेरिटरी नहीं है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है मगर क्योंकि दिल्ली देश की कैपिटल है, यहाँ पे कमर्शियल ऑपरेशंस काफी अच्छे हैं, यहाँ पर इकोनॉमी काफी अच्छी ग्रो करती है। दिल्ली को 40 लाख का बेनिफिट देने में कोई दिक्कत नहीं है मगर पांडिचेरी कह रही है मैं तो छोटी सी यूनियन टेरिटरी हूँ, मुझे तुमने स्टेट का दर्जा दे दिया, मुझे स्टेट की डेफिनेशन में कवर कर लिया, अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं 40 लाख के लिमिट नहीं ले सकती। तो हमने पांडिचेरी को 40 लाख से बाहर कर दिया। फिर यू स्टैंड्स फॉर उत्तराखंड। सर उत्तराखंड को बेचारा क्यों बोला, क्योंकि उत्तराखंड नेचुरल सी बात है हिली स्टेट है, हिली स्टेट है, प्लस इसके अंदर अक्सर नेचुरल कैलामिटीज होती रहती हैं। तो उत्तराखंड ने भी कह दिया कंसिडरिंग आर इकॉनमी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी आर अ हिली स्टेट, वी डोंट वांट टू गेट कवर्ड अंडर 40 लाख। हिमाचल प्रदेश और जेएनके मान गई, उनको 40 लाख के दायरे में रखा, उत्तराखंड को 40 लाख से बाहर कर दिया हमने। लास्ट में आया टी, टी स्टैंड्स फॉर तेलंगाना। सर तेलंगाना ये तो अच्छी सी स्टेट है, इसको क्यों बोला, क्योंकि तेलंगाना आपको पता होगा रिसेंटली एक नई स्टेट है, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है इसको, तो इसने भी एग्री नहीं किया 40 लाख के दायरे में आने के लिए, इसको भी बाहर कर दिया। तो आपको 10 स्टेट्स याद करनी है, 10 स्टेट्स को याद करने के लिए मैं आपको पहले लर्निंग्स के लिए बता दूं, पहले कौन कौन सी हैं, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये तो याद रखनी है, 10 लाख के लिए भी याद रखोगे, ठीक है, 40 लाख से बाहर आने के लिए भी याद रखोगे। फिर अगली हैं तीन रिमेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तीन रिमेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन सी हो गई हमारी, मेघालय हो गई, हमारी सिक्किम हो गई और अरुणाचल प्रदेश हो गई। आसाम याद रखना, उसके अंदर कवर, आसाम को बाहर नहीं किया 40 लाख से, आसाम अभी भी 10 लाख और 20 लाख के दायरे के, आसाम अभी भी 40 लाख के दायरे के अंदर ही है। और तीसरी हमारी होगी तीन बेचारी स्टेट्स, पीयूटी, पांडिचेरी, उत्तराखंड और टी स्टैंड्स फॉर तेलंगाना। इन 10 स्टेट्स में अगर आपके ऑपरेशन है, कोई भी एक स्टेट ऑफ ऑपरेशन आपकी इन 10 स्टेट्स के अंदर आती है, आप पे 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, आप पे कौन सी लिमिट लगेगी, आप पे 10 लाख या 20 लाख की लिमिट लगेगी। अब कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, कंफ्यूजन क्यों बढ़ जाएगी, बड़े ध्यान से समझना, अगर आप इन स्टेट्स के अलावा हो और आप एक्सक्लूसिवली किस में डील करते हो, गुड्स में डील करते हो, तो 40 लाख के लिमिट है, मगर इन 10 स्टेट्स के अंदर आप पे 40 लाख नहीं लगेगी, 40 नहीं लगेगी तो क्या लगेगी, 40 नहीं लगेगी तो 10 और 20 लाख जो भी बाय डिफॉल्ट थी। अब अगर आप ध्यान से देखो MMNT, अगर आपने इनको 40 से बाहर किया तो बाय डिफॉल्ट इनके ऊपर कितने लग गई, बाय डिफॉल्ट क्या थी, अगर 40 लाख वाली चीज ना होती तो क्या होगी इनके ऊपर, बाय डिफॉल्ट इस पर क्या लग जाती, 10 लाख लग जाती। और ये जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं इन पे अगर 40 लाख के लिमिट के दायरे से आपने बाहर कर दिया इनको, तो उस पर्टिकुलर केस में ये कहां जाएंगे, ये 20 लाख में जाएंगे। तो ये जो 10 स्टेट्स हैं ना, इनमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है, इन 10 स्टेट्स को जैसे ही आपने 40 लाख से बाहर किया तो इन पे जो नेट रिजल्ट निकला कि अब इन पे एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या होगी, वो अलग अलग है। MMNT स्टेट्स 10 लाख में जाएंगी और जो ये रिमेनिंग स्टेट्स हैं ये किस में जाएंगी, 20 लाख में जाएंगी। बात समझ में आई है, एक बार फिर से सारा कुछ कंसोलिडेट करते हैं, मैं रिवाइज कराता हूं, टेबुलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रोविजन कंफ्यूजिंग है, पहली बार कंफ्यूजिंग लगता है, फिर से रिवाइज करते हैं। सेक्शन 22 चलता है, सेक्शन 22 ने पहली अमेंडमेंट क्या आई, सेक्शन 22 ने बाय डिफॉल्ट प्रोविजन क्या बोला, सेक्शन 22 बोलता है कोई भी पर्सन हो, किसी भी तरह का हो, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करता हो, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विस करता हो या गुड्स प्लस सर्विस करता हो, हम बाय डिफॉल्ट एक रूल दे रहे हैं, MMNT स्टेट्स में हो एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख देखी जाएगी, इसके अलावा कोई भी स्टेट है तो एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख देखी जाएगी। फिर एक 40 लाख का नया कॉन्सेप्ट आया, अच्छा 40 लाख मैं आपको बता दूं 40 लाख का कॉन्सेप्ट क्या आया, उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन नंबर याद रखनी है, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019, ये जो नोटिफिकेशन नंबर है ये सेक्शन 23 के अंदर इशू की गई है, ठीक है जी। नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 40 लाख की एक नई रिमिट रखती है, बट उसकी कंडीशन क्या क्या लगाती है, पहली कंडीशन लगाती है वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स किया होना चाहिए उन्होंने, गुड्स में भी पान मसाला, टोबैको,
और एडिबल आइस और आइसक्रीम को बाहर कर दिया हमने। इसके अलावा 10 स्टेट्स के अंदर अगर आपके ऑपरेशन है तो आप पे 40 लाख की लिमिट नहीं रखेगी। 10 स्टेट कौन कौन सी हैं? MMMT, 3 रिमेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 बेचारी स्टेट्स PUT, पॉन्डिचेरी, उत्तराखंड और तेलंगाना। इनके अंदर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे तो भी आप पे 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। 40 नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? वही बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? MMMT की क्या होती है? 10 लाख और रिमेनिंग 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 बेचारी स्टेट्स, इनके लिए बाय डिफॉल्ट लिमिट कितनी है? 20 लाख है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रोविजन। अच्छा, 40 लाख की लिमिट बाकी सारी स्टेट्स, इन 10 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, बाकी सबके अंदर लगेगी? यस। सिर्फ किसको मिलेगी? एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स पे मिलेगी। यानी अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विस देते हो या आप गुड्स प्लस सर्विस देते हो, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी स्टेट में हो, आप पे 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019, ये हम क्रक्स ये टेबल के अंदर पढ़ेंगे। इस टेबल को बड़े ध्यान से रटना नहीं है, इस टेबल को अगर आप ध्यान से समझोगे, इस टेबल के अंदर सारा क्रक्स एक साथ दे रखा है, तो आपको इस टेबल को बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले टेबल में क्या दिखा रखा है? 3 तरह के लोग दे रखे हैं। पहला, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, और मैंने अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैंने क्या कर दिया? नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स यानी वो 3 गुड्स, पान मसाला, एडिबल आइस, इनको बाहर कर दिया। उनकी बात भी करेंगे, पहले इतना समझ में आ जाए। इनको यहां पे डाल दिया गुड्स प्लस सर्विस, और यहां पे डाल दिया सर्विसेज, सिर्फ और सिर्फ यहां पे डाल दिया गुड्स प्लस सर्विस। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ MMNT स्टेट्स की। आंसर मैं छुपा देता हूं, अपनी बुक में मत देखना, सिर्फ यहीं पे देखना। MMNT स्टेट्स, MMNT स्टेट्स मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अगर इनके अंदर मैं एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूं, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा? क्या मुझे 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा? नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 का क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज नो। नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 हम 10 स्टेट्स को बाहर करती है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या बाहर होती है? ये होती है। 40 लाख से अगर आप बाहर निकल गए तो कहां गिरोगे? 40 लाख से बाहर निकलते ही सेक्शन 22 के पास जाओगे। सेक्शन 22 10 लाख या 20 लाख की लिमिट देगा, और MMNT को क्या मिलेगी? 10 लाख। तो पहला आंसर आपका क्या होगा? 10 लाख होगा। और दूसरी बात, सर एक्सक्लूसिवली सर्विस अगर डील कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली सर्विस में डील कर रहे हो या गुड्स प्लस सर्विस में डील कर रहे हो, तब तो बाय डिफॉल्ट आप पे लिमिट ही क्या लगेगी? 10 लाख लगेगी। क्यों? नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 लगती सिर्फ किस पे? एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स पे लगती है। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्रक्स ये निकला, MMNT स्टेट्स के अंदर आप कुछ भी हो, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, या गुड्स प्लस सर्विस कर रहे हो, आप कौन से दायरे में आओगे? 10 लाख के दायरे में ही आओगे। 10 लाख के अलावा आप किसी दायरे में आ ही नहीं सकते। ठीक है, MMNT को तो 10 लाख में रखा। फिर आगे बात करते हैं, इनको एक साथ बात कर लेते हैं, 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 बेचारी स्टेट्स। वैसे तो मैंने अलग अलग कर दिया, ये लर्निंग पर्पस के लिए, आप इनको एक साथ क्लब भी कर सकते हो। एक बार बोल लेते हैं, स्टेट्स कौन कौन सी हैं? 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, रिमेनिंग बच कौन सी गई? मेघालय बच गई, नागालैंड बच गई, सॉरी नागालैंड नहीं, मेघालय बच गई, अरुणाचल प्रदेश बच गई और सिक्किम बच गई। इन तीनों स्टेट्स के अंदर अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो भी आपको नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 बाहर कर देती है। जैसे ही आपको बाहर करती है तो आप बाहर होने का कहां जाओगे? सेक्शन 22 के पास जाओगे। सेक्शन 22 में आपके पास क्या लिमिट है? 20 लाख की लिमिट है। क्योंकि 10 लाख की लिमिट के लिए तो आप कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सिर्फ MMNT स्टेट्स रह गई हैं। तो यहां पर आपको कौन सी लिमिट मिलेगी? 20 लाख मिलेगी। और अगर आप सर्विस में डील कर रहे हो या गुड्स प्लस सर्विस में डील कर रहे हो, तब तो आप पे वैसे भी लिमिट कौन सी थी? 20 लाख की थी। नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 का बेनिफिट आपको मिल ही नहीं रहा था। तो क्रक्स यहां तक का भी क्रक्स क्या निकाले, कंक्लूजन क्या निकालते जाए, MMNT स्टेट्स में इररिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर 10 लाख की लिमिट, 3 रिमेनिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इररिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर 20 लाख की लिमिट, PUT पॉन्डिचेरी, उत्तराखंड और तेलंगाना के अंदर अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर 20 लाख रिमेनिंग। अब रह गई ऑल दी अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में बाकी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आ गई। अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हो, अब यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा 40 लाख का, वो भी सब्जेक्ट टू द कंडीशन है आप पान मसाला, एडिबल आइस और आइसक्रीम और टोबैको वाले प्रोडक्ट्स में डीलें नहीं कर रहे हो, तो आप पे लिमिट लग जाएगी 40 लाख, मगर वो सिर्फ किसको मिलेगी? एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स पे मिलेगी। एक्सक्लूसिवली सर्विस देते हो या गुड्स प्लस सर्विस देते हो, अभी भी आप पे लिमिट कौन सी है? 20 लाख की लिमिट है। तो बेनिफिट अगर इस टेबल में देखो ना, बेनिफिट सिर्फ किसको मिला है नोटिफिकेशन बाय 10/2019 को? सिर्फ इस इंसान को मिला है। ये इंसान कौन है? एक ऐसा इंसान जो एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स है,
तीन नोटिफाइड गुड्स ये बिल्कुल टच भी नहीं करता है, और इसके अलावा ये 10 स्टेट्स के अंदर फॉल नहीं करता, MMNT, तीन रिमेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और PUT, इन 10 स्टेट्स के अंदर आप काम नहीं करते तब जाकर आप 40 लाख के हकदार बनोगे। और ये जो लोग हैं इनके लिए तो कोई 40 लाख की लिमिट नहीं है, इनके लिए तो MMNT के अंदर 10 लाख की लिमिट, रिमेनिंग स्टेट्स के अंदर 20 लाख की लिमिट। ये कौन लोग हैं? जो एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर हैं या गुड्स प्लस सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो इनको भी नोटिफिकेशन 10/2019 कोई बेनिफिट नहीं दिया, इनको जो इन 10 स्टेट्स में उनको भी कोई नहीं दिया, सिर्फ इस स्टेट वाले को दिए। अब आखिरी क्वेश्चन ये आता है, सर इस स्टेट के अंदर, इन सारी स्टेट्स के अंदर मैं एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, और लेट अस सपोज मैं टोबैको, एडिबल आइस, आइसक्रीम या पान मसाला इनमें डील करता हूं, तो क्या होगा? आंसर आपके सामने है। अगर आप इन स्टेट्स के अंदर और इन तीन गुड्स में डील करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 से बाहर फेंक दिया जाएगा, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 से बाहर फेंक दिया जाएगा तो आपको कहां डाला जाएगा? आपको 10 या 20 लाख के लिमिट में डाला जाएगा। ये सारी स्टेट्स बाय डिफॉल्ट कौन सी लिमिट पे फॉल करती हैं? 20 लाख में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 10 लाख के लिमिट सिर्फ किसके लिए है? MMNT के लिए। तो यहां पर बाय चांस, टेबल में लिखा नहीं है, इफ इन दीज स्टेट्स, इफ इन दीज स्टेट्स पर्सन इज डीलिंग इन, इफ इन दीज स्टेट्स पर्सन इज डीलिंग इन नोटिफाइड गुड्स देन ATO limit, ATO stands for aggregate turnover, ATO limit applicable will be 20 lakh even if he is exclusively supplier of goods। तो इस बार जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 की वजह से आने से। इसने एक नई तरह की लिमिट दे दी 40 लाख की, मगर ये 40 लाख की लिमिट पे तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन लगाई हैं, एक्सक्लूसिवली सप्लाई और गुड्स होने चाहिए, इनमें से कोई भी गुड्स नोटिफाइड गुड्स नहीं होना चाहिए, और आप 10 स्टेट्स में फॉल नहीं कर रहे हो। आपको इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेने के लिए इसमें जाना पड़ेगा, और इसमें अगर आप नहीं जा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप किस लिमिट में हो? 20 लाख या 10 लाख में। 10 लाख में कौन आते हैं? MMNT वाले, बाकी सारे ऑटोमेटिकली किस में आते हैं? 20 लाख वाले में। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और आता है दिमाग के अंदर, सर अगर ऐसा करो हो सके मैं इन स्टेट्स में फॉल करता हूं, यानी मैं 10 स्टेट्स में फॉल नहीं आ रहा, मैं एनी अदर स्टेट्स में आ रहा हूं, मैं एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ पान मसाला टोबैको में काम नहीं करता, मैं बहुत सारी चीजों में काम करता हूं, और वन ऑफ दी प्रोडक्ट इज पान मसाला, या वन ऑफ दी प्रोडक्ट इज आइसक्रीम, या वन ऑफ दी प्रोडक्ट इज टोबैको, यानी मैं 50 गुड्स बेचता हूं, 49 दूसरे हैं, एक गुड जो मैं बेचता हूं पान मसाला है, क्या मुझे 40 लाख का फायदा मिलेगा या मैं 20 लाख में चला जाऊंगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, सारे के सारे अदर गुड्स हों तो 40 लाख है, पढ़ लिया, सिर्फ पान मसाला का डीलर है 20 लाख लगेगा, बता दिया मैंने आपको। अब सवाल ये आता है कि सर मैं दोनों तरह के गुड्स बेचता हूँ, पान मसाला भी बेचता हूँ, दूसरे गुड्स भी बेचता हूँ, क्या मुझे 40 लाख का फायदा मिलेगा? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा आपको। यू शुड नॉट बी डीलिंग एट ऑल इन दीज थ्री टाइप ऑफ गुड्स। इफ वन ऑफ द गुड्स दैट इज बीइंग सोल्ड बाय यू इज आउट ऑफ दीज पान मसाला एक्सेट्रा, देन यू कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ 40 लाख। इस पॉइंट को आप लिख सकते हो यहां पर, जो पेज नंबर 14 है ना, इस पेज नंबर 14 में जहां पर ये आइसक्रीम वगैरह की बात चल रही है, यहां पर ये चीज को लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ असेसी डील्स इन मेनी गुड्स एंड वन ऑफ द गुड्स, इफ असेसी डील्स इन मेनी गुड्स एंड वन ऑफ द गुड्स इज notified, then ATO, ATO stands for aggregate turnover limit, then ATO limit will be 20 lakhs for such assessee। दूसरा एक डाउट क्या आता है, वही सेम डाउट, इसका बड़ा सिंपल आंसर है मगर फिर भी मैं पूछ लेता हूं। सर लेट अस सपोज मैं मल्टीपल स्टेट्स में काम करता हूं, और मल्टीपल स्टेट्स में मेरी वन ऑफ दी स्टेट है इन 10 स्टेट्स में से कोई एक, लेट से पॉन्डिचेरी, मेरी 6 स्टेट्स हैं, 6 में से एक स्टेट है पॉन्डिचेरी,
तो मेरे पे लिमिट क्या लगेगी, मेरे पे लिमिट 40 लाख की लगेगी या बाय डिफॉल्ट 10 या 20 लाख की लगेगी, आंसर आपको पता है। अगर एक भी स्टेट इन 10 लाख में आ गई तो आप नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 का फायदा नहीं ले सकते हो, आप 40 लाख के दायरे से बाहर हो जाओगे। और जैसे ही आप 40 लाख के दायरे से बाहर हो जाओगे तो आप कहां पे गिरोगे, 10 लाख या 20 लाख में। सर 10 और 20 कैसे डिसाइड होगा, ये इस बात पे डिसाइड होगा कि जो स्टेट्स आपकी हैं वो MMNT तो नहीं है, MMNT नहीं है तो 20 लाख लग जाएगी, MMNT है तो 10 लाख लग जाएगी, ठीक है जी। सो इस तरह से प्रोविजन है। एक बार मैं इसी चीज को जो मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया, मेरे फ्लो चार्ट में देखोगे तो आप ये टेबल भी बनाई दिखेगी आपको, मैं आपको फ्लो चार्ट में दिखा देता हूँ। अपनी फ्लो चार्ट बुक के अंदर देखो, उसके अंदर पहले यही सेम प्रोविजन रजिस्ट्रेशन वाले में इस टेबल के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। फिर इसी प्रोविजन को समझाने का एक और तरीका दे रखा है मैंने, सेम प्रोविजन का दूसरा फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, इस तरीके से बनाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट के अंदर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर नहीं दिख रहा तो मैं एक बार जूम इन कर लेता हूं, आई थिंक अब ये विजिबल होगा कुछ हद तक, ठीक है। एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स प्लस सर्विस, यहां पे डाल दिया एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पे सेक्शन 22 लगेगा, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 यहां पे बिल्कुल लग ही नहीं रही, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स वाली केस ही नहीं है। यहां तो बड़ा सेम प्रोविजन, पुराने जैसा प्रोविजन, 20 लाख या 10 लाख, 10 लाख कब लगेगा, MMNT स्टेट्स के अंदर, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, MMNT स्टेट्स, अदर स्टेट्स। MMNT के अंदर लिमिट कितनी है, 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन लेनी है, 10 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। और कोई भी स्टेट है MMNT को छोड़ के तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 लाख की। ये वाला पोर्शन बिल्कुल सिंपल है, सारी खेल आता है यहां पर इस वाले के पोर्शन में, जहां पर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ, देखो मैं एक बार इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूं थोड़ी सी, नहीं ब्राइटनेस कम करने से भी बात नहीं बनी, चलो इससे ही काम चलना पड़ेगा। इस वाले केस के अंदर क्या है, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में पहली बात तो हम सेक्शन 22 तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन 10/2019। सबसे पहले हमने बात करी MMNT स्टेट्स, तीन नॉर्थन स्टेट्स और 20 बेचारी स्टेट्स। MMNT स्टेट्स में फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दो आप टोबैको बेच लो, आप पान मसाला बेच लो, आप कोई भी गुड्स बेच लो अदर देन नोटिफाइड गुड्स, लिमिट क्या रहेगी, 10 लाख ही रहेगी, 10 लाख से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि 40 लाख का बेनिफिट MMNT स्टेट्स को मिल नहीं रहा। सिमिलरली जो तीन अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और तीन PUT वाली स्टेट्स हैं, पांडिचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना, यहां पर भी इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से गुड्स आप बेच रहे हो, लिमिट कितनी रहेगी, 20 लाख ही रहेगी, आपको 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। 40 लाख का बेनिफिट सिर्फ इनको मिल रहा है, कौन सी स्टेट्स हैं ये, 10 स्टेट्स के अलावा एनी अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है। जब इसके अंदर आप नोटिफाइड गुड्स दोगे तो लिमिट 20 लाख रहेगी, क्योंकि ये MMNT स्टेट नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसकी लिमिट 20 लाख ही है। और अगर आप नोटिफाइड गुड्स के अलावा दोगे, ये वो रेयर केस है जब आप बेनिफिट ले सकते हो नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 का, सिर्फ इसी केस के अंदर लिमिट 40 लाख की हो रही है। तो आपको एग्जाम में एग्जामिनर कुरेद के आपसे पूछेगा कि 40 लाख की लिमिट कब लग रही है, आपको दिमाग में याद रखना है, आपको सारे हर्डल पार करने हैं, सारे हर्डल, तीन हर्डल मैंने आपको बता दिए, फोर्थ हर्डल अभी बताने वाला हूं, तीन हर्डल फिर से रिवाइज करते हैं। पहला हर्डल आपने ये देखना है, क्या मैं एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हूं या नहीं हूं, पहला हर्डल। दूसरा हर्डल आपने क्या चेक करना है, क्या मैं नोटिफाइड गुड्स देता हूं या नहीं देता। और तीसरा हर्डल आपने क्या देखना है, क्या मैं उन 10 स्टेट्स में काम करता हूं या नहीं करता। इन तीनों हर्डल को क्रॉस कर लोगे तो जाकर आप 40 लाख के पास पहुंचोगे, इन तीनों हर्डल में से किसी ने भी रोक दिया आपको तो आप 10 लाख या 20 लाख के दायरे में चले जाओगे, राइट। सर फोर्थ हर्डल कौन सा है, फोर्थ हर्डल ये है, देखो यहां पर एक कंडीशन और दे रखी है, इन केस ऑफ पर्संस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 24 द अबव एग्जेम्पशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अब ये जो नोटिफिकेशन है 10/2019, ये इसने क्लियर कट बोल दिया कि ये जो 40 लाख की लिमिट है ये उन पे नहीं लगेगी जो सेक्शन 24 के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। अब ये 24 के अंदर मैंडेटरी कौन होते हैं, देखो 24 में लॉन्ग लिस्ट है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है ना उसके अंदर आता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज के लिए तो फिर भी हमने उस प्रोविजन को टोन डाउन कर दिया, सेक्शन 23 में एक अलग से नोटिफिकेशन है उसकी, जो कहती है कि 10 लाख या 20 लाख की लिमिट अप्लाई करेगी सर्विसेज पे, इवन इफ इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। मगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स को क्लियर कट हमने किस में डाल रखा है, 24 में, यानी वहां अगर आप एक गुड्स के डीलर हो और आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो
आपके ऊपर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। तो कहने की बात यह है, मुझे बताओ 40 लाख की ये जो पूरी कहानी चल रही है, ये 40 लाख की जो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स की बात चल रही है, ये सिर्फ किसके लिए चल रही है? उन्हीं डीलर्स के लिए चल रही है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं। द मोमेंट आपने एक भी इंटरस्टेट कर दी तो आप 24 में लायबल हो गए। और ये नोटिफिकेशन क्लियर कट बोल रही है, मैं 24 को ओवररूल नहीं कर रही, मैं 24 से नीचे हूं। यानी अगर 24 लग गया मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन तो मैं 40 लाख का बेनिफिट नहीं दूंगी। तो फोर्थ हर्डल आपका क्या हो गया, ये चेक करना कि क्या आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो या नहीं। द मोमेंट आप इंटरस्टेट सप्लाई करोगे तो ये किसमें आ गया, मैंडेटरी में। तभी आप अगर ये अपना फ्लो चार्ट देखोगे ना, जो मैंने बुक में आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट वाली बुक के अंदर, उसके अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में मैंने कहीं पे भी जिक्र ही नहीं किया नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 की। ये पोजीशन वही सेम है जो आपकी अमेंडमेंट से पहले थी, ठीक है। यहां पर चेंज आया है ऑल बिकॉज नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी है, दिस नोटिफिकेशन विल नॉट अप्लाई व्हेन इट इज मैंडेटरी। तो आप यहां पर लिख लो ये वाली चीज, यहां से एरो लगा के पेज के ऊपर लिख लो, दिस मीन्स बेनिफिट ऑफ दिस नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 कैन बी टेकन ओनली बाय असेसीज हु आर एंगेज्ड इन intrastate supplies। Even one interstate supply of goods would make the assessee liable for mandatory registration। Even one interstate supply would make the assessee liable for mandatory registration। Okay, ठीक है, पॉज करके लिख लेना वीडियो को, और मैं आपको कि एक जगह लिखवा देता हूं, या तो आप इन्हीं नोट्स के लास्ट में लिख लेना, या मैं तो ये कहूंगा आप जिनके पास फ्लो चार्ट्स वाली बुक है, जो ये फ्लो चार्ट है ना, मैंने वैसे भी फ्लो चार्ट वन साइड प्रिंट करके दिया था, दूसरा साइड खाली छोड़ कर रखा था, ताकि आप वहां पे नोटिंग कर लो। फ्लो चार्ट के साथ अपनी फ्लो चार्ट वाली बुक्स के अंदर नोट कर लो, फोर हर्डल्स टू क्रॉस बिफोर बेनिफिट ऑफ इसको जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा, बिफोर बेनिफिट ऑफ 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 कैन बी अवेल्ड। ऐसे कौन से चार हर्डल हैं जिनको आपको क्रॉस करना पड़ेगा? सबसे पहला हर्डल एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख सकते हो ₹1 सर्विस, ₹1 की भी सर्विस आप दे नहीं सकते, एक्सक्लूसिवली डीलर ऑफ गुड्स होने चाहिए आप। सेकेंड पॉइंट, गुड्स शुड नॉट बी नोटिफाइड गुड्स, गुड्स जो है वो नोटिफाइड गुड्स नहीं होने चाहिए। नोटिफाइड गुड्स आपको पता ही चल जाएगा कौन कौन से हैं, आइसक्रीम एडिबल आइस, दूसरा हो गया आपका पान मसाला, तीसरा हो गया टोबैको प्रोडक्ट्स, थर्ड असेसी शुड नॉट बी ऑपरेटिंग इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड स्टेट्स।
असेसी शुड नॉट बी ऑपरेटिंग इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड स्टेट्स. स्पेसिफाइड स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एम एम एन टी प्लस 3 नॉर्थ ईस्टर्न प्लस 3 बेचारी स्टेट्स, डेफिनेशन में पीयूटी. और लास्ट असेसी शुड नॉट बी लायबल फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कब आती है? नो इंटर स्टेट सप्लाई. मतलब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन और बहुत केसेस में आती है, बहुत सारी उसके अंदर है, एजेंट के लिए है, रिवर्स चार्ज के अंदर है, टीडीएस काटना है अगर, टीसीएस कलेक्ट करना है, ईसीओ के लिए है जो 95 में है, और आपके और भी बहुत सारे केसेस आते हैं उसके अंदर. कैजुअल पर्सन आता है, नॉन रेजिडेंट, वो सारे केसेस की बात नहीं कर रहा मैं. नो इंटर स्टेट सप्लाईज सबसे कॉमन ये होता है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वाला. तो हम क्योंकि एक्सक्लूसिवली गुड्स की वाली बात कर रहे हैं, उसकी इंटर स्टेट नहीं होनी चाहिए. सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? ओनली इंटर स्टेट. दीज आर सर्टेन यार्डस्टिक्स मैंने आपको बता दिया एग्जाम के पर्पज के लिए, जो आपको चेक करने हैं बिफोर आप 40 लाख का बेनिफिट दे सकते हो. अब एक आईसीआई की मटेरियल के अंदर एक वो दे रखी है इलस्ट्रेशन, पहले वो कवर अप करते हैं, फिर इसी से रिलेटेड हमारे जो आरटीपी में क्वेश्चन है वो कवर करते हैं. आई एम टेलिंग यू दिस प्रोविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 99% मैंने गारंटी आपको दे दी है वो एग्जाम में आएगा ही आएगा. पहले करते हैं आईसीआई वाला पेज नंबर 15 अपनी अमेंडमेंट वाले मॉड्यूल के अंदर. देखो हाँ जी, जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा. हाँ, या इलस्ट्रेशन आईसीआई का, फुल क्रेडिट टू आईसीआई, मैंने अपनी इलस्ट्रेशन नहीं बनाई. पहला क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वीराज है आसाम का, आसाम का एक पर्सन. अच्छा, आसाम एक बहुत बढ़िया बात की है इन्होंने. आसाम ना पहले 11 की लिमिट में हुआ करती थी, 11 स्टेट्स के अंदर, यानी आसाम में 10 लाख की लिमिट लगती थी. अब आसाम को MMNT से भी बाहर कर दिया, यानी 10 लाख से बाहर कर दिया, 20 लाख में आ गई, और 40 लाख के दायरे से उसको बाहर नहीं किया. यानी आसाम एक नॉर्मल स्टेट बन गई है, जिसके अंदर नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 का फायदा भी मिलेगा, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट लिमिट भी कितनी होगी है, 20 लाख होगी है. तो मेरे हिसाब से एग्जाम में असम के बारे में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि असम में कंफ्यूजन ज्यादा है. असम कहां 10 लाख के दायरे में पड़ी थी, उसको 10 लाख से 20 लाख में लाया गया, और उसको नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 के लिए भी बोल दिया गया है. तो आसाम क्योंकि बाकी नॉर्थ ईस्ट के साथ मिलती जुलती होती है लोके ज्योग्राफिकली वहीं लोकेटेड है, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है. मगर मैंने जो आपको लर्निंग स्किल दी है MMNT और रिमेनिंग 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, उस हिसाब से आप याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. असम एक नॉर्मल स्टेट है. लेट अस सपोज उसके अंदर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ शूज कर रहे हो, शूज इज नॉट अ नोटिफाइड गुड. एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 40 लाख हो जाएगी. 40 लाख की अगर आपको क्वेश्चन में 22 लाख दे रखी है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप पान मसाला करते हो, ऑल्दो आप एक नॉन स्पेसिफाइड स्टेट के अंदर हो, मगर आपको 40 लाख का फायदा नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नोटिफाइड गुड्स. लिमिट कितनी बन जाएगी आप पे? 20 लाख रुपीस. हमने कितने की सप्लाई करी है? 22 लाख की. एग्रीगेट टर्नओवर हम थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर चुके हैं, सेक्शन 22 रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 का इंपैक्ट ले लेंगे. अब आप अपना आंसर लिखोगे ना, पहले कैसे लिखते थे आंसर? एज पर सेक्शन नंबर 22 प्रोविजन. अब क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन नंबर 22 रेड विद नोटिफिकेशन 10/2019 रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल दो स्टेट्स फ्रॉम वेयर सप्लाई इज मेड इफ, नीचे तीनों केसेस. इफ पहली बात 10 लाख की लिमिट की कंडीशन, 20 लाख की लिमिट की कंडीशन, 40 लाख की लिमिट की कंडीशन. इस तरीके से आपको अपना आंसर बनाना पड़ेगा. अभी मैं आपको दिखाता हूं आरटीपी में क्वेश्चन है, तो आरटीपी में प्रेजेंट कैसे किया उन्होंने आंसर, प्रेजेंटेशन सिखाता हूं. क्योंकि अब आपके एग्जाम में टाइम भी नहीं होगा दो नंबर के लिए, आप सेक्शन 22 भी समझाने बैठ जाओ, नोटिफिकेशन 40 भी, नोटिफिकेशन 10/2019 भी समझाने बैठ जाओ, पूरे नहीं समझा सकते. तो आपको एक सिंगल लाइन के अंदर अंदर दोनों प्रोविजंस का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट बताना है. बेसिकली इस टेबल को आपने लाइन में लिख के दिखाना है उनको. ठीक है, आगे चलते हैं. एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस, टैक्सेबल सर्विस में तो नोटिफिकेशन 10/2019 के बारे में सोचना ही नहीं है. सिर्फ स्टेट चेक करो, आसाम स्टेट है, MMNT में नहीं आती, लिमिट कितनी होगी? 20 लाख. सिमिलरली गुड्स और सर्विस देते हो, सोचना ही नहीं है क्योंकि उसके ऊपर 10/2019 लग ही नहीं सकती. लिमिट का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 20 लाख की लिमिट, 22 लाख की है तो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी. फिर है शिवाजी तेलंगाना का. तेलंगाना के बारे में खास बात क्या है? तेलंगाना में 40 लाख की लिमिट नहीं लगती. तो अगर आप टॉयज में डील कर रहे हो तो भी आपकी लिमिट 20 लाख है.
नोटिफिकेशन 10/2019 लगेगी नहीं। अगर आप आइसक्रीम में डील कर रहे हो तो भी लिमिट 20 लाख है, अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो तो भी लिमिट 20 लाख है, और अगर आप गुड्स प्लस सर्विस में डील कर रहे हो तो भी लिमिट 20 लाख है। तेलंगाना एक ऐसी स्टेट है, अगर आप उसके अंदर टेबल के अंदर भी देखोगे ना तो नोटिफिकेशन 10/2019 का बेनिफिट देती है, मगर 10 लाख में भी कवर नहीं होती, 20 लाख में कवर होती है। फिर आई मणिपुर, मणिपुर MMNT स्टेट है, इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट लिमिट कितनी है 10 लाख और 40 लाख का फायदा, यानी नोटिफिकेशन 10/2019 का फायदा इसमें नहीं मिलता। तो अगेन चाहे आप पेपर में डील कर लो एक्सक्लूसिवली, चाहे आप टोबैको में कर लो, लिमिट कितनी रहेगी 10 लाख। आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो भी लिमिट कितनी रहेगी 10 लाख, गुड्स प्लस सर्विस दोनों देते हो तो भी लिमिट कितनी रहेगी 10 लाख। देखो जब स्टार्टिंग में ये प्रोविजन पड़ा था कंफ्यूजिंग लग रहा था, अब धीरे धीरे माइंड में क्लैरिटी आती जा रही है। सिर्फ आपको जो हर्डल्स मैंने बताई उस हिसाब से सोचना है, या मैंने ग्राफिकली आपको दिखा दिया आप वो फ्लो चार्ट के रूप में याद कर सकते हो, या आप इस टेबल के रूप में याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो टेबल और फ्लो चार्ट में जब रट्टा मारना जाओगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। आप सिर्फ लॉजिक समझो, चार हर्डल जो मैंने बता दिए उन हर्डल के हिसाब से करोगे तो आपको कहीं पर भी गलती की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये मैंने आपको ICAI के मटेरियल के क्वेश्चंस तो बता दिए, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ICAI के RTP के अंदर क्या आया है। RTP में अगेन वापस आ जाते हैं, RTP में कौन सा क्वेश्चन करना है हमें, 1 नहीं करना अभी, हम RTP के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 भी अभी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, RTP का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। RTP का पेज 173 अगर आपके पास RTP घर पे आ गई है तो। हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 1 है राघव ऑफ असम, फिर से असम आ गया। एज आई टोल्ड यू असम मेरे हिसाब से बहुत रिलेवेंट है इस बार, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट की तरह माना जाएगा, ऑल्दो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इसके अंदर 20 लाख की लिमिट होगी और इस पे नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 भी लिया जा सकता है। राघव ऑफ असम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट, इस लाइन की रेलेवेंस क्या होगी, उन्होंने कहीं ना कहीं बता दिया हमारे पे सेक्शन नंबर 24 नहीं लग रहा। तो अब आप आसानी से सेक्शन 22 और नोटिफिकेशन 10/2019 के बारे में सोच सकते हो। सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, क्या लिखा है, एक्सक्लूसिवली रेडीमेड गारमेंट्स हैं। तो पहली चीज में ये निकल के आई कि हम इसके अंदर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, और गुड्स भी नोटिफाइड गुड्स नहीं है। अभी तक एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती दिख रही है, स्टेट्स वाली सेटिस्फाई होगी, 24 में हम कवर नहीं हो रहे और वो नोटिफाइड नहीं है, चारों अभी तक सेटिस्फाइड है। हिज टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम आसाम शोरूम इज 28 लाख। सिर्फ यहां तक का क्वेश्चन पढ़ूं तो बढ़िया लग रहा है, 40 लाख की टर्नओवर है मेरी, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 लग रही है मेरे ऊपर, सब बढ़िया लग रहा है, मगर आगे क्या लिख दिया उसने, ही हैज अनदर शोरूम इन त्रिपुरा विद अ टर्नओवर ऑफ 11 लाख इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस लाइन ने सारी दिक्कत डाल दी, क्योंकि आसाम के अलावा मेरे पास एक और ब्रांच है, एक और शोरूम है, और कहां पर है वो, त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा किसके अंदर फॉल करती है, MMNT। जैसी MMNT आ गई, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 से बाहर आ गया मैं, 40 लाख की लिमिट लगेगी नहीं। अगला सवाल, सर 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी तो कहां गिरोगे आप, 10 लाख में गिरोगे या 20 लाख में गिरोगे। अगेन सेक्शन 22 के हिसाब से देखा जाए तो मैं कौन सी स्टेट में हूं, MMNT में। मैंने भी आपको लिखवा दिया, आपकी एक भी ऑपरेशन, आपके ऑपरेशन मल्टीपल स्टेट्स में, एक भी स्टेट अगर MMNT के अंदर आ गई तो ओवरऑल पूरी पैन इंडिया के लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 लाख। तो अब इसके अंदर आंसर में क्रक्स क्या निकला, कि हमारे में लिमिट 80 एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 10 लाख, और हमारी खुद की एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, सॉरी थ्रेशोल्ड हमारी हो गई 10 लाख, और हमारी खुद की एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, दोनों स्टेट्स को ऐड कर दो, 28 + 11 यानी कि 39 लाख। 39 लाख इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 लाख, सो आंसर इज वी नीड टू गेट रजिस्ट्रेशन इन त्रिपुरा ऑल्सो एंड आसाम ऑल्सो। अब ये कहना तो बहुत आसान था, मगर इसको अब आंसर में प्रेजेंट करना है, तो इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन ICAI ने कैसे दे रखी है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का आंसर मैं दिखा रहा हूं आपको। हाँ जी, उन्होंने क्या किया, क्योंकि देखो अब आप अलग अलग तो कर नहीं सकते, आपको एक साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 22 रेड विद नोटिफिकेशन 10/2019 एक साथ लिख दिया, सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन ईच स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्स ऑन सप्लाई इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट एक साथ लिख दी, 10 लाख अगर हमारी कौन सी स्टेट है MMNT, 20 लाख अगर हमारी कौन कौन सी होगी, 3 नॉर्थ ईस्टर्न जो बच गई और PUT वाली, सारी स्टेट एक साथ लिख दी, और 40 लाख अगर रेस्ट ऑफ इंडिया, और साथ साथ यहाँ पे लिख दिया भाई सीधी सी बात है अगर हमने इन नोटिफाइड गुड्स को दिया तो 40 लाख की लिमिट जगह हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी। तो आपने एक ही पैराग्राफ में सेक्शन 22 को सेक्शन 40 और नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 को समझा दिया। इस तरीके से आपको अपने आंसर में लिख के आना है,
इस जिससे कि आप प्रोविजन समझा दोगे। इन्होंने यहां पर एक चीज और स्पेशली दे रखी है, फिर से उस प्रोविजन को समझा दिया, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो वो नहीं करते तो भी लिमिट कितनी होगी, 10 लाख होगी एमएम टीम पे, बाकी सब पे होगी 20 लाख। अगर आपके पास ज्यादा मार्क्स के, इन्होंने तो सारे क्वेश्चन एक साथ जवाब देना था ना, सबका एक साथ लिख दिया, दे कैन अफोर्ड टू राइट सो मच इन एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोविजंस। अगर ये सिर्फ एक ही पार्ट क्वेश्चन में आया होता और ये 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन होता तो ये वाली चीज भी आप स्किप कर सकते थे। हाँ, अगर ये 4 नंबर का है तो पहले आप समझाओ लिमिट क्या है, एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स वाले पर्सन की, एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स वाला पर्सन नहीं है तो एक्सक्लूसिवली फॉर सर्विस या गुड्स प्लस सर्विस का प्रोविजन भी आप समझा सकते हो। प्रोविजन समझाने का पहला आंसर राघव के बारे में उन्होंने लिखा, राघव की लास्ट में अल्टीमेटली क्या बोला, लिमिट कितनी है 10 लाख, अकॉर्डिंगली उसे आसाम और त्रिपुरा दोनों में अपना रजिस्ट्रेशन लेनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट, पुलकित ऑफ पंजिम इन गोवा, गोवा के किस कैटेगरी में आ गया, एमएमटी में, एमएमएनटी में भी नहीं आया, उन 10 स्टेट्स के दायरे में भी नहीं आया, यानी कि इस पे नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 भी लगती है और दायरा क्या है 20 लाख का। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट यानी कि सेक्शन 24 की बात ही खत्म हो गई, सप्लाई ऑफ शूज, हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज 22 लाख, बहुत अच्छी बात है, शूज करता हूँ, नोटिफाइड गुड्स मैं देता नहीं हूँ, मैं ऐसी स्टेट के अंदर हूं जो एमएमएनटी स्टेट भी नहीं है, तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी नहीं है, पीयूटी भी नहीं है, यानी क्या मेरे पे नोटिफिकेशन 10/2019 का फायदा मिलेगा, यस। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ऊपर वही एक्सप्लेनेशन कॉमन दे दी, आप बोलोगे इन दिस केस ऑल दी कंडीशंस ऑफ 10/2019 आर सेटिस्फाइड एंड हेंस दी थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40 लाख रुपीज, इन आर केस इट इज 22 लाख, हेंस वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, ये अमेंडमेंट वाला टॉपिक हो गया हमारा, अगर ये अमेंडमेंट ना ही होती तो आप 20 लाख क्रॉस करते, इसको क्या बोल देते, रजिस्ट्रेशन लेनी है। नोटिफिकेशन 10/2019 का पूरा इंपैक्ट इस इलस्ट्रेशन में दिख रहा है। हर्षित ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश याद करना, पुराने वाले प्रोविजन के अंदर वो 10 लाख के अंदर आता था, मगर अब न वो 10 लाख के अंदर लिमिट में नहीं आता। खास दूसरी बात, नोटिफिकेशन 10/2019 के अंदर भी जो 10 स्टेट्स को हमने बाहर किया उसमें हिमाचल प्रदेश इंक्लूडेड नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश जस्ट लाइक आसाम is now a normal state, it will come in 20 lakh rupees and it is also eligible for 10/2019, it is exclusively engaged in intrastate supply of pan masala, jaisi pan masala aa gaya notification number 10/2019 ki to dhajiyan ud gayi, aap seedha likh sakte ho in this case because we are dealing in pan masala to notification 10/2019 nahi lag rahi to kya aayega 10 lakh ya 20 lakh mein aayenge, 10 लाख में हम आ नहीं सकते क्योंकि हम एमएमएनटी स्टेट में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी 20 लाख, हम सप्लाई कितनी करते, हमारी टर्नओवर कितनी है 24 लाख, आंसर आ जाएगा यस वी आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन। अंकित ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली, फिर से आसाम आ गया, इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, सर्विसेज की बात चल रही है क्या, 10/2019 की बात सोचनी भी है, नहीं सोचनी, जब 10/2019 की बात ही खत्म हो गई तो बाय डिफॉल्ट आसाम में लिमिट कितनी होएगी 20 लाख होएगी, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख हो गई, आपने सप्लाई कितनी करी है 25 लाख की, रजिस्ट्रेशन लेनी है, यस हमें रजिस्ट्रेशन लेनी है। संचित ऑफ आसाम, फिर से मुझे आसाम में पहुंचा दिया गया है, इज एंगेज्ड इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस, बोथ गुड्स एंड सर्विस वाला बंदा भी 10/2019 के अंदर कवर नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा 10 या 20 में, असम स्टेट है, 10 लाख की लिमिट लग नहीं सकती, कितने की लिमिट हो गई, थ्रेशोल्ड हो गई 20 लाख की लिमिट हो गई, तो अब हमने कितनी सप्लाई करी है 30 लाख की करी है, आंसर आएगा यस वी आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इन एग्जाम ऑल्सो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से ध्यान से करना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज आएगी उसके अंदर भी आएगा, आई विल शेयर दैट मॉक टेस्ट पेपर विद यू, ये क्वेश्चन पक्का आएगा मेरे हिसाब से। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे वाली अपनी अमेंडमेंट्स कवर अप करनी शुरू करते हैं, आ जाते हैं अमेंडमेंट नंबर 12 में, अमेंडमेंट नंबर 11 में मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू उसमें एग्जाम में 99% पॉसिबिलिटी है वो आएगा। ये जो अमेंडमेंट है अगली अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 12, ये है सेक्शन नंबर 24 से रिलेटेड, सेक्शन नंबर 24 अगेन एज आई रिवाइज्ड इन द स्टार्टिंग, ये सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ प्रोविजन, कुछ केसेस ऐसे हैं जिन जहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट को इग्नोर करके आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। नाउ वन सच थिंग वॉज ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मैं जितना आपके सिलेबस में उससे ज़्यादा ही पढ़ाता था अपनी क्लास में, जिन्होंने मेरे से क्लास ली होगी मैंने काफ़ी डिटेल में ECO के टॉपिक को कराया था, मैं पहले रिवाइज कराता हूँ ECO का टॉपिक अभी तक का क्या क्या है।
ECO stands for Electronic Commerce Operator. इसकी एक definition दे रखी है. Definition आप अपनी book में देखोगे तो इसकी definition बड़ी generic है. Any person who provides a platform for e-commerce. उन्होंने एक नया word दे दिया. अगर आप एक platform दे रहे हो for e-commerce, तो आपको क्या बोला जाएगा? ECO बोला जाएगा. और e-commerce की definition again बहुत generic definition दे रखी है. ये भी defined है आपकी book में दे रखा है. E-commerce means कोई भी ऐसी dealing in goods, कोई भी ऐसी supply of goods जो electronic means की help से हो रही है, उसके through हो रही है. यानी यहाँ पर वो goods भी cover हो जाएंगे, वो data supply की service देते हो. अगर आप information बेचते हो वो तो cover होगा ही होगा. Otherwise आप electronically कुछ भी अपने प्रोसेस को करते हो तो वो ई-कॉमर्स के अंदर आएगा. क्रक्स ये है, ईसीओ की डेफिनेशन इतनी बड़ी है कि उसके अंदर हर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स जो आप मार्केट में देखते हो वो कवर होंगे. जीएसटी के पर्पस के लिए ईसीओ को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. जीएसटी की टैक्सेबिलिटी के लिए उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. पहला, ऐसा ईसीओ जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर कवर होता है. अभी बताता हूं 9(5) क्या था. दूसरा, वो ईसीओ जो 9(5) में तो कवर नहीं होता मगर जो TCS के अंदर कवर होता है अंडर सेक्शन 52. और तीसरा ECO वो होता है जो 9(5) के अंदर भी कवर नहीं होता, जो TCS अंडर सेक्शन 52 के अंदर भी कवर नहीं होता. अब मैं थोड़ा थोड़ा ना इनके बारे में ज्ञान देता हूं कि ये है क्या भला. सबसे पहले 9(5) की बात करते हैं. 9(5) मुझे अभी तक याद है, मैंने क्लास में अपनी पूरी एक क्लास 2.5-3 घंटे की क्लास मैं ECO को देता था. अब मैं आगे अपने लेटेस्ट बैचेस में फिर भी थोड़ा कम पढ़ाता हूँ, मगर जितनों ने भी पुराना बैच मेरा लिया होगा वहां तो मैं ECO के अंदर काफी सारी बातें करता था आपके साथ. 9(5) सेक्शन क्या है मैं जल्दी से बताता हूँ. 9(5) सेक्शन था, जब भी एक पर्सन ECO के थ्रू कोई सर्विसेज देता है और वो सर्विसेज नोटिफाइड सर्विसेज हैं, तो नोटिफाइड सर्विसेज के केस में सेक्शन 9(5) एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट करता है. वो कहता है असली सप्लायर को इग्नोर करो और हम सब ECO को ही क्या मान लेंगे, सप्लायर मान लेंगे. यानी कि जो बंदा असली में सर्विस दे रहा है उसे हम सप्लायर नहीं मान रहे, हम ECO को सप्लायर मान रहे हैं. और अकॉर्डिंगली क्योंकि हम ECO को सप्लायर मान रहे हैं तो ECO के ऊपर लायबिलिटी आ गई टैक्स पे करने की. रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी भी किसकी है, ECO की है. सारी की सारी कंप्लायंसेस भी कौन करेगा, ECO करेगा. जो असली में सप्लायर था उसको हम सप्लायर मान ही नहीं रहे. मगर 9(5) में आने के लिए दो कंडीशन जरूरी हैं. आप एक सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए जो ECO के थ्रू सर्विस देते हैं और वो सर्विस नोटिफाइड सर्विस होनी चाहिए. 9(5) के पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन सर्विसेज नोटिफाइड सर्विसेज हैं एट प्रेजेंट. पहली सर्विस जो नोटिफाइड है वो है कैब सर्विस. मैं सिंपल भाषा में कैब सर्विस बोल रहा हूँ, लीगली दे रखी है एनी सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू रोड, टैक्सी थ्रू टैक्सी कैब वगैरह, वो आ जाएगी. दूसरी सर्विस जो नोटिफाइड है वो है होटल सर्विस. अगेन होटल सर्विस के अंदर सर्विसेज बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन एनी होटल, इन गेस्ट हाउस या मोटेल या वाई वट एवर नेम कॉल्ड. थर्ड हमारी है हाउस कीपिंग सर्विस. ठीक है जी, ये तीन सर्विसेज हैं जो कवर हो जाएंगी अगर ECO के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो तो भी. आप इसके अंदर ECO के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो असली सप्लायर को इग्नोर कर दिया जाएगा और ECO को कवर करेंगे. इसके अंदर मेनली कौन कौन से हमारे पॉपुलर वेबसाइट्स कवर होती हैं. कैब सर्विस के अंदर ओला और उबर कवर हो जाती हैं. ओला और उबर का मॉडल क्या होता है, यूजुअली टिपिकली ओला और उबर के मॉडल के अंदर ये हमारा असली में ड्राइवर है. ठीक है जी, ये हमारा बीच में उबर है और ये हम हैं, हम कस्टमर हैं. हम उबर को कॉन्टैक्ट करते हैं और उबर हमें किससे मिलवा देता है, ड्राइवर से. असली में कौन किसको सप्लाई दे रहा है, ड्राइवर कस्टमर को देता है. यानी कि हम जब गाड़ी में बैठे हैं तो हमें ड्राइवर बैठा होता है, उबर का कुछ लेना देना नहीं होता. उबर क्या करता है, वो कस्टमर से पैसे लेता है 500 रुपीज और वो किसको दे देता है, वो ड्राइवर को 500 रुपीज दे देता है. मगर इस चीज के लिए कि ड्राइवर को उसने ड्यूटी लाके दी, ड्राइवर को उसने कस्टमर लाके दिया, वो ड्राइवर से कुछ पैसे ले लेता है कुछ कमीशन के रूप में. लेट्स से 20% ले लिया उसने 100 रुपीज, तो नटशेल में वो ड्राइवर को कितने देता है, 400 रुपए देता है. दो ट्रांजेक्शन है, जो उबर ने 100 रुपीज दिए, 100 रुपीज लिए सॉरी, ये सर्विस तो उबर की हो गई, ये पैसा 100 रुपीज है. असली में सर्विस कौन किसको दे रहा है, सर्विस दे रहा है उबर इसको. कौन सी सर्विस दे रहा है, आप इसको प्लेटफॉर्म सर्विस भी बोल सकते हो, आप इसे इंटरमीडियरी सर्विस भी दे सकते हो. पैसा इसने इसको दिया मगर सर्विस किसने दी, उबर ने ड्राइवर को. उबर ड्राइवर को जो सर्विस दे रहा है 100 रुपीज, उसके ऊपर तो GST पे करेगा, उसमें टू दैट एक्सटेंट वो इंटरमीडियरी सर्विस उबर दे रहा है. सवाल ये है, ये जो कैब सर्विस ड्राइवर ने कस्टमर को दी है,
ये कैब टैक्सी सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस बाय रोड इस पे 5% का जो जीएसटी है ये कौन पे करेगा? आइडली स्पीकिंग ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस रेसिपिएंट है, इन दोनों में से किसी को पे करना चाहिए था। मगर सेक्शन 95 ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डीमिंग फिक्शन क्रिएट करी। उसने कहा ना तो सप्लायर लायबल होगा ना रेसिपिएंट लायबल होगा, इसमें ऊबर लायबल होगा। ऊबर कौन है? ऊबर वो ईसीओ है जिसके थ्रू ये सारी सप्लाई हो रही है। तो 95 में ड्राइवर को इग्नोर कर दिया जाएगा और ऊबर को मान लिया जाएगा सप्लायर, यानी अब ऊबर दो तरह के टैक्स पे करेगा। पहला टैक्स पे करेगा वो इस 500 रुपीस की कैब सर्विस पे, जो आइडली ड्राइवर को पे करना चाहिए था, मगर ऊबर को डीमिंग फिक्शन में हमने 95 में फंसा दिया और अब वो पे करेगा। साथ साथ ऊबर जो अपनी 100 रुपीस की कमीशन ले रहा है ड्राइवर से, उस पे तो पे करेगा ही करेगा, और उस पे कितना पे करेगा? 18% पे करेगा। ठीक है जी, दिस इज सेक्शन 9 फॉर यू। आपने ईसीओ को वो सर्विस जो उसके थ्रू सप्लाई हो रही है, कैब सर्विस जिसका सप्लायर ड्राइवर है, उसके लिए भी जबरदस्ती लायबल कर दिया, और खुद जो वो कमीशन चार्ज कर रहा है उसके लिए तो वो लायबल था ही था, वहां तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। ठीक है, सेम गोज फॉर होटल सर्विस, सेम गोज फॉर हाउसकीपिंग सर्विस। यानी यहां पर जो ये वाले पर्सन हैं इनको हम छोड़ देते हैं, इनकी जगह हम किसको पकड़ लेते हैं? ईसीओ को पकड़ लेते हैं। अब सेक्शन 24 के अंदर भी इन लोगों का जिक्र था। अगर मैं 95 की बात करूं, इसकी लिंकिंग मैंने सेक्शन 24 के साथ कराई थी अपनी क्लास में। मैंने बताया था ईसीओ अगर सेक्शन 95 के अंदर लायबल है तो सेक्शन 24 कहता है उसके केस में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। यानी कि ऊबर की टर्नओवर जितनी मर्जी होगी, पहली बात तो ये 500 रुपए है ना, जो 500 रुपीज है, अब ये एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऊबर में जुड़ेंगे, क्योंकि ऊबर को मैंने सप्लायर मान लिया है। असली में ये 500 रुपए ड्राइवर के थे, मगर ऊबर को मैंने सप्लायर मान लिया, तो ये 500 रुपए 95 के हिसाब से ऊबर के टर्नओवर में जुड़ेंगे। अपने 100 रुपीज जो कमीशन के रूप में ले रहा था वो तो उसके अंदर जुड़ेंगे। तो ऊबर की एग्रीगेट टर्नओवर कितनी होगी? 500 फॉर कैब सर्विसेज प्लस 100 रुपीज फॉर इंटरमीडियरी सर्विसेज। मगर सेक्शन 24 कहता है अगर ये एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को 10 लाख को क्रॉस नहीं भी करी तो भी उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी है। यानी ऊबर तो आज की डेट में बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर आज आप और मैं कोई नई ऐप बनाते हैं, मैंने क्लास में एग्जांपल दे दिया था, कूबर बना दिया था मैंने, कूबर नाम की कोई नई ऐप बना देते हैं और उस ऐप की टर्नओवर 20 लाख से कम रह जाती है, तो भी सेक्शन 24 के अंदर हमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी है। यानी 95 में अगर मैं फंस रहा हूं एज ए ईसीओ तो कोई बख्श नहीं रहा मुझे, मुझे सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन करा रहा है और सेक्शन 95 मुझे सप्लायर की तरह लायबल कर रहा है। उस कैब वाले बंदे के लिए भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा एज ए सप्लायर, और अपनी इंटरमीडियरी कमीशन पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। 24 का पॉइंट आ गया। साथ साथ हमने बोला था जो ये लोग हैं, एनी सप्लायर हु प्रोवाइड्स सर्विसेज थ्रू ईसीओ, अपनी सर्विसेज ईसीओ के थ्रू देते हैं और वो सर्विसेज 95 में नोटिफाइड हैं, ऐसे लोगों को 24 से बाहर कर रखा था, उन पे सेक्शन 24 है नहीं लगता। यानी कि उनको बाय डिफॉल्ट किस में चले जाएंगे? वो सेक्शन 22 में चले जाएंगे। 20 लाख 10 लाख की टर्नओवर पे अगर उनकी टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से क्रॉस हो रही है तो बात चलेगी, अदरवाइज सेक्शन 24 में वो कवर नहीं हो रहे हैं। 24 में सिर्फ और सिर्फ 95 के केस में कौन कवर हो रहा था? दैट ईसीओ हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 95। एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू ईसीओ ही वाज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर सेक्शन 24, वो 22 के अंदर ही था। ठीक है जी, अब आते हैं, अभी मैं अमेंडमेंट नहीं बता रहा, अभी तो थोड़ी रिवाइज करा रहा हूं। फिर आते हैं वो ईसीओ जिन पे 95 नहीं लगता। सिर्फ देखो ईसीओ सिर्फ तीन तरह की तो सर्विसेज 95 में नोटिफाइड है, उसके अलावा तो सारी इसी 95 ना लगने की कैटेगरी में आ गए। मगर एक कॉन्सेप्ट है टीसीएस का, टीसीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। यहां पर हमने क्या बोला, हर ईसीओ को, हमारे देश में इतने सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, जो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक मिनट के लिए मैं बात करूं तो लेट से मैं एग्जाम्पल लेता हूं फ्लिपकार्ट का, और फ्लिपकार्ट को बीच में खड़ा करता हूं मैं। फ्लिपकार्ट इधर है मेरा सेलर, इधर है मेरा बायर, बीच में फ्लिपकार्ट है। ठीक है जी, फ्लिपकार्ट पे जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, असली में कौन किसको सप्लाई करता है? सेलर इसको करता है। लेट अस सपोज मैंने 1000 रुपीस की सेल करी, इसके ऊपर 18% के हिसाब से 180 रुपए का जीएसटी था। अब सेक्शन 95 में इस ट्रांजेक्शन को नोटिफाई नहीं किया हमने, तो जो असली में सप्लायर है उसी को सप्लायर माना जाएगा और ये 180 रुपए का टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा। सर फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? फ्लिपकार्ट पैसे कलेक्ट करता है यहां से, 1000 प्लस 180 यहां पे कलेक्ट होते हैं, फिर ये 1000 प्लस 180 यहां चले जाते हैं। ठीक है जी,
फ्लिपकार्ट सिर्फ एक बीच में इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा है, कस्टमर से पैसे इकट्ठे करता है और सेलर को दे देता है, हाँ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी हेल्प करता है, वो सारी चीज होगी, मगर असली में सेल कौन किसको कर रहा है, सप्लाई किसको कर रहा है, ये सप्लायर मिस्टर ए मिस्टर बी को कर रहा है, और टैक्स भी कौन पे करेगा, मिस्टर ए। क्या सर यहाँ पे सेक्शन 95 लगेगा? नहीं लगेगा 95, पहली बात तो लगता ही सर्विसेज के ऊपर है, और सर्विसेज में भी किस पे लगता है, नोटिफाइड सर्विसेज पे लगता है, यहाँ तो गुड्स जा रहे हैं सर्विसेज जा ही नहीं रही है। तो सर फ्लिपकार्ट को कुछ नहीं करना, फ्लिपकार्ट जब अपनी कमीशन लेगा, अब ये फ्री में तो करेगा नहीं ना, लेट से फ्लिपकार्ट ने 150 रुपए की कमीशन चार्ज करी, फ्लिपकार्ट अपनी कमीशन के ऊपर 18% का जीएसटी पे करेगा, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। मगर फिर एक सेक्शन लाया गया 52, इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में भी बात की होगी जो आपने देखी होगी, मगर जब मैं आपने वो क्लास देखी होगी उस समय 52 ऑपरेटिव ही नहीं था, इनऑपरेटिव था, मैंने अपनी क्लास में बताया होगा सेक्शन 52 इज इनऑपरेटिव राइट नाउ, मगर अब ये ऑपरेटिव हो गया था लगभग फरवरी मार्च के आसपास एक अमेंडमेंट आई थी जहां पर सेक्शन 52 को जनवरी से आ गई थी, फिर उसको एक्सटेंड करते गए थे, फरवरी 2019 के आसपास अमेंडमेंट आई थी 52 के अंदर, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का प्रोविजन डाल दिया गया था। अब हमने फ्लिपकार्ट को बोला कि इस टैक्स को पे तो सैलरी करेगा 180 रुपीज, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस 1000 की पेमेंट करते समय 1% का टीसीएस कलेक्ट कर लेना है। टीसीएस क्यों बोलते हैं, इसे टीडीएस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि असली में मैं उसको पेमेंट कर नहीं रहा, वो उसी की पेमेंट थी, देख के ऐसा लगेगा टीडीएस है मगर इसको बोलते टीसीएस है। अब मैं इसको 1000 रुपीज देते समय इसका 1% यानी कि 10 रुपए बचा के रख लूंगा, मैं इसको 1000 की पूरी पेमेंट नहीं करूंगा, जीएसटी के पोर्शन पे टीसीएस नहीं कटेगा, जो कंसीडरेशन वाला पोर्शन है उसके ऊपर 1% का टीसीएस कट जाएगा, ये 10 रुपीज फ्लिपकार्ट कम देगा, यानी ये इसको 1000 की जगह आप कितने देगा, 990 रुपीज देगा। सर ये 10 रुपए का फ्लिपकार्ट क्या करेगा, 10 रुपए फ्लिपकार्ट वही वो इनकम टैक्स वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा, फ्लिपकार्ट विल डिपॉजिटेड टू दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को क्लियरली बोल देगा ये जो 10 रुपए मैं आपको दे रहा हूं ये मेरे नहीं है, ये किसके हैं, ये मिस्टर ए के हैं, तुम ऐसा करो इसको मिस्टर ए के कैश लेजर में डाल दो। आपको याद होगा तीन तरह के लेजर्स होते थे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, तो ये मिस्टर ए के कैश लेजर में चला जाएगा, मगर उसके लिए मुझे एक टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यानी कि अब फ्लिपकार्ट के ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अपनी कमीशन पे टैक्स पे करना है, वो तो करना ही करना है भाई, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, उसको जितने भी डीलर उसके थ्रू सामान बेच रहे हैं उन सबका टैक्स नहीं पे करना, उन सबका पेमेंट करते समय टीसीएस कलेक्ट करना है, और वो टीसीएस कलेक्ट करने के बाद सरकार को जमा करवाना है ऑन बिहाफ ऑफ दो सेलर्स। अगर आप ध्यान से देखो सेक्शन 95 में और सेक्शन 52 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क है। इससे पहले मैं 95 की जब बात कर रहा था, ऊबर की बात कर रहा था पिछले पेज पे, ऊबर को क्या करना पड़ता है, ऊबर को अपने ड्राइवर्स का टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, ऊबर को अपने ड्राइवर्स का टैक्स खुद ही पे करना है, क्योंकि सेक्शन 95 ने ऊबर को ही सप्लायर मान लिया है, और ऊबर को हम सेक्शन 24 में लायबल करके आए हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड फ्लिपकार्ट को अपने सेलर्स का टैक्स नहीं पे करना, ये 180 रुपए का जो जीएसटी है इसको सप्लायर ही पे करेगा, मिस्टर ए ही पे करेगा। फ्लिपकार्ट को जब वो पेमेंट अपने सेलर्स को देगा उस पेमेंट में से कुछ हिस्से को अपने पास कलेक्ट करके रख लेना है, टीडीएस नहीं बोल रहे, इसे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये पैसा उसी का था। दिस इज लाइक मैं उसको 1000 रुपए दूंगा और उससे 10 रुपए ले लूंगा, नट सेल में उसको 990 दे दूं या पहले 1000 दूंगा और 10 रुपए ले लूंगा, ये 10 रुपए मैं गवर्नमेंट को दूंगा मिस्टर ए के बिहाफ पर। जैसी मैं इसकी टीसीएस की रिटर्न फाइल करूंगा, अलग रिटर्न होती है, जीएसटी R1 वगैरह नहीं होती, इसकी अलग रिटर्न नोटिफाई हुई है, जब मैं वो रिटर्न फाइल करूंगा उस रिटर्न के बेसिस पर मिस्टर ए के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ये 10 रुपए पहुंच जाएंगे। यानी मिस्टर ए जब अपना 180 रुपीज पे करने जाएंगे ना, 180 रुपीज को पे करने के लिए 10 रुपए ऑलरेडी उसके कैश लेजर में पहुंच चुके होंगे, ऑल दो ये 10 रुपए उसने कभी डिपॉजिट नहीं कराए, मगर इसके बिहाफ पे किसने डिपॉजिट करा दिया, फ्लिपकार्ट ने। तो फ्लिपकार्ट को टीसीएस के लिए लायबल किया गया। टीसीएस के प्रोविजन का है सेक्शन 52 में, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर क्यों पढ़ा क्यों रहे हो, मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूं कि कुछ ईसीओ ऐसे दायरे के अंदर आते हैं। सर ये ईसीओ कौन होते हैं जिनको टीसीएस कलेक्ट करना होता है, यूजुअली वो होते हैं जो मार्केट प्लेस मॉडल में चलते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है, वो वेबसाइट्स जो खुद सामान नहीं बेचती अपनी वेबसाइट के थ्रू, रादर बाकी लोगों को इनवाइट करती हैं
कि तुम अपना सामान मेरे पे बेचो, उन्हें बोलते हैं मार्केट प्लेस मॉडल। सेक्शन 52 जो लगता है वो मार्केट प्लेस मॉडल में लगता है। आज के डेट में फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस मॉडल पे काम करती है, अमेजन मार्केट प्लेस मॉडल पे काम करती है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कुछ सामान नहीं बेचती, बाकी लोग इस पे आके बेचते हैं सामान। बिग बास्केट में चले जाओ, अगर आप ग्रॉफर्स में चले जाओ, आप जोमेटो में चले जाओ, ये सारे वो लोग हैं जो और लोगों को कहते हैं कि अपने गुड्स एंड सर्विस में हमारे थ्रू बेचो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स वाले पे, ये सिर्फ गुड्स पे आता है, जोमेटो मैंने एग्जांपल गलत ले लिया, वो सर्विस के अंदर है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो बाकी लोग अपने गुड्स यहां पे आके बेचते हैं उस पे टीसीएस का प्रोविजन लगता है। तीसरी कैटेगरी ऑफ ईसीओ वो बच गए जहां तो ना 95 लग रहा है ना 52 लग रहा है, ये कौन हो गए सर? 95 नहीं लग रहा तो नेचुरल सी बात है वो नोटिफाइड सर्विसेज नहीं जाती उनके थ्रू, और 52 नहीं लगता तो इसका मतलब क्या है, ये मार्केट प्लेस मॉडल पे काम नहीं करते। सर मार्केट प्लेस में काम नहीं करते तो कैसे करते होंगे? भाई सिंपल सी बात है, आज मैं अपने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचता हूं, लेट अस सपोज मैं रेमंड हूं, रेमंड एज ए ब्रांड बहुत पॉपुलर है, मैंने कहा मेरे को किसी मार्केट प्लेस पे सामान नहीं बेचना, मैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाऊंगा, मैं अपनी वेबसाइट से सामान बेचूंगा, तो क्या मेरे में 52 लगेगा? नहीं लगेगा। 52 लगता ही तब है जब आपके पोर्टल के ऊपर कोई और इंसान आके बेच रहा होता है, यहां पे 52 भी नहीं लगा और मैं नोटिफाइड भी नहीं हूं 95 के अंदर। तो ऐसे ईसीओ भी होते हैं। आज की डेट में मैं अपनी एवीजे नॉलेज पोर्टल नाम की वेबसाइट से अपनी पेनड्राइव बेचता हूं, पेनड्राइव को गुड्स माना जाता है क्योंकि उसके अंदर जब क्लासेस लोड हो जाती है इट इज सोल्ड एज अ गुड्स ओनली, जैसे विंडोज की सीडी गुड्स की तरह बिकती है, मेरी पेनड्राइव भी गुड्स की तरह बिकती है। तो उसके अंदर मैं किसके अंदर आ गया, मैं अपनी वेबसाइट से अपना सामान बेचता हूं, मैं किसी भी और पर्सन को, किसी और पर्सन का सामान नहीं बेचता। तो मैं ना तो इस कैटेगरी में आया, मैं ना इस कैटेगरी में आया, मैं इस कैटेगरी में आया। पहले तो मैंने आपको समझा दिया तीन अलग अलग तरह के ईसीओ होते कौन है। अच्छा यहां पे मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, सेक्शन 24 के अंदर अगर कोई पर्सन इस मॉडल के अंदर मार्केट प्लेस के थ्रू बेचता है, कोई पर्सन बेचता है, तो ऐसे पर्सन को भी हमने क्या कर रखा था, सेक्शन 24 के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कर रखा है। एनी पर्सन हु सप्लाइज गुड्स थ्रू ईसीओ ही वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, अब 24 की बात करते हैं, मैं एक बार साफ पेज पे साफ सुथरा फिर से सारा डिटेल में समझाता हूं। साफ सुथरा पेज कहां से आएगा ये रहा, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। पहला मॉडल सेक्शन 95 वाला मॉडल, अभी तक मैंने अमेंडमेंट तो बताई नहीं है, अभी तक तो मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। सेक्शन 95 वाला मॉडल जिसके अंदर यहां ईसीओ बैठा है, यहां सप्लायर बैठा है, यहां कस्टमर बैठा है, इस मॉडल के अंदर सप्लाई यहां से यहां होती है मगर माना जाता है किसको, ये डीम्ड सप्लायर माना जाता है, ईसीओ से कंसिडर टू बी डीम्ड सप्लायर। इस केस के अंदर सेक्शन 24 के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, ये जो बंदा है इसके ऊपर सेक्शन 24 नहीं लगेगा, इसके ऊपर सिर्फ क्या लगेगा, सेक्शन नंबर 22 लगेगा, यानी कि इसकी एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख या 10 लाख से ऊपर होगी तो इसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ध्यान देना, ये जो 500 रुपए की कैब इसने करी, 500 रुपए की कैब का खर्चा उसने ऊबर के थ्रू किया, ये इसकी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा, ये ईसीओ की एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 94 ने सप्लायर किसको मान लिया, इसको मान लिया है। तो सर इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख को क्रॉस कब करेगी? ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे ड्राइवर ऐसे हैं जो ऊबर में भी अपनी गाड़ी चलाते हैं, ऊबर के अलावा ऑफलाइन बुकिंग्स भी लेते हैं। कभी भी अगर आप ऊबर में बैठोगे, मेरे को तो बहुत बार ऐसे लोग टकराए हैं जो अपनी कोई ना कोई टूरिस्ट कंपनी चलाते हैं, अपनी ट्रिप्स लेते ही लेते हैं, हाँ खाली समय में ऊबर की ट्रिप्स भी ले लेते हैं। अगर ये मिस्टर एक्स कोई ऑफलाइन सप्लाई भी करता है, सिर्फ ऑफलाइन सप्लाईज, ऊबर के अलावा जो सप्लाईज आई हैं सिर्फ वही कवर होंगी इसकी 20 लाख और 10 लाख के दायरे में। जो ऊबर के थ्रू उसने 500 रुपए की ड्यूटी करी, 500 रुपए जो ऊबर के थ्रू इसको आए वो ऊबर यानी ईसीओ के टर्नओवर में जुड़ गया, इसके ऊपर 24 भी नहीं लगा, और 22 के अंदर भी सिर्फ कौन सी टर्नओवर आई, सिर्फ वही टर्नओवर आई जो वो ईसीओ के अलावा कर रहा है। ये केस कब है, जब सेक्शन 95 यानी कि 3 नोटिफाइड सर्विसेज का केस हो। दूसरा, अगर 95 का केस नहीं है मगर हम मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर हैं, मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर क्या लग जाएगा, सेक्शन नंबर 52 लग जाएगा, 52 लगते ही क्या आ जाएगा, टीसीएस लग जाएगा, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये हमारा ईसीओ है, इसको आप फ्लिपकार्ट समझ सकते हो, ये हमारा सप्लायर है एस, ये हमारा कस्टमर है। सप्लायर कस्टमर को सामान देता है 1000 रुपए का, 180 रुपए के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर पे करेगा। ध्यान देना रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 24 ऐसे बंदे को लायबल करता है। सेक्शन 24 बोलता है एनी पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ इज मैंडेटरी लायबल। 24 में ओरिजिनली सर्विस का जिक्र भी था मगर 23 के अंदर एक नोटिफिकेशन आ गई थी जिसने 22 के लेवल पे ले आए थे। मैंने इसकी डिटेल डिस्कशन
आपका क्लास में करी थी 23 में 24 में सिर्फ कौन सा कवर होता है, एनी पर्सन हु सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ, तो ये इस बंदे पे 24 लग जाएगा। साथ साथ जो ये ईसीओ है जो टीसीएस कलेक्ट करता है, ये भी बंदा सेक्शन 24 में मैंडेटरी लायबल है। तो मैंडेटरी लायबल में इसको भी मैंने लायबल कर दिया क्योंकि इस बंदे को टीसीएस कलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। और इस बंदे को जिसने 180 रुपए पे करने हैं, इसको भी 24 में मैंडेटरी लायबल कर दिया। तो मैंडेटरी लायबल में कौन कौन से आ गए, ईसीओ जो 95 में नोटिफाइड है वो भी लायबल कवर हो गए, मैंडेटरी के अंदर वो ईसीओ भी कवर हो गए जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है। मगर जो तीसरी तरह का ईसीओ है, तीसरी तरह का ईसीओ के अंदर तीसरा मॉडल क्या होता है हमारा, जिसमें ईसीओ डायरेक्टली कस्टमर को दे रहा है, यानी कि ये रेमंड है या ये एवीजे है, ये अपनी वेबसाइट से कस्टमर को डायरेक्टली सामान बेच रहे हैं, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व ही नहीं है। ऐसे ईसीओ को भी सेक्शन 24 के अंदर कवर कर रखा था, ऐसे ईसीओ को जो अपनी वेबसाइट से, भाई सीधी सी बात है, मैं अपना सामान अपनी वेबसाइट से बेचता हूं, मेरे को क्यों 24 में डाल दिया। जो बंदा किसी मार्केट प्लेस मॉडल वाले के थ्रू बेच रहा है उसको आपने 24 में डाला, समझ में आता है। क्यों समझ में आता है, क्योंकि उसका टीसीएस कटेगा, ठीक है। ईसीओ को लायबल कर दिया, समझ में आता है, क्योंकि उसको टीसीएस काटना है। यहां पर आपने ईसीओ को लायबल कर दिया क्योंकि ईसीओ को एज अ सप्लायर अंडर 95 टैक्स पे करना है। मगर यहां पर एक ऐसा ईसीओ जो 95 में भी कवर नहीं होता, जो टीसीएस पे करने के लिए लायबल नहीं है, उसको क्यों लायबल कर दिया। मगर हमारी ड्राफ्टिंग ऐसी थी कि हम तीनों तरह के ईसीओ कवर हो रहे थे। अब आ जाओ बुक के अंदर, पहले आपको तीन तरह के ईसीओ समझाए गए हैं। और 24 में क्या लिखा था, पहले एक एंट्री थी ईसीओ लायबल टू पे टैक्स, और एक एंट्री थी एनी अदर ईसीओ नॉट कवर्ड बाय 95। नॉट कवर्ड बाय 95 ना, इसके अंदर दोनों लोग कवर हो रहे हैं, वो ईसीओ भी कवर हो रहा है जो सेक्शन 52 के अंदर आता है, वो ईसीओ भी कवर हो रहा है जो सेक्शन 52 में नहीं आता। प्रॉब्लम इस ईसीओ के लिए है, क्यों भाई, वो 52 में भी लायबल नहीं है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, वो मार्केट प्लेस मॉडल पे काम नहीं करता, वो 95 में भी लायबल नहीं है, तो उसको 24 में क्यों डाला जाए। तो ये चीज सरकार की इंटेंशन नहीं थी, गलत ड्राफ्टिंग की वजह से हो गया था, क्योंकि उन्होंने क्या डाल दिया, ईसीओ लायबल फॉर 95, एनी अदर ईसीओ नॉट लायबल अंडर 95, तो ऑटोमेटिकली सारा कवर हो गए। अब उन्होंने उस छोटी सी चेंज करा है, उन्होंने क्या कर दिया 24 में, उन्होंने कहा ईसीओ लायबल फॉर 95, ये भी 24 में लायबल है, ईसीओ लायबल फॉर टीसीएस वो भी 24 में लायबल है। तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज चेंज करने से कौन बाहर हो गया, बाहर वो वाला ईसीओ हुआ जो ना तो 95 में कवर्ड है, जो ना सेक्शन 52 में टीसीएस लायबल कवर्ड है। यानी मेरे जैसे लोग जो अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को अपनी ही वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं, किसी और बंदे को मार्केट प्लेस की तरह इन्वाइट नहीं करते, जो 95 में भी कवर्ड नहीं है, पहले 24 में जाने अनजाने में आ रहे थे, मगर अब किस में आ गए हैं, 22 में आ गए हैं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगला सवाल ये आएगा, सर ठीक है, आप ऐसे ईसीओ जो 95 में भी कवर नहीं है, जिसको टीसीएस भी कलेक्ट नहीं करना है, आपको 24 से तो बचा लिया, डज दैट मीन कि आपको ये जो थर्ड कैटेगरी में आप आते हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेनी ही नहीं है। ऐसा तो मैंने बोला नहीं, हमने सिर्फ क्या बोला है, 24 से आप बाहर आ गए हो। 24 से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन से बच जाओगे, 24 से बाहर आने का मतलब आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से बच जाओगे, मगर 22 का प्रोविजन तो लगेगा। यानी कि अगर एज अ नॉर्मल पर्सन मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू सामान बेचता हूँ और मेरी टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है, येस। तो वही वाला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन इफ आई एम एक्सक्लूडेड फ्रॉम 24, आई विल स्टिल बी कवर्ड अंडर 22, एंड इफ माई टर्न ओवर एक्सीड्स 20 लाख और 10 लाख एज द केस मे बी, देन आई विल बी रिक्वायर्ड टू गेट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। नीचे तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, तीन एग्जाम्पल में मैंने बड़ा बहुत डिटेल में बता रखा है। इस अमेंडमेंट को मैंने बिल्कुल सोचा नहीं कि इंटर क्या है, फाइनल क्या है, मैंने कहा समझ आना चाहिए, भाई सीधी सी बात है, इंटर फाइनल के चक्कर में ये ना हो दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रह जाए। तो मैंने यहाँ पर हर किसी के हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या है वो बता दी, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने वैसे तो फ्लो चार्ट्स के रूप में समझा दिया, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मिस्टर एक्स सेल्स टैक्सेबल गुड्स ऑफ 10,000 फ्रॉम फ्लिपकार्ट विच कलेक्ट्स कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर एंड पेस टू मिस्टर ए। अगर साथ साथ हम इसका डायग्राम भी बनाते जाएं, एक सेकंड मेरे को खाली पेज, ये रहा क्वेश्चन साथ साथ आ रहा है। मिस्टर एक्स ने फ्लिपकार्ट के थ्रू सामान बेचा कस्टमर के पास, कस्टमर ने कंसिडरेशन 10,000 इसको पे करी, इसने आगे 10,000 इसको पे करी, साथ साथ फ्लिपकार्ट ने ये सारे काम करने के लिए 1500 रुपए की कंसिडरेशन चार्ज करी, बताओ टैक्सेबिलिटी क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में। पहली चीज तो आप ही बोलोगे 95 सेक्शन नहीं लगता,
95 नहीं लगता मगर सेक्शन नंबर 52 लगता है. सेक्शन नंबर 52 लगता है तो फ्लिपकार्ट को क्या करनी पड़ेगी, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी सेक्शन 24 में. फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन है, क्या इस 10,000 रुपए के ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी फ्लिपकार्ट की है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो 95 में लायबल नहीं है, वो 52 में है. फ्लिपकार्ट को दो काम करने हैं. पहला काम फ्लिपकार्ट को करना है सेक्शन 52 के अंदर उसको टीसीएस कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 1% ऑफ 10,000 रुपीज. 10,000 का 1% हो गया 100 रुपीज. 100 रुपीज वो मिस्टर एक्स से कलेक्ट करेगा, 10,000 रुपए पे करते समय उसको कम पे कर देगा, कलेक्ट करेगा उससे, उसका सरकार को जमा कराएगा, टीसीएस की रिटर्न फाइल करेगा. जब टीसीएस की रिटर्न फाइल करते समय एक्स का नाम लिख देगा इसके सामने, इस 100 रुपीज को पे करते समय एक्स के कैश लेजर के अंदर 100 रुपीज आ जाएंगे. दूसरी लायबिलिटी इसकी क्या है, ये जो 1500 रुपए की कमीशन लिया उसने इस सारी कमीशन के अंदर, उसके लिए तो कोई दोराय नहीं है, वो तो सप्लायर खुद ही है, इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म सर्विस दे रहा है, उसके अंदर तो इसको 18% का टीडीएस पे करना ही करना, 18% का जीएसटी पे करना ही करना है. तो ये बात तो हो गई फ्लिपकार्ट की. इसके अलावा बात करते हैं मिस्टर एक्स की. क्या मिस्टर एक्स पे सेक्शन 24 लगेगा? यस लगेगा. क्यों? ही इज अ पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ. सर्विस प्रोवाइड करता होता तो बात अलग थी, सेक्शन 23 रिलीफ दे देता, मगर गुड्स के केस में सेक्शन 24 ने क्या कर रखा है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लगा रखी है. तो एक्स के ऊपर आ गई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कौन से सेक्शन में आ गई, 24 के अंदर लायबल हो गया. अगली चीज इसको क्या करनी है, इसको 10,000 रुपए के ऊपर टैक्स पे करना है, लेट से 18% के हिसाब से 1800 रुपए पे करना है, मगर जो ये 100 रुपीज टीसीएस के रूप में आ गए हैं ये इसके कैश लेजर में आ गए होंगे. कैश लेजर में अपने 100 रुपीज को यूज करेगा 1800 को पे करते समय. दिस इज द एंटायर सिनेरियो. आपके सिलेबस में सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ मैं रजिस्ट्रेशन बता दूं तो बात बनेगी नहीं. मैंने रजिस्ट्रेशन भी बता दी, दोनों के लिए मैंडेटरी है, साथ साथ टैक्सेबिलिटी भी बता दी. अगला क्वेश्चन, रामू इज अ ड्राइवर लिस्टेड ऑन उबर ऐप, उबर फाइंड्स अ कस्टमर फॉर रामू थ्रू इट्स ऐप. रामू प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ 500 टू कस्टमर, उबर कलेक्ट 500 फ्रॉम कस्टमर एंड पेस टू रामू. इधर है रामू, इधर है उबर, इधर है कस्टमर. रामू ने सर्विसेज दी 500 रुपए की, उबर ने 500 रुपए इससे कलेक्ट करके इसको दे दिए, साथ साथ उबर ने सारे प्रोसेस के लिए 100 रुपीज चार्ज किए, जो मैंने अभी बताया. इस केस में जो 500 रुपीज है इसको सप्लायर नहीं मानेंगे, किसको मान लेंगे हम, उबर को मान लेंगे. ये 500 रुपीज किसकी एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेगा, उबर में, मगर उबर को एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 95 में जैसे ही आप लायबल हुए आप सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए. तो पहले उबर की बात करते हैं, उबर को क्या क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ उबर. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उबर को सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी. दूसरी, ये 500 रुपए की जो कैब सर्विस है, ऑल दो उबर ने नहीं दी, ड्राइवर ने दी है, बट 95 ने उबर को सप्लायर एज्यूम कर लिया है, इन 500 रुपए के ऊपर कैब सर्विसेज का जीएसटी पे करना पड़ेगा. अगर आपको याद हो मैंने रेट्स वैसे तो सिलेबस में नहीं है बता दिया था, कैब के केस में आपका 5% का टैक्स लगता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. तो 500 के ऊपर 5% टैक्स पे करेगा उबर, ठीक है जी. साथ साथ उबर एक सर्विस के लिए वैसे भी प्रोवाइडर है ही, जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, अपनी ऐप दी है, उसके लिए ड्राइवर से उसने 100 रुपीज की कमीशन चार्ज करी है, उस कमीशन के लिए 100 रुपीज पे वो 18% जीएसटी पे करेगा. तो उबर को अपना जीएसटी भी देना है, ड्राइवर का जीएसटी भी देना है अंडर 95, और इसके लिए उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करानी है. बात करते हैं रामू की. रामू एक ऐसा पर्सन है जो 95 में कवर्ड है, उस पर 24 नहीं लगेगा, ही विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 24. क्या 22 लगेगा? 22 तो सर सब पे लगता है, 22 के अंदर मगर एग्रीगेट टर्नओवर जब कैलकुलेट करेंगे ये 500 रुपीज इसके अंदर 24 में इंक्लूड नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 95 ने ऑलरेडी इन 500 रुपए के लिए किसको सप्लायर एज्यूम कर लिया है, उबर को, ईसीओ को एज्यूम कर लिया है. तो ये 500 रुपए इसके अंदर इंक्लूड अब नहीं होंगे, ठीक है जी. दिस इज द क्रक्स. थर्ड, रेमंड सेल्स इज ऑन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स वेबसाइट raymondfabrics.com. ये ऐसा ईसीओ हो गया जो 95 में भी कवर्ड नहीं है और जो हमारा 52 में भी कवर्ड नहीं है. इसके लिए अमेंडमेंट आई है, इसको 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी, 22 में कवर होगा, 10 लाख या 20 लाख की टर्नओवर को क्रॉस करेगा तो ही रजिस्ट्रेशन लेनी है. क्रक्स मैंने बता दिया, इस सारी अमेंडमेंट का फायदा सिर्फ उस ईसीओ को हुआ है जो स्मॉल ईसीओ है, छोटी सी ईसीओ है, 10 लाख या 20 लाख से कम की टर्नओवर है और मार्केट प्लेस मॉडल पे काम नहीं करती. बेस्ट एग्जांपल एवीजे नॉलेज पोर्टल. भाई मैं अपनी वेबसाइट पे आज की डेट में किसी और पर्सन का सामान नहीं बेच रहा, जो मेरे खुद के फैकल्टीज हैं सिर्फ उन्हीं का सामान बेचते हैं. तो अकॉर्डिंगली हम इस अमेंडमेंट के अंदर कवर हो गए, वी आर नॉट कवर्ड अंडर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ 24, बट हाँ 22 तो लग रही है, 22 तो लग रही है 20 और 10 लाख की, ठीक है जी. अमेंडमेंट नंबर 13 के अंदर आते हैं, ठीक है. अमेंडमेंट नंबर 13,
Now this amendment is with regard to a very small point in registration topic. Registration वाले topic के अंदर एक चीज हम पढ़ते थे, पहले मैं आपको revise करा देता हूँ. जैसे अभी हमने बात की, अगर आपको एक सेकंड मैं खाली पेज देख लेता हूँ. यस, पहले एक बार रिवाइज करते हैं. रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में अगर हमने अभी पढ़ा, अगर मैं सेक्शन 22 में या 24 में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होता हूँ, तो मुझे हर उस स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है फ्रॉम वेयर सप्लाई इज मेड, फ्रॉम वेयर सप्लाई मेड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया में मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी. मेरी एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख है, 10 लाख से या 40 लाख है, एज द केस में भी उससे ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी जहां पर मेरी, जहां से मैं सप्लाई कर रहा हूं. अब सवाल ये उठता है कि क्या इन स्टेट्स के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी. द आंसर इज यस. जीएसटी एक्ट बड़ा क्लियर है कि आपको हर स्टेट के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है. इनफैक्ट हर स्टेट के अंदर आपको जो एप्लीकेशन है वो भी अलग अलग फाइल करनी पड़ती है. REG01 जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग फाइल होती है. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 25 के अंदर. सेक्शन 25 कहता है अगर आपकी जीएसटी में दो अलग अलग ब्रांचेज हैं या दो से ज्यादा ब्रांचेज हैं और सबको जीएसटी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपने दिलवाया है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर उन्हें डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा. और जैसे उनको डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, लेट से मेरी पंजाब वाली एक ब्रांच है और मेरी एक हरियाणा वाली ब्रांच है, इन दोनों के बीच में आपस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, इवन इफ ये विदाउट कंसिडरेशन है, शेड्यूल वन के अंदर इसको हम डीम्ड सप्लाई मान देते थे और इन दोनों लोगों को हम बोलते थे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस एज पर सेक्शन 25. तो पहली चीज हमने जो मैंने रिवाइज करवाई वो ये कराई कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती है. ये ऑप्शन नहीं होता, ये मैंडेटरी होती है. आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग जीएसटीएन लेना ही पड़ेगा. इनफैक्ट जीएसटीएन के अंदर जो पहले दो डिजिट हैं वो आपका स्टेट कोड होता है, उसके बाद स्टेट कोड डिफरेंट होगा, फिर जीएसटीएन आप उसका आपका पैन सेम होगा और लास्ट के तीन डिजिट भी चेंज होते रहेंगे. अगर मैं बात करूं विद इन द सेम स्टेट, लेट अस सपोज मेरे दिल्ली के अंदर 15 ब्रांचेज हैं, तो बेशक मेरी 15 ब्रांचेज अलग अलग हैं, मगर मैं दिल्ली के अंदर मुझे एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ही मिलेगी. मेरी रजिस्ट्रेशन में जीएसटीएन मेरा सेम होगा, जो लास्ट वाले डिजिट्स हैं जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अंदर मैं अपने जितने भी ब्रांचेज हैं उसके अंदर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह सारी ब्रांचेस को डलवा सकता हूं. यानी फंडा बड़ा सिंपल है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगी, सिंगल स्टेट के अंदर सिंगल रजिस्ट्रेशन होगी फॉर ऑल दी ब्रांचेस विच आर विद इन दैट स्टेट. अब यहां पर सिंगल स्टेट के अंदर ना एक ऑप्शन था. ऑप्शन क्या था, इसकी दो एक्सेप्शंस मैंने अपनी बुक के अंदर लिखी हुई हैं. पहली एक्सेप्शन की बात करते हैं. पहली एक्सेप्शन कंपलसरी नहीं होती, ऑप्शनल होती है. पुराना लॉ ये कहता था अगर किसी पर्सन की एक ही स्टेट में अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं, इफ यू हैव सेपरेट बिजनेस वर्टिकल्स, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स की अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. यानी मैंडेटरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो आपको एक ही जीएसटीन मिलेगा, मगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिजनेस ढंग से ऑर्गेनाइज करना है तो आप सेपरेट बिजनेस वर्टिकल की अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. अब सवाल यह है बिजनेस वर्टिकल क्या होता है. बिजनेस वर्टिकल के लिए जीएसटी एक्ट ने वही डेफिनेशन ली जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर डेफिनेशन दे रखी है. वहां पे प्राइमरली डेफिनेशन ये है, आपके किसी भी बिजनेस के पार्ट को एक अलग बिजनेस सेगमेंट तभी बोलते हैं अगर वो अपने आप में एक डिस्टिंग्विशेबल यूनिट है. यानी या तो उसका कोई प्रोडक्ट अलग है या प्रोडक्ट सेम है मगर उसका तरीका अलग है. यानी कि आप उस बिजनेस के हिस्से को अपने बाकी बिजनेस से अलग कर सकते हो किसी भी यार्डस्टिक से, वेदर इट इज ज्योग्राफिकल रीजन, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सोर्स. उस पर्टिकुलर केस, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम क्या बोल देंगे, एक अलग से बिजनेस वर्टिकल बोल देंगे. यानी कहने की बात यह है कि अगर मैं एक स्टेट के अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहता भी था, पुराने लॉ के हिसाब से यह बहुत जरूरी था कि वो बिजनेस वर्टिकल अलग अलग होने चाहिए. एग्जाम्पल लेके चलता हूं, मान लो मेरी एवीजे लक्ष्मी नगर और एवी दिल्ली के अंदर एक और जगह है कनॉट प्लेस सीपी. लक्ष्मी नगर और सीपी दोनों के अंदर मेरी दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो आइडली स्पीकिंग मुझे एवीजे को एक ही जीएसटीन मिलेगा और उसके अंदर लक्ष्मी नगर ब्रांच भी कवर हो जाएगी और इसके अंदर सीपी ब्रांच भी कवर हो जाएगी. मगर अगर मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं तो पुराने लॉ के हिसाब से मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि लक्ष्मी नगर और सीपी मेरे दोनों अलग अलग बिजनेस वर्टिकल है. यानी उसके अंदर सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है कि लक्ष्मी नगर में मैं फेस टू फेस क्लासेस लेता हूं, सीपी ऑफिस से सिर्फ मेरी बुक्स की डील चलती है, सिर्फ बुक्स वहां से सप्लाई होती हैं या सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस सप्लाई होती हैं, तो ही उन दोनों को मैं अलग अलग बिजनेस वर्टिकल बोल सकता हूं. अलग बिजनेस वर्टिकल प्रूव करने के बहुत सारे यार्डस्टिक हैं जो आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेरे हिसाब से AS 17 हुआ करता था पहले, तो इस
चीज का, उसके अंदर पढ़ोगे। अब बिजनेस वर्टिकल की अलग अलग रजिस्ट्रेशन होने की वजह से एक दिक्कत आती थी कि लेट्स से मेरे दोनों बिजनेस वर्टिकल अलग अलग नहीं है, लक्ष्मीनगर और सीपी में सेम टाइप ऑफ बिजनेस है, मैं उनको अलग अलग बिजनेस प्रूव नहीं कर सकता, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 25 जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर से डील करता है वो मुझे कहता था मैंडेटरी सिंगल रजिस्ट्रेशन ही लो, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है एज लॉन्ग एज दे आर नॉट बिजनेस वर्टिकल्स। अभी जो बिजनेस वर्टिकल वाली चीज है अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया है, यानी एक अमेंडमेंट बहुत छोटी सी आई है, अमेंडमेंट सिर्फ ये आई है कि आज भी एक स्टेट के अंदर सिंगल रजिस्ट्रेशन होगी, मगर आपके पास ऑप्शन है अगर आप चाहो आप अलग अलग प्लेसेस ऑफ बिजनेस के लिए, अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, यानी जो वर्ड पहले हुआ करता था बिजनेस वर्टिकल, बिजनेस वर्टिकल वर्ड को खत्म करके हमने क्या कर दिया, प्लेस ऑफ बिजनेस। नाउ प्लेस ऑफ बिजनेस इज अ वेरी जेनरिक वर्ड, आपकी कोई भी ब्रांच है, अलग से कोई वेयर हाउस है, कोई भी हेड ऑफिस है, किसी भी प्लेस को जो आपके कंट्रोल के अंदर आता है उसे आप प्लेस ऑफ बिजनेस बोल सकते हो। जरूरी नहीं वो ओनरशिप में हो, जरूरी नहीं कि उसको आपके नाम पर लीज डीड है, एज लॉन्ग एज आप अपना उसके ऊपर कंट्रोल दिखा सकते हो, आप उसे अपनी ब्रांच बोल सकते हो, उसकी अलग से रजिस्ट्रेशन ली जा सकती है। यानी कि सिंगल रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो कंडीशन थी उसको हमने टोन डाउन कर दिया। पहले के जमाने में सेम स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी होती थी तो बिजनेस वर्टिकल की कंडीशन पूरी करनी जरूरी होती थी, अब आपको बिजनेस वर्टिकल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू हैव टू सिंपल ब्रांचेस विच आर कैरिंग द सेम टाइप ऑफ बिजनेस देन ऑल्सो एट योर ऑप्शन यू कैन टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन। और ये प्रोविजन सारी जिसमें अमेंडमेंट आई है ये सेम स्टेट की बात हो रही है, अलग अलग स्टेट के अंदर दो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसका तो पहले भी मैंडेटरी प्रोविजन था, अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती थी, सिंगल रजिस्ट्रेशन चली नहीं सकती थी, वहां पर रेलेवेंट ही नहीं था कि अगर लेट से ये मेरा लक्ष्मीनगर और सीपी की जगह मैं एग्जांपल ले लूं, मैं गुड़गांव और सीपी के लिए, गुड़गांव आपको मैं बता दूं हरियाणा के अंदर है, सीपी हमारा दिल्ली के अंदर है, गुड़गांव और सीपी का अगर एग्जांपल लूंगा तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, वहां ये प्रूव ही नहीं करना था बिजनेस वर्टिकल अलग है या सेम है, यानी अलग अलग स्टेट की ब्रांचेस में तो कोई डाउट ही नहीं था रजिस्ट्रेशन अलग ही आएगी, वेदर दे आर सेपरेट, वेदर दे आर बिजनेस वर्टिकल सेपरेटली और दे आर सिंपल डिफरेंट ब्रांचेस, सारी कंट्रोवर्सी सेम स्टेट के अंदर थी और अमेंडमेंट भी किसमें आई है, सेम स्टेट के अंदर ही आई है। तो ये पहले मैंने पुराना प्रोविजन समझा दिया, अमेंडमेंट के अंदर आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड कि द वर्ड बिजनेस वर्टिकल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय प्लेस ऑफ बिजनेस, इसकी कुछ कंडीशंस डाली हैं, मगर कंडीशन ऐसी कोई भी नहीं है जो एकदम अलग कंडीशन है। अगर आज भी आप देखो दो अलग अलग स्टेट्स के अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, पंजाब के अंदर एक, हरियाणा के अंदर, या मेरे एग्जांपल में एक गुड़गांव के अंदर एक, सीपी के अंदर, तो उन ब्रांचेस को अलग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेनी पड़ती है। फिर लेट से गुड़गांव से सीपी में कुछ सामान भेजा, मैंने गुड़गांव से सीपी में भेजा क्योंकि दोनों डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, उसे शेड्यूल वन में सप्लाई मानते हैं, अगर गुड़गांव सीपी को भेजेगा तो गुड़गांव टैक्स इनवॉइस रेस करेगा, सीपी वाली ब्रांच उसका क्या ले लेगी, क्रेडिट ले लेगी, इसे बोलते हैं इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर। अब यही चीज को इंट्रा स्टेट ले आओ, लेट्स से लक्ष्मीनगर और सीपी की मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले ली जस्ट बिकॉज दे आर टू डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस, तो अब लक्ष्मीनगर और सीपी दोनों क्या बन जाएंगे, अलग अलग डीम डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। लक्ष्मीनगर से कुछ सामान चल के सीपी में गया तो उसे सप्लाई माना जाएगा, लक्ष्मीनगर उसके अंदर इनवॉइस रेस करेगा, सीपी वाला क्या करेगा, उसका क्रेडिट ले लेगा। तो पहले केस वही है, इनकेस ऑफ सप्लाई बिटवीन टू सेपरेटली रजिस्टर्ड ब्रांचेस, ट्रांसफर ऑफ ब्रांच शैल पे दी टैक्स एंड इशू अ टैक्स इनवॉइस, रेसिपिएंट ब्रांच को उसका आईटीसी मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज टू बी फाइल्ड, यानी कि आपको दोनों का आरईजी 01 अलग अलग फाइल करना पड़ेगा, पहले इंटर स्टेट के अंदर अलग फाइल करना पड़ता था, अब इंट्रा स्टेट में भी अगर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लोगे अलग अलग फाइल करना पड़ेगा, कोई नई बात नहीं है। फिर कॉम्पोजिशन के अंदर एक चीज हमने पढ़ी थी, कॉम्पोजिशन स्कीम में हम पढ़ते थे कि अगर आपने एक स्टेट के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली है तो आपको सारी स्टेट्स के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी, और इसका उल्टा भी पढ़ते थे, अगर आपकी किसी एक स्टेट, कोई एक स्टेट कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो गई है सेक्शन 10 में तो आपकी सारी स्टेट्स इनएलिजिबल हो जाएंगी। उसी प्रोविजन को इंट्रा स्टेट में लगा दिया गया है, हमने कह दिया अगर आपने इंट्रा स्टेट अलग अलग ब्रांचेस ले ली है और आपकी एक ब्रांच ने, लेट से मेरी सीपी ब्रांच ने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली, तो मेरी दिल्ली में जितनी भी अलग ब्रांचेस हैं, सारी और जितनी भी ब्रांचेस हैं, बेशक उन्होंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखी है बट उनको अलग अलग, उनको भी कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी, यानी फंडा वही चलेगा, साथ में कॉम्पोजिशन स्कीम में आएंगे, और कोई एक बंदा इनएलिजिबल हो गया, किसी एक को भी लात पड़ गई बार, तो फिर ऑटोमेटिकली सारे बाहर चले जाएंगे, सारे के सारे इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो चार कंडीशंस जो आई हैं, ये कंडीशंस पहले भी थी इंटर स्टेट के अंदर,
बिजनेस वर्टिकल के रूप में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लो, तब भी ये चारों कंडीशन लगती थी, आज भी ये कंडीशन बिल्कुल वैसे की वैसी डाल दी गई है। फर्क सिर्फ इतना है, आप बिजनेस वर्टिकल के लिए नहीं है, आप प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। नीचे चार एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सिंपल है। पहला लक्ष्मी नगर और गुड़गांव, दो अलग अलग ब्रांचेस हैं और दोनों ब्रांचेस क्या हैं, सेपरेट बिजनेस वर्टिकल हैं। लेट अस सपोज, क्या मुझे अलग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? यस, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, यहाँ कोई अमेंडमेंट की बात नहीं है, तो पहले भी था। दो अलग अलग स्टेट मतलब मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन। लक्ष्मी नगर और गुड़गांव इस केस में ये सेपरेट बिजनेस वर्टिकल नहीं है, एक ही तरह का बिजनेस चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता बिजनेस वर्टिकल का। क्यों? पहले भी इंटर स्टेट में तो आपको मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती थी, यानी ये प्रोविजन अमेंडमेंट से पहले भी वैसे था, अब भी वैसा है, एज लॉन्ग एज दोनों अलग अलग स्टेट के अंदर है मैंडेटरी। फिर अमेंडमेंट आ गया यहां इंटर स्टेट सीपी और लक्ष्मी नगर। पहले क्या होता था, सेपरेट बिजनेस वर्टिकल के अंदर आपके पास ऑप्शन होता था, वैसे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन मगर ऑप्शन भी होता था सेपरेट लेने का। इस केस में जब सेपरेट बिजनेस वर्टिकल नहीं है और सेम स्टेट के अंदर हो, तो यहां पर आपको मैंडेटरी सिंगल रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती थी, ऑप्शन अलग अलग लेने का अवेलेबल नहीं था। अमेंडमेंट ये आई है कि यहां पर भी अब सिंगल सिंगल रजिस्ट्रेशन लेने का ऑप्शन आ गया है। नाउ दैट इज द मेन पॉइंट जो हमें यहां पे कंसीडर करना है। दिस अमेंडमेंट का इंपैक्ट सिर्फ इंट्रास्टेट के अंदर आया है, वो भी तब जब दो ब्रांचेस सेपरेट बिजनेस वर्टिकल नहीं है। ठीक है, अच्छा, 14th जो अमेंडमेंट है वो अगेन आईटीसी से रिलेटेड अमेंडमेंट है। ऑल ऑफ अ सडन रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में चलते चलते मैं आईटीसी में आ गया, मगर उसको मैंने यहां पे इसलिए डाला क्योंकि ये ऊपर वाली अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ऊपर वाली अमेंडमेंट अभी हमने क्या पढ़ी कि अगर आपकी दो अलग अलग ब्रांचेस थी, सेम स्टेट में थी, कल तक हो सकता है आपने उसकी एक ही रजिस्ट्रेशन ले रखी थी, आज आपने डिसाइड किया कि मैं उसकी अलग रजिस्ट्रेशन लेता हूं, यानी कि जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आई, अभी जो अमेंडमेंट नंबर 13 करी, हो सकता इससे पहले लक्ष्मी नगर और सीपी ब्रांच, ये दोनों ब्रांचेस पहले मेरी एक ही जीएसटीएन था इसका, क्योंकि ये दोनों मेरी अलग अलग बिजनेस वर्टिकल थी नहीं, जब तक अमेंडमेंट नहीं आई थी इसके लिए मैंडेटरी मुझे क्या लेनी पड़ती थी, सिंगल रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती थी। नाउ लेट अस सपोज आफ्टर अमेंडमेंट मैंने क्या किया, अमेंडमेंट आते ही इन दोनों को सेपरेट रजिस्टर करा दिया, इसका जीएसटीएन अलग, इसका जीएसटीएन अलग। अब सवाल यह है कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर तो पुराना हो जाएगा, एक को नया मिल जाएगा, पर ऐसा भी हो सकता है कि इस पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर में, लेट अस सपोज पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर लक्ष्मी नगर को अलॉट करवा दिया गया, अब जो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऐसा हो सकता है कि कुछ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड पड़ा था किताबों में जिस दिन हमने इस रजिस्ट्रेशन के दो हिस्से करवाए, जब मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ली, हो सकता है इस जीएसटी इन के अंदर कुछ पुरानी किताब आईटीसी अनयूटिलाइज्ड पड़ा था। आपको पता होगा आईटीसी कहां पे दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पुरानी वाली रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ आईटीसी पड़ा था। अब ये तो है ही है, लक्ष्मी नगर को अलॉट कर दी गई, सीपी की मैंने नहीं ले ली, दिस इज न्यू रजिस्ट्रेशन। अब क्या ये जरूरी है कि ये पुराना अनयूटिलाइज क्रेडिट मैं लक्ष्मी नगर में यूज करना चाहता हूं? देखो रजिस्ट्रेशन नंबर तो उसका ही है, मगर अगर सारा का सारा आईटीसी सर्विस को दे दें, हो सकता है कि अब मेरा जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो सीपी के पास चला गया, यानी सीपी के, हो सकता है सीपी के पास आगे फ्यूचर में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो, मगर इस बेचारे के पास कोई आईटीसी नहीं है, सारा आईटीसी लक्ष्मी नगर ब्रांच में इकट्ठा हो गया, और यहां पर हो सकता है मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा ना हो, यानी कि पहले मेरा एक ही रजिस्ट्रेशन होती थी, आउटपुट एक साथ ही आता था और आईटीसी फिर भी अनयूटिलाइज था, अब मेरा उसमें से मैंने एक नई ब्रांच बना दी सीपी, सीपी ब्रांच ऑल टुगेदर सेपरेट हो गई, अब सारा का सारा आईटीसी यहां पड़ा है, तो क्या मैं इस आईटीसी को ट्रांसफर करना चाहूंगा? द आंसर इज यस। अगर आपकी एक जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन दो हिस्सों में बट गई है, तो आप उसका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अगर पड़ा है वो भी दो हिस्सों में बांटना चाहते होगे, अगेन ये कंपल्सरी नहीं है, आपका ऑप्शन है। अगर आपको लगता है लक्ष्मी नगर वाली ब्रांच में पड़े रहने दो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को, कैरी फॉरवर्ड होगा, अगली बार के आउटपुट टैक्स से यूज हो जाएगा और मुझे लगता है मेरे यहां पर आउटपुट टैक्स सफिशिएंट होगा, तो मत करो ट्रांसफर। ऑप्शनल है, ऑप्शन क्या है हमारा कि अगर आपने सीपी ब्रांच की अलग रजिस्ट्रेशन ली है, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप लक्ष्मी नगर ब्रांच से अपने आईटीसी को ट्रांसफर कर सकते हो सीपी वाली ब्रांच के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर बताया उन्होंने, कहा जो भी लक्ष्मी नगर वाली ब्रांच है वो एक फॉर्म भरेगी ITC 02A, कितने दिन में फाइल करेगी, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज
from taking new registration. नई रजिस्ट्रेशन सीपी के लिए नई रजिस्ट्रेशन ली ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो पुरानी रजिस्ट्रेशन थी लक्ष्मीनगर को अलॉट कर दी गई है, जो सिंगल रजिस्ट्रेशन थी पहले, वो 30 दिन के अंदर अंदर आईटीसी 02 फाइल करेगी। सर इसके अंदर वो क्या डिटेल देगी? इसके अंदर वो दिए डिटेल देगी आईटीसी की जो अनयूटिलाइज पड़ा है। तो सर क्या सारा का सारा अनयूटिलाइज, लेट से 5 लाख का अनयूटिलाइज पड़ा है, क्या सारा का सारा सीपी ब्रांच को मिल जाएगा? द आंसर इज नो। लॉ कहता है इस 5 लाख के आईटीसी को हम बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय नेट एसेट्स ट्रांसफर्ड टू सीपी ब्रांच। सीपी ब्रांच को जो नेट एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं वो न्यूमरेटर में रखे जाएंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे टोटल एसेट्स बिफोर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब तक रजिस्ट्रेशन नई नई हुई थी, जो सिंगल रजिस्ट्रेशन थे उसमें जो टोटल एसेट्स थे वो एसेट्स ऊपर न्यूमरेटर में ले लिए सीपी वाले को, यानी जिस रेशियो के अंदर आपने नई वाली रजिस्ट्रेशन को एसेट्स दिए हैं उसी रेशियो के अंदर आप उसे अनयूटिलाइज्ड आईटीसी भी दोगे। और ये वाली चीज आप कहां पे दे दोगे? आईटीसी 02A के अंदर आप सारा का सारा आईटीसी सीपी को भी नहीं दे सकते। आप चाहो तो सारा का सारा लक्ष्मीनगर में रख सकते हो, क्योंकि ये जो आईटीसी 02A फाइल करना है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। सारा का सारा यहां रख सकते हो मगर सारा का सारा सीपी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ट्रांसफर तो किस में करोगे? नेट एसेट्स के रेशियो में ही कर पाओगे। अच्छा, नेट एसेट्स के रेशियो में ट्रांसफर कर दिया आपने, आईटीसी 02 फाइल कर दिया, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ऑनलाइन जाकर जब ये अपना ऑनलाइन पोर्टल में जीएसटी चेक करेगा, इसको ये क्रेडिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहां पे एक डैशबोर्ड होता है जीएसटी पोर्टल में, इसके डैशबोर्ड में डिस्प्ले हो जाएगा कि सामने वाले एक ब्रांच ने, आपकी लक्ष्मीनगर ब्रांच ने आपको इतना क्रेडिट ट्रांसफर किया है, कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं? ये कहेगा यस। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे इसके क्रेडिट लेजर से वो पैसा घट जाएगा और इसके आईटीसी लेजर यानी कि क्रेडिट लेजर के अंदर वो आ जाएगा। यानी ये जो प्रोविजन है अमेंडमेंट नंबर 14, ये 13 से रिलेटेड है। ये 14 नंबर अमेंडमेंट ये बताती है कि अगर आपने एक ही स्टेट के अंदर दो अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस की, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले ली, तो कैसे आप अपनी सिंगल रजिस्ट्रेशन में पड़े हुए अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट को नए वाली रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर करोगे? पहली बात, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट होगा सिर्फ प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। फॉर्मूला है बेस्ड ऑन द नेट एसेट्स ट्रांसफर टू द बेस्ड ऑन द एसेट्स ऑफ द पुरानी ब्रांचेस एंड दी न्यू ब्रांचेस के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिया। ब्रांच पुरानी हो सकती है, नई रजिस्ट्रेशन वाली ब्रांच का नेट एसेट्स और दूसरी वाली ब्रांचेस जिनके पास पुरानी रजिस्ट्रेशन है उनके नेट एसेट्स। दूसरी चीज, पुराना जीएसटीएन से आप आईटीसी 02 फाइल करोगे, जो आपको करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ सीपी ब्रांच। ठीक है, जब इसका आरईजी 06 आ जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर सीपी ब्रांच को सिर्फ अपने ऑनलाइन पोर्टल पे क्रेडिट को एक्सेप्ट करना है एंड क्रेडिट आपका हो गया ट्रांसफर। बहुत ही सिंपल प्रोविजन है। इसके अंदर आप चाहो पेज नंबर 19 पे ये डायग्राम बना सकते हो। यहां पे लिख लो लक्ष्मीनगर, सीपी लिख लो, न्यू रजिस्ट्रेशन इसके पास लेट अस सपोज अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कितना है? 5 लाख का। यहां लिखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईटीसी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय नेट एसेट्स, नेट एसेट्स नहीं वैल्यू ऑफ एसेट्स दे रखा है, वैल्यू एसेट्स ऑफ सीपी ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ बोथ ब्रांचेस। ठीक है जी, प्रोसीजर के टर्म्स में क्या करना पड़ेगा? इसको फाइल करना पड़ेगा, फाइल आईटीसी 02A विद इन 30 डेज फ्रॉम REG 06। आपको याद होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, फ्रॉम REG 06 ऑफ सीपी ब्रांच। इसको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट आईटीसी ऑन ऑनलाइन पोर्टल। दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा एक तरीका है। दिस अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 13 इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अमेंडमेंट नंबर 13। दोनों अमेंडमेंट्स कवर कर ली, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड अमेंडमेंट नहीं थी। अच्छा, इसी के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट हो रहा है। मैं आपको जब सारा प्रोसेस समझा रहा था, मैंने स्टार्टिंग में आपको यह समझाया
कि आइडली आपको एक ही ब्रांच, अलग अलग ब्रांचेस की एक ही रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, जिसमें कुछ ब्रांचेस एक ब्रांच को प्रिंसिपल प्लेस बोल देते हो, बाकियों को एडिशनल। इसके दो एक्सेप्शन बता रहा था। पहली एक्सेप्शन के अंदर अमेंडमेंट आई है, जो ऑप्शन बिजनेस वर्टिकल के लिए था वो प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए हो गई है। सर दूसरी एक्सेप्शन क्या होती है? दूसरी एक्सेप्शन अगर आपको याद हो, दूसरी एक्सेप्शन होती है SEZ की। SEZ क्या होता है? SEZ स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब मैंने डिटेल में क्लासेस में बता दिया था, नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ये डेजिग्नेटेड एरिया होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स देती है, और इसका अल्टीमेट एम होता है अपने इंडिया के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना। मैंने पूरी कहानी बताई थी क्लास में, मैं वो सारी कहानी वैसे नहीं सुना रहा। SEZ को हमने क्या किया है, अलग से एक रजिस्ट्रेशन कर मैंडेटरी कर दिया है। यानी कि अगर आपके पास हरियाणा के अंदर, लेट अस सपोज हरियाणा के अंदर दो अलग अलग यूनिट है, एक यूनिट आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, दूसरा SEZ नहीं है। जो SEZ नहीं होते उनको हम SEZ एक्ट के हिसाब से प्यार से बोलते हैं DTA। DTA स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ठीक है जी, अगर आपका एक ब्रांच SEZ है और एक ब्रांच आपकी SEZ नहीं है, तो ये वाला प्रोविजन कहता है आपको इन दोनों के लिए मैंडेटरी अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ये दिस इज अगेन एन एक्सेप्शन टू द रूल कि सेम स्टेट के अंदर सिंगल रजिस्ट्रेशन होती है, बट अनलाइक द एक्सेप्शन नंबर वन वो ऑप्शनल थी जिसमें अमेंडमेंट आई है, ये ऑप्शनल नहीं होती है, कंपल्सरी होती है। तो सर ये प्रोविजन तो हमें याद आ गया, बट क्या इसके अंदर भी कोई अमेंडमेंट आई है? इसके अंदर एक छोटी सी चीज ये आई है, पहले ये जो सेपरेट रजिस्ट्रेशन का पार्ट था ना, ये रूल्स में लिखा होता था, दिस वॉज इन CGST रूल्स, और वहां पे इसकी लैंग्वेज ऐसी होती थी, व्हेनेवर देयर इज अ स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक, देयर इज अ सेपरेट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन अ पर्टिकुलर स्टेट, इट विल हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस वर्टिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम DTA। वर्ड किसका होता था? बिजनेस वर्टिकल का। अब जब बिजनेस वर्टिकल का कॉन्सेप्ट ही हमने खत्म कर दिया, इनफैक्ट डेफिनेशन तक डिलीट कर दिया उसकी CGST एक्ट से हमने, तो इस प्रोविजन को बदलना नहीं, इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करना था। फिर इतना सा चेंज करना था कि नाउ ऑल्सो SEZ विल कंपल्सरी गेट अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, बट नॉट एज अ सेपरेट बिजनेस वर्टिकल, बट एज अ सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस। वहां पे तब हम क्या कहते थे, इसको तो बिजनेस वर्टिकल अलग मानना ही पड़ेगा, अलग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अब हम वही चीज बोल रहे हैं, बट लैंग्वेज हमारी बदल गई, अब इसको सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस मानना ही पड़ेगा और इसकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। यानी नेट शेल में कहूं कोई फर्क नहीं आया, पहले भी यही बोलते थे SEZ की सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, अब भी हम यही बोल रहे हैं SEZ की सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, बट फर्क सिर्फ इतना आया, इस प्रोविजन को CGST रूल्स से उठाकर CGST एक्ट में डाल दिया। कुछ लोगों ने इस पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रूल्स कैन नेवर बी अबव द एक्ट, रूल्स हैव टू बी सबॉर्डिनेट टू द एक्ट। कोई भी रूल के अंदर प्रोविजन हो जो एक्ट के अगेंस्ट जाता है तो उसे अल्ट्रा वायर्स द एक्ट बोला जा सकता था। कुछ लोगों का मानना था अगर आपने ये SEZ की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अलग कर रखी है, इस पे कल को लीगल चैलेंज आ सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं ये एक्ट की अथॉरिटी से ऊपर जाकर आपने कुछ रूल्स में लिख दिया। ऐसे या कोई भी इस पे रिट पिटीशंस भी आई थी, ऐसा कोई भी चैलेंज आता इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सेम प्रोविजन ही रूल्स से हटा के किसमें कर दिया, एक्ट में डाल दिया। तो पहली बात तो ये सेम प्रोविजन पहले भी था, अब भी है, रूल्स से उठ के अब ये किसमें आ गया, एक्ट में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी बात, यहां पे जो बिजनेस वर्टिकल का रेफरेंस था वो हट के क्या आ गया, प्लेस ऑफ बिजनेस। नटशेल में प्रोविजन वही है, पहले भी SEZ की मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन होती थी, अब भी मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगी। तो अगर आप चाहो तो यहां पर एक लिख सकते हो, छोटी सी चीज लिख दो, फॉर SEZ देयर विल बी प्रोविजन फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑन मैंडेटरी बेसिस जस्ट लाइक बिफोर। पहले की तरह अभी भी इसके अंदर सेपरेट रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन होगा, हाउएवर This provision has now been shifted from CGST rules to CGST Act. CGST rules की जगह अब ये कहां पर शिफ्ट हो गया, CGST Act में शिफ्ट हो गया, राइट। चलो ये भी कवर कर लिया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, वो हमारा क्वेश्चन है RTP के अंदर। लेट मी सी RTP का कौन सा क्वेश्चन है, RTP
में buy more get more amendment definition registration. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है आरटीपी का. ये हमारा क्वेश्चन वैसे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. मिस्टर पप्पू सिंह कमेंस्ड हिज ऑपरेशंस इन फरवरी. ही हैज एस्टैब्लिश्ड द फॉलोइंग यूनिट्स. इसके पास इंडिया में फॉलोइंग यूनिट्स हैं. एक यूनिट ए है एसईजी में, एक यूनिट बी है नॉन एसईजी में. नॉन एसईजी बोले तो डीटीए के अंदर, और दोनों के दोनों कहां पर है, महाराष्ट्र में. दो यूनिट है महाराष्ट्र के अंदर, एक एसईजी एक नॉन एसईजी. सेम स्टेट में मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, यानी मिनिमम दो रजिस्ट्रेशन तो आपको महाराष्ट्र में लेनी पड़ेगी. फिर यूनिट सी दिल्ली के अंदर है, महाराष्ट्र और दिल्ली अलग अलग स्टेट्स हो गई, इसकी भी अपनी अलग एक सेपरेट लेनी पड़ेगी. और यूनिट डी और ई गोवा के अंदर है. नाउ गोवा वाले की एक तो लेनी पड़ेगी, बट सवाल ये है क्या डी और ई की आप अलग अलग ले सकते हो? यस, अमेंडमेंट के बाद ये जरूरी नहीं है. डी और ई बिजनेस वर्टिकल अलग अलग होने चाहिए, जस्ट इवन इफ दे आर सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस, आपके पास ऑप्शन होता है. आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो दो ले सकते हो, अदरवाइज वन तो लेनी पड़ेगी. वन लेनी क्यों पड़ेगी? क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली से अलग ही हो पाएगी, यानी मिनिमम कितनी लेनी पड़ेगी, 2+1+1, 4 तो लेनी पड़ेगी. आपकी मर्जी है, 2+1+2 कर दो तो ये आपका ऑप्शनल है. मिस्टर पप्पू सिंह अप्रोच यू टू हेल्प इन डिटरमिनिंग द स्टेट्स एंड द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक. आंसर बताना है आपको. पहला महाराष्ट्र 2, दिल्ली 1, गोवा 1. गोवा 1 या 2 ऑप्शनल. ये आंसर मेरे को पढ़ के ठीक लग रहा है, मगर आगे पढ़ना पड़ेगा. ये तो देख के सही लग रहा है, बाकी देखते हैं. महाराष्ट्र ऑप्शनल, महाराष्ट्र में ऑप्शनल नहीं है. एससीजी वाले केस के अंदर वो एक्सेप्शनल कंपलसरी होती है, मैंडेटरी होती है, यहां पर ऑप्शनल नहीं है. तो ये आंसर गलत हो गया. महाराष्ट्र 1, ये भी गलत है. महाराष्ट्र 2, दिल्ली 1, गोवा 2. 2 मैंडेटरी नहीं है, 2 हमेशा क्या है हमारी, ऑप्शनल है. तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1. दिस वॉज द पॉइंट विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आई डोंट थिंक कोई भी और क्वेश्चन है. देन लेट्स मूव ऑन टू आवर अमेंडमेंट नंबर 15. नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारी है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन. अब ये प्रोविजन क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ ये सस्पेंशन की जरूरत ही क्यों पड़ी. हमारे यहाँ पर जीएसटी के अंदर एक प्रोविजन है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे फ्लो चार्ट्स के अंदर, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा. कैंसिलेशन का प्रोविजन एक बार रिवाइज करेंगे तभी हमें समझ में आएगा सस्पेंशन की जरूरत ही क्या थी. हाँ जी, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये प्रोविजन है. इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, आई थिंक इट इज विजिबल नाउ. ठीक है, अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दो तरह से हो सकती है. एक तरीका यह है कि ऑफिसर सुओ मोटो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले. एक केस ये हो सकता है कि मैं खुद ही डिपार्टमेंट के पास जाऊं और वॉलंटरली कहूं कि मुझे अपनी कैंसिलेशन करानी है. अगर मैं वॉलंटरली कैंसिल कराता हूं तो उसके कुछ अलग यार्डस्टिक्स हैं. उसके कौन कौन से ग्राउंड हो सकते हैं वो अलग दे रखे हैं. वो ग्राउंड्स कुछ जो दे रखे हैं यहां पर मैंने समझा रखा, जो जिसमें वॉलंटरी भी हो सकती है और सुओ मोटो प्रॉपर ऑफिसर भी कर सकता है. कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर ही एक्शन ले सकता है. मैं उनकी डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रोसीजर की डिस्कशन कर रहा हूं. अगर मैं खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता हूं तो मुझे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज जो भी इवेंट हुआ है, इवेंट कौन कौन से हो सकता है आपका, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, इन इवेंट्स की वजह से जब भी हुआ है ये इवेंट उसके 30 डेज के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करनी है. एप्लीकेशन फाइल होती है REG 16 के अंदर. REG 16 के साथ मुझे डिटेल्स देनी पड़ती है जो भी स्टॉक के अंदर मेरे इनपुट्स हैं और कैपिटल गुड्स हैं. इनकी डिटेल इसलिए देनी पड़ती है कि अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है तो एक सेक्शन होता है 29 सबसेक्शन 5 जिसके अंदर ITC रिवर्सल का अमाउंट कैलकुलेट होता है. ठीक है, तो उसके लिए ये डिटेल दी. अब मेरी एप्लीकेशन REG 16 पहुंच गई 30 दिन के अंदर अंदर, ऑफिसर उसको चेक करेगा. अगर वो उसको लगता है कि कैंसिलेशन का कोई ग्राउंड नहीं है तो वो मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है. अगर उसको कैंसिलेशन का ग्राउंड लगेगा तो वो मेरी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा 30 डेज के अंदर अंदर कर देगा. और कैंसिलेशन के समय एक ऑर्डर पास करेगा जिसका नंबर होता है REG 19. तो एप्लीकेशन जाती है REG 16 के अंदर, कैंसिलेशन कितने में आती है REG 19 में. REG 19 आपको REG 16 के 30 दिन के अंदर अंदर पास करना पड़ता है. और REG 16 कितने दिन में फाइल करना पड़ता है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट जब से रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए. अच्छा, ये बात हो गई अगर मैं वॉलंटरली जाऊं. अगर मैं सुओ मोटो प्रॉपर ऑफिसर करे, प्रॉपर ऑफिसर के पास अगेन कुछ ग्राउंड होते हैं. ये 3 ग्राउंड तो हैं, इसके अलावा कुछ ग्राउंड होते हैं. अगर मैं कोई कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ कर रहा हूँ, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स नहीं करी, मैंने एक बिजनेस कमेंस नहीं किया, ये सारे रीजन की वजह से वो मेरे को पहले क्या करेगा, मुझे नोटिस भेजेगा, शो कॉज नोटिस. शो कॉज नोटिस में ये लिखा होगा क्यों आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना कर दी जाए. अगर शो कॉज नोटिस में ये लिखा है कि आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करी, तो पहले तो आपको
कैंसिलेशन ऑफ रिटर्न ड्यू टू डिफॉल्ट इन रिटर्न से, तो पहले तो उस डिफॉल्ट को ठीक करना पड़ेगा। डिफॉल्ट ठीक करने के बाद आपको उस SCN का रिप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, आपके अगेंस्ट जो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स है वो ड्रॉप हो जाएंगी। अगर किसी और रीजन की वजह से SCN आया था तो आप उसका जवाब दोगे 7 दिन के अंदर अंदर। जवाब पसंद आ गया तो वो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा। अगर जवाब उसका पसंद नहीं आया, PO इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, तो वो REG-19 फाइल कर REG-19 में ऑर्डर पास करके आपका कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देगा। यानी दोनों केसेस में ऑर्डर तो एक ही आता है, REG-19। अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं REG-16 में करता हूं, नहीं तो PO बताए तो वो मुझे शोकॉज नोटिस भेजता है, शोकॉज नोटिस का मैं रिप्लाई करता हूं 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है जी, ये प्रोसीजर हो गया। अब आपने देखा होगा दोनों केसेस के अंदर, यहां पर जो 30 डेज है वो शोकॉज नोटिस के 30 डेज के अंदर ऑर्डर पास होना चाहिए, यहां पर जो 30 डेज है वो REG-16 के अंदर है। मैंने एक बार REG-16 फाइल कर दिया है, कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो उसका ऑर्डर आने आने में 30 दिन हो सकते हैं। नो, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी मैं आपको समझाता हूं जिसकी वजह से ये सस्पेंशन का प्रोविजन आया। अगर आप इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को समझ गए तो आपको आइडिया लग जाएगा ये प्रोविजन क्यों आया। मैं इसी के अंदर यहीं पर बुक में समझा देता हूं। चलो लेट अस सपोज मैंने 20th अगस्त 2019 को अपना REG-16 फाइल किया, ठीक है, कैंसिलेशन की एप्लीकेशन। ऑन दी अदर हैंड मेरा 15/9/2019 तक REG-19 आया। बीच में हो सकता है बीच में वो मेरे को क्वेश्चंस पूछे सब करे, और ये जो 30 डेज की टाइम है ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब दिक्कत ये आ गई कि अगस्त में जब मैंने REG फाइल कर दिया, इसकी मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, GSTR-1 फाइल करना पड़ेगा, GSTR-3B फाइल करना पड़ेगा। कब कब करना पड़ेगा? 1 की डेट आ जाएगी 10 सितंबर 2019 को, 3B की डेट आ जाएगी 20/9/2019 को, सॉरी 15 से पहले है ना, 1 की डिटेल आ जाएगी, 3B की डेट नहीं आएगी। अब आपको कहोगे सर मैंने तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल कर दी, मुझे रिटर्न क्यों फाइल करनी पड़ेगी? भाई रिटर्न तो पहले के समय की है ना, और किसने कहा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है? एज लॉन्ग एज रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ एक्टिव तो है। अच्छा, अब जब आपकी कैंसिल भी हो गई, ये तो अगस्त का फाइल हो गया, 1 सितंबर 2019 से 15 सितंबर 2019 के पीरियड के लिए भी तो आपकी रजिस्ट्रेशन एक्टिव थी, यानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको इन 15 दिनों की रिटर्न फाइल करने जाना पड़ रहा है 10 अक्टूबर 2019 को और 20 अक्टूबर 2019 को। और प्रैक्टिकल चैलेंज ये आता है कि जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका लॉगिन कई बार ब्लॉक हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया ब्लॉक हो जाता था, या फिर वो लॉगिन तो होता था उसमें रिटर्न फाइल नहीं होती थी, एरर दिखाता था। तो बड़ी बेकार सी चीज हो गई कि भाई मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, और एप्लीकेशन फाइल करके ना कई बार जो हमारी कैंसिलेशन आती है वो इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट आती है। ऑर्डर बेशक REG-19 वाले दिन आता है, हमारी लॉ में लिखा हुआ है आप REG-19 वाले दिन से भी कैंसिलेशन कर सकते हो, उससे पहले वाले दिन से भी कर सकते हो। तो आपको जो इंटरवीनिंग पीरियड है उस समय रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है, और ये 30 डेज लॉ में लिख रखा है। मैं प्रैक्टिकली बताऊं 30 डेज के अंदर अंदर REG-19 आता नहीं है। मैंने भी बहुत कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कराई है, प्रैक्टिकली 30 डेज के अंदर आता नहीं, और उसके अगेंस्ट कोई लॉ में लिखा भी नहीं है कि डीम्ड कैंसिलेशन का प्रोविजन हो। तो प्रॉब्लम ये आती थी जब आप REG-16 फाइल कर देते हो और REG-19 अभी तक आया नहीं होता कैंसिलेशन ऑर्डर, ये जो बीच का समय है, इस समय के अंदर क्या मैं इनऑपरेटिव रहूंगा? नहीं, मैं चाहूं तो टैक्सेबल सप्लाईज कर सकता हूं और मुझे पुराने समय की रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमने क्या बोला, हमने कहा जब आप अपनी, मान लो आप अपनी, पहले एक बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं वॉलेंट्री कैंसिलेशन का, आप वॉलेंट्रली REG-16 फाइल कर रहे हो, तो जैसे ही आप REG-16 अप्लाई करोगे उस दिन से आपकी रजिस्ट्रेशन डीम्ड सस्पेंडेड मानी जाएगी। डीम्ड सस्पेंडेड मतलब जब तक REG-19 का ऑर्डर नहीं आता, या तो एक्सेप्ट करेगा वो रिजेक्ट करेगा, बट जब तक ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तब तक सस्पेंशन रहेगी उस समय के बीच में। अब सस्पेंशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? सस्पेंशन के दो कॉन्सिक्वेंस होंगे। इस पीरियड के अंदर आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, ड्यूरिंग दिस पीरियड यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। और दूसरी चीज क्या आएगी, इस पीरियड के अंदर आपको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होंगे आपके, ना तो आप कोई टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो, ना ही आपको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। ये दो कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करके रखने के लिए। अब REG-19 फाइल होगा, जैसे ही REG-19 आएगा
तो ये जो सस्पेंशन है ना, ये डीम्ड टू बी रिवोक मान ली जाएगी। सर रिवोक क्यों करोगे? अब इस पीरियड के अंदर आपको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन सच में आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, तो एज आई सेड, ये किस दिन से कैंसिल मानी जाती है, यूजुअली किस दिन से कैंसिल की जाती है? REG 16 वाले दिन से। ये ऑफिसर को लगेगा तो वो उसी दिन से प्रोस्पेक्टिवली कर सकता है, बट यूजुअली वो REG 16 या आपने कोई ना कोई डेट बता रखी होती है इस समय के बीच में कि इस दिन से मेरे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना, या तो वो REG 16 वाली डेट या इंटरवीनिंग कोई भी डेट है उस डेट से आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। भाई कैंसिल ही हो गई, अब तो कोई रजिस्ट्रेशन की, अब तो आपको ना रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, ना आपको टैक्सेबल सप्लाई करने की परमिशन है। मगर इस समय तक जब तक सस्पेंस जारी था, REG 19 आया नहीं था, REG 19 तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा, बट आएगा तो बाद में ना, जब तक सस्पेंस जारी था तब तक ऑफिसर्स कहते थे रिटर्न फाइल करो। अब हमने सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन डाल के इंश्योर कर दिया कि कोई भी ऑफिसर आपको ये नहीं कह सकता रिटर्न फाइल करो, क्योंकि सस्पेंशन आप सीधा बोल सकते हो मेरी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है, ना तो मैं कोई टैक्सेबल सप्लाई कर सकता हूँ, ना ही मेरे को इस समय की रिटर्न भरनी है। मगर जिस समय आपका REG 19 आ गया, उस समय आपकी जो सस्पेंशन है वो रिवोक हो जाएगी। रिवोक क्यों हो जाएगी? उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आपकी कैंसिलेशन ही बैक डेट से हुई है। सो नाउ देयर इज नो नीड फॉर सस्पेंशन, बट टिल द टाइम दैट REG 19 नहीं आया था, सस्पेंस जारी था, उस सस्पेंस वाले पीरियड को मैंने सस्पेंशन से कवर कर लिया। तो ये अगेन बड़ा प्रोसीजरल छोटी सी चीज है, सस्पेंशन की जरूरत क्यों आ रही है इसके अंदर हमारी, एक बार प्रोविजन देख लेते हैं बुक में। हाँ जी, बुक में पेज नंबर 19, मतलब अमेंडमेंट नोट्स में, वेयर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वेयर एसएससी अप्लाइज फॉर सस्पेंशन। ये हो गया केस जब आप वॉलंटरी कैंसिलेशन अप्लाई करते हो। वॉलंटरी कैंसिलेशन में वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन अंडर रूल 20, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। ध्यान दो वर्ड क्या लिखा है, डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, मतलब आपको सस्पेंशन के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। इट शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब REG 16, जिस दिन आप REG 16 करोगे ना एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन, उसी दिन से डीम टू बी सस्पेंडेड मान ली जाएगी, या फिर फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर। कई बार आप REG 16 के अंदर उस डेट से कैंसिलेशन नहीं मांगते, किसी फ्यूचर डेट से मांगते हो, तो वो जो फ्यूचर डेट आपने लिखी, लेट से मैं 20 अगस्त 2019 को फाइल कर रहा हूं, बट मैं मांग रहा हूं कैंसिलेशन 25 अगस्त से, तो सस्पेंशन किस दिन से मानी जाएगी, 25 तारीख से। दिस सस्पेंशन शैल बी इन ऑपरेशन पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन। सिंपल भाषा में बोलूं तो REG 19 आने तक, तब तक आने तक हमने कैंसिलेशन कर दी। अच्छा, ये केस मैंने आपको बताया जब मैं वॉलंटरी अगर वो फाइल कर रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है प्रॉपर ऑफिसर सो मोटो मेरे कैंसिल कर रहा हो, उसके अंदर अभी हमने प्रोसीजर पढ़ा, वो क्या करेगा, वो पहले SCN भेजेगा, SCN का जवाब दूंगा, SCN का जवाब पसंद आया या नहीं आया 30 दिन के अंदर वो मुझे REG 19 ऑर्डर करेगा। अगर उसको मुझे रिजेक्ट करना हो, मतलब उसने मेरी कैंसिलेशन नहीं करनी, मुझे क्लीन चिट देनी है, तो REG 20 होता है। अगर कैंसिलेशन करनी है तो REG 19 होती है। अगेन इसमें 7+30 डेज हो सकते हैं। टिल दैट टाइम प्रॉपर ऑफिसर मेरी रजिस्ट्रेशन को चाहे तो क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा। तो यहाँ पे दे रखा है, मेरा प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन इज लायबल टू बी कैंसल्ड, ही मे सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्सन। यूजुअली वो क्या करेगा, प्रैक्टिकली वो क्या करेगा, जब आपको SCN देगा ना, SCN के साथ साथ ही आपको क्या दे देगा, सस्पेंशन का भी नोटिस दे देगा, और साथ साथ आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा। यानी यहां पर भी सस्पेंशन क्या हो जाएगी, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अ डेट टू बी डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर। यूजुअली ये SCN की डेट के साथ साथ होता है, और ये भी कब तक होएगी, इट विल बी पेंडिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब तक प्रॉपर ऑफिसर कोई फाइनल कॉल नहीं लेता, तब तक ये सस्पेंडेड मानी जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सस्पेंशन, दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप टैक्सेबल सप्लाई मेक नहीं कर सकते, और आपको उस समय कोई रिटर्न फर्निश करने की जरूरत नहीं है। रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, जिस दिन आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगा या आपको क्लीन चिट मिल जाएगी REG 20 के अंदर, उस दिन आपकी सस्पेंशन डीम टू बी रिवोक मान ली जाएगी। देखो, अगर आपको क्लीन चिट मिल गई REG 20 के अंदर, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो रही, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर तो आपको सस्पेंडेड मानना ही नहीं चाहिए, वो पीरियड में आपको एक्टिव ही मानना चाहिए। और अगर REG 19 में कैंसिल कर दिया, तो यूजुअली मैंने बताया वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करेगा, तो वो जो सस्पेंशन वाला पीरियड है वो रिवोक हो भी जाएगा, तो दैट विल बी कवर्ड बाय कैंसिलेशन वाला प्रोविजन। तो ये जो डिफरेंस था दोनों के बीच में, ये वाला पीरियड पहले मैंने इन दोनों को सस्पेंड करके रखा, फिर जिस दिन ऑर्डर आ गया उस दिन मैंने सस्पेंशन को खत्म कर दिया, रिवोक कर दिया, और उसके बाद क्या हो गया, ये हमारा कैंसिलेशन पीछे डेट से आ गया, तो ये वाला पीरियड वैसे भी कैंसिलेशन की वजह से प्रोटेक्ट हो गया। अब आता है अमेंडमेंट नंबर 16। वैसे सस्पेंशन से रिलेटेड भी मैंने बुक के अंदर आपके फ्लो चार्ट्स के अंदर एक बना दिया था फ्लो चार्ट,
ये कैंसिलेशन सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है. इफ कैंसिलेशन इज सॉट बाय द एसएससी इफ बाय प्रॉपर ऑफिसर इट वुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम विच डेट किस डेट तक कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन. कंप्लीशन किसको माना जाता है जिस दिन आरईजी 19 आ जाए या फिर आरईजी 20 आ जाए. 20 में हमारी कैंसिलेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है यानी कि हमें क्लीन चिट मिल जाती है, एससीएन ड्रॉप हो जाता है, 19 के अंदर हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है. तो साथ साथ रखा है इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन, दोनों इफेक्ट यहां पर मैंने मेंशन कर रखे हैं. नेक्स्ट इज अमेंडमेंट नंबर 16. अमेंडमेंट नंबर 16 क्या है, इट इज विद रिगार्ड टू रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब ये रेवोकेशन क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है. नो डाउट प्रॉपर ऑफिसर हमें टाइम देता है, एससीएन देता है, उसका जवाब देने में टाइम देता है. और फिर अगर हम जवाब ना दें या जवाब से सेटिस्फाइड ना हो तो वो आरईजी 19 फाइल करता है. कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता कि एससीएन आया है या उस समय हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं, हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई. कैंसिल हो गई तो भाई खत्म ही हो गया, मैं तो अब तो नई एप्लीकेशन नई रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, नई रजिस्ट्रेशन में तो सारी कहानी नहीं होगी, मेरा पुराना आईटीसी मेरा पुराना सारे बैलेंसेस वो सब खत्म हो गए, बहुत दिक्कत की बात है. तो हमें एक फाइनल ऑप्शन दिया जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आप कैंसिलेशन को रिवोक करा सकते हो. ध्यान से समझना इस चीज को, कैंसिलेशन को रिवोक कराने का मतलब क्या होता है कि अपनी कैंसिलेशन को ही खत्म करा दो. इन शॉर्ट वापस अपनी रजिस्ट्रेशन को क्या करवा दो, रिस्टोर करवा दो. देयर इज अ डिफरेंस. सस्पेंशन में हम क्या कर रहे थे, उसको टेम्परेरली बेकार इनऑपरेटिव कर रहे थे, ठीक है जी. सस्पेंशन रिवोक हो जाती थी, वो इनऑपरेटिवनेस खत्म हो जाती थी, मगर कैंसिलेशन इफेक्ट में आ जाती थी. अब मैं सस्पेंशन वाले टॉपिक को तो खत्म कराया हूं, कैंसिल हो चुका है. कैंसिल के बाद आरईजी 19 आने के बाद मैं कह रहा हूं मेरी रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दो. रेवोकेशन वाला टॉपिक मैंने क्लास में कराया था. रेवोकेशन के अगेन, रेवोकेशन यूजुअली होता है कब, है वॉलेंटरली कैंसिलेशन के केस में तो होगा नहीं. रेवोकेशन की एप्लीकेशन आप फाइल ही तब करोगे जब आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर ऑफिसर ने सुओ मोटो करी है. अगर वॉलेंटरी का केस है कभी भी, वो तो अपनी मर्जी से कैंसिलेशन कराने गए थे, तो पहली बात तो ये होता कब है, जब सुओ मोटो प्रॉपर ऑफिसर ने कराया. इसका तरीका क्या होता है, आरईजी 19 के 30 डेज के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो रेवोकेशन की. उस रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ये कंडीशन होती है कि अगर आपकी कैंसिलेशन का कारण ये था कि आपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर रखी थी, रिटर्न्स का डिफॉल्ट कर रखा था, तो पहले तो अपने रिटर्न्स के डिफॉल्ट को ठीक करके आओ फिर एप्लीकेशन फाइल करना. पहले अपने डिफॉल्ट को ठीक करके आओ, मैं आपको फ्लो चार्ट से समझाता हूँ. सुओ मोटो कैंसिलेशन हुई, आरईजी 19 आया, आरईजी 19 से आप सेटिस्फाइड नहीं हो. अगर ये इसका प्रमुख कारण डिफॉल्ट इन रिटर्न्स था तो पहले उस डिफॉल्ट को गुड करो, फिर जाकर एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन फाइल करो. अगर कोई और कारण था तो सीधा डायरेक्टली क्या फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन. कितने दिन में फाइल करनी है, 30 डेज. 30 डेज कब से, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ आरईजी 16. आरईजी 16 का सर्विस मतलब जिस दिन आपने आरईजी 19 की जिस दिन आपको रिसीप्ट हुई है उसके 30 डेज में एप्लीकेशन फाइल हो गई. उसके बाद ऑफिसर देखेगा वो सेटिस्फाइड है या नहीं है. अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो 30 डेज में क्या करेगा, ऑर्डर फॉर रेवोकेशन. रेवोकेशन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, आपकी रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाएगी. रजिस्ट्रेशन इज रिस्टोर्ड, ठीक है जी. अगर वो नहीं है तो पहले आपको एससीएन देगा, फिर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेगा, और आपसे क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड है तो फिर से अगेन वो क्या करेगा, वो ऑर्डर पास कर देगा. यानी इन बोथ द केसेस आपकी रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाएगी अगर वो आपसे सेटिस्फाइड है. तो ये प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन रेवोकेशन को, अपनी कैंसिलेशन को रिवोक करवा के अपनी रजिस्ट्रेशन को रिस्टोर करवाने का. सर ये इसमें कोई अमेंडमेंट आई या नहीं, ये तो पुराना था, अब अमेंडमेंट क्या आई है. नो लेट अस सपोज हमारी रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो गई है. अगेन अगर आप ध्यान से देखो, आरईजी 19 जो कैंसिलेशन हुई थी उससे उस डेट को यूजुअली हम कैंसिलेशन डेट मानते हैं, या उससे पहले वाली डेट भी कोई कैंसिलेशन डेट हो सकती है, मर्जी है ना उसकी. वो चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिव से कैंसिल कर सकता है, चाहे तो उसी डेट से कर सकता है. वट एवर द केस इज, आरईजी 19 के 30 दिन में तो रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल होगी मिनिमम 30 डेज में, और 30 डेज और लग जाएंगे रेवोकेशन ऑर्डर आने में. यानी 60 दिन तक आपको डीम्ड कैंसिल माना गया था. अब जब कैंसिलेशन रिवोक होगी यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन रिस्टोर होगी तो वो तो बैकडेट से होगी ना, नेचुरल सी बात है. आपको 60 दिन तक ऐसा तो घोषित कर नहीं जाएगा कि आप खत्म हो गए हो, अब आज से जिंदा होगे. कोई बंदे को जिंदा कर रहे हो तो उसी रेट से जिंदा करोगे जिस दिन से उसको
मरा हुआ घोषित किया गया था। तो अगर आपको मरा हुआ घोषित किया गया था आरईजी 19 वाले दिन से, तो रिस्टोरेशन भी कब से होगी? आरईजी 19 वाले दिन से या इससे भी पहले। अगर कैंसिलेशन डेट रेट्रोस्पेक्टिव से करी गई थी तो इस जिस डेट से कैंसिलेशन करी गई थी उसी डेट से आपकी रिस्टोर मानी जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आई कि इस दो महीने की रिटर्न कौन फाइल करेगा? इन दो महीने में नो डाउट आपने कोई काम नहीं किया, या अगर ऑपरेशंस करे तो वो इलीगल ऑपरेशंस की कैटेगरी में आ जाएंगे ना, क्योंकि आपने टैक्सेबल सप्लाई नहीं करी, आपने तो बेकार सप्लाई करी। अब वो जो बीच का समय है उसके रिटर्न फाइल करने का कोई प्रोविजन नहीं था। तो अमेंडमेंट ये आई है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को रिवोक कर दिया जाता है और आपका रेवोकेशन ऑर्डर आ जाता है, तो रेवोकेशन ऑर्डर के आने के बाद आपको जो इंटरवीनिंग पीरियड था उसके रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब सर ये इंटरवीनिंग पीरियड क्या है? अगर आपकी कैंसिलेशन प्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हुई थी, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हुई थी, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है आरईजी 19 जिस दिन पास हुआ था ना उसी डेट से ही इफेक्टिव था वो, तो उस केस में हमें कब से कब तक रिटर्न फाइल करनी है? आरईजी 19 से लेकर रेवोकेशन ऑर्डर तक की। आरईजी 19 को हमें डेड घोषित कर दिया गया था, प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर था, तब से लेकर रेवोकेशन वाले ऑर्डर की आपको रिटर्न फाइल करनी है। कितने दिन में करनी है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेवोकेशन ऑर्डर। अब जो रेवोकेशन ऑर्डर आया है उसके 30 डेज के अंदर अंदर जो भी इंटरवीनिंग पीरियड था आरईजी 19 से लेकर रेवोकेशन पीरियड उसकी रिटर्न फाइल करनी है। मैंने आपको बताया कई बार कैंसिलेशन आपकी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होती है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब लेट अस सपोज आपने आरईजी 16 से लेकर आरईजी 19 का जो समय था, इस आरईजी 16 वाले डेट से भी कैंसिलेशन हो सकती है। इस पीरियड के अंदर कोई भी पीरियड के किसी भी पॉइंट पे आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं आरईजी 19 वाले दिन ही हो। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से थी तो आपका जो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन है वो आरईजी 19 से भी पहले हो गया। उस केस के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव कैंसिलेशन टिल द डेट ऑफ रेवोकेशन, यानी आरईजी 19 से वो पहले वाला समय जब आपको कैंसिल मान लिया गया था उस पीरियड को भी आप कवर कर लोगे, उसकी भी रिटर्न्स आपको फाइल करनी है। और फाइल कितने दिन में करनी है? विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगेन नॉट अ वेरी बिग अमेंडमेंट, इट्स अ वेरी स्मॉल अमेंडमेंट, बट आपको एमसीक्यू में तो पूछा जा ही सकता है। दिस इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट हमारी कवर होगी, 60 अमेंडमेंट नंबर 16 भी कवर्ड है। वैसे तो मैंने यहाँ स्पेस दे रखा है, बाद में मुझे रिलाइज हुआ मैंने इसको अपने फ्लो चार्ट में दे रखा था, तो आपके पास अगर फ्लो चार्ट वाली बुक है तो आप वहाँ से कवर अप कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने अभी वीडियो के अंदर फ्लो चार्ट दिखाया आप अपने फ्लो चार्ट को यहाँ पे बना सकते हो। नो लेट अस प्रोसीड फर्दर। हमारी 16 अमेंडमेंट्स हो गई हैं, हमने 6 अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड करी, जिसके अंदर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दी वो रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट नंबर 11 थी। अब अगला टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन से रिलेटेड। वैल्यूएशन के अंदर अगेन एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट भी नहीं कहूंगा, एक क्लैरिफिकेशन आई है, एक सर्कुलर आया है। अब ये सर्कुलर क्या आया, पहले मैं आपको प्रोविजन रिवाइज कराता हूं। वैल्यूएशन के अंदर हमारा सेक्शन नंबर 15 होता है, मैं आपको ये फ्लो चार्ट से दिखा देता हूं, फ्लो चार्ट से देख के आपको याद आ जाएगा। हमारा वैल्यूएशन का फ्लो चार्ट ये दे रखा, हाँ जी ये रहा वैल्यूएशन का फ्लो चार्ट। वैल्यूएशन के फ्लो चार्ट के अंदर पहले मैंने बताया था वैल्यूएशन के अंदर हमारे अलग अलग सेक्शन होते हैं। हमारा सेक्शन 15(1) से 15(3) हमारे सिलेबस के अंदर है। 15(1) से 15(3) कब आता है? जब आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सप्लाई शुड बी बिटवीन अनरिलेटेड पर्संस एंड प्राइस शुड बी दी सोल कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस केस में हम सीजीएसटी रूल्स में चले जाते हैं, हमें रेफर कर दिया जाता है कि आपकी वैल्यूएशन सीजीएसटी रूल्स के हिसाब से होगी। सीजीएसटी रूल्स के अंदर जो स्पेशल मेथड दे रखे हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारी वैल्यू क्या मानी जाएगी? टैक्सेबल वैल्यू विल बी नथिंग, इट विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, मगर इस ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और 15 सबसेक्शन 3 में दे रखी है। इसी के अंदर एक पॉइंट हमारा होता है ये वाला पॉइंट, जो हमारा सर्कुलर आया है उसके लिए पहला पॉइंट रेलेवेंट है। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने अपने इनवॉइस के अंदर, जो आपने इनवॉइस चार्ज किया अपनी जीएसटी सप्लाई के लिए, उसके अंदर किसी भी और टैक्सेस को दिखा रखा है, मान लो मैं सप्लायर हूं, मैंने अपने कोई टैक्सेस जो मैंने पे किए हैं वो अलग से इनवॉइस पे दिखा दिए हैं, तो उनको ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट माना जाएगा, एक्सेप्ट कौन कौन से टैक्सेस? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, कॉम्पनसेशन सेस, यानी जीएसटी लॉ में लगे हुए टैक्सेस के अलावा कोई भी और टैक्सेस आपके इनवॉइस के ऊपर आएंगे तो वो टैक्सेस भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट माने जाएंगे। इस प्रोविजन को जब मैंने समझाया था तो इसका मैंने लॉजिक क्या दिया था, मैंने आपको उसका लॉजिक दिया था। कई लोग स्प्लिट अप प्राइसिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था कि लेट अस सपोज मेरी रेंट 1 लाख रुपए है और इसके ऊपर जीएसटी 18% है,
तो वैल्यूएशन के पर्पस के लिए जो जीएसटी है वो तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगा, 1 लाख को ट्रांजेक्शन वैल्यू मानी जाएगी। अब 1 लाख अगर मैं आपसे रेंट ले रहा हूं तो यूजुअली इस घर के जितने म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो मैं ही पे करूंगा, वो मेरी जेब से जाएंगे। लेट अस सपोज मैंने 5000 की म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे तो वो 5000 रुपए मेरी खुद की जेब से गए, वो मैं आपसे मांगूंगा नहीं। यूजुअली लैंड ओनर ही उसका लैंड ओनर को ही पे करने पड़ते हैं। बट कई बार होता क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं रेंट दिखा देता हूं 95,000 और मैं दिखा देता हूं अपने टेनेंट को कि भाई 5000 के तो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं जो मैंने पे किए हैं और मैं तेरे से रिकवर कर रहा हूं। बात ये भी वही है, ये भी वही सेम बात बोलने का दूसरा तरीका है। पहले तरीके में मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपकी रेंट 1 लाख रुपए ले रहा हूं और 5000 रुपए मैंने पे कर दिए होंगे, भाई ऑब्वियसली बात है वो तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा लायबिलिटी बनती है। बट कई बार मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं, मैं क्या करता हूं 1 लाख को 2 हिस्सों में बांट के दे देता हूं। मैं कहता हूं रेंट 95,000 का है, म्युनिसिपल टैक्सेस 5,000 के हैं जो मैंने पे किए हैं, इसके ऊपर जीएसटी लगाना है। और उस केस में मैं कहता हूं रेंट तो 95,000 की है तो 95 पे लगाऊंगा मैं। इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए सेक्शन 15 में ये प्रोविजन डाला गया है जो कहता है जीएसटी को छोड़ के कोई भी टैक्सेस अगर आपके इनवॉइस पे दिख रहे हैं तो उन टैक्सेस को आप ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड कर दोगे, दे विल बी एडेड टू दी ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है जी, म्युनिसिपल टैक्सेस का ही एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा था। अब सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया जिसके अंदर इशू आया TCS, सर TCS क्या होता है, थोड़ी देर पहले भी TCS की बात चल रही थी। देखो वो जो TCS अभी मैं बात कर रहा था ना सेक्शन 52 वाला फ्लिपकार्ट वाले एग्जांपल में, वो था GST का TCS। TCS होता क्या, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वो GST के टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की बात चल रही थी। अब मैं जो TCS की बात कर रहा हूं ये इनकम टैक्स वाला TCS है। सर इनकम टैक्स में भी TCS है? यस, पूरा चैप्टर है आपका TDS और TCS का। TDS में कई बार हम इतने खो जाते हैं TCS पढ़ते ही नहीं। TCS यूजुअली किसको होता है, स्क्रैप पार्किंग लॉट या बेस्ट प्रोविजन जो होता है, कोई भी गाड़ी अगर 10 लाख से ज्यादा की आप खरीदोगे तो उस केस के अंदर आप पे TCS अप्लाई होगा। यानी कि मैं यहां पर सेलर हूं, मैं गाड़ी बेचता हूं, आप बायर हो, आप गाड़ी खरीदने आए हो, आपने मुझे 10 लाख रुपए तो देने ही देने हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से 10 लाख के ओवर एंड अबव मैं आपसे 1% लूंगा। ये 1% GST नहीं है, जीएसटी तो 28% होता है गाड़ियों के ऊपर, ये 1% इनकम टैक्स में कलेक्ट किया गया TCS है। यानी 10 लाख का 1% कितना हो गया, 10,000 रुपए। मैं आपसे 10,000 रुपए इकट्ठा करके आपके बिहाफ पर डिपार्टमेंट को जमा करा दूंगा। TDS का उल्टा हो गया, TDS में जिस बंदे को पेमेंट करते हैं उसको कम पेमेंट करते हैं, TCS में जिस बंदे से पेमेंट ले रहे हैं, सेलर बायर से पेमेंट ले रहा है, वो ज्यादा पेमेंट लेता है और वो उसको डिपॉजिट करा देता है। अब इनकम टैक्स में मैं TCS की रिटर्न फाइल करूंगा, TCS की रिटर्न फाइल करूंगा, बायर को उसके 26AS के अंदर जैसे TDS का क्रेडिट आता है वैसे TCS का क्रेडिट आ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ TCS, आई होप आपको इनकम टैक्स में याद होगा। अब TCS सर ये इनकम टैक्स को पढ़ाने लग गए क्योंकि GST में इसकी एक रेलेवेंस आई। रेलेवेंस ये आई, उन्होंने कहा जो TCS इनकम टैक्स वाला होता है क्या उसको भी GST पर्पस के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पर गाड़ी आई है, लेट अस सपोज मैंने 15 लाख की गाड़ी ली है, तो उसका इनवॉइस ऐसे होगा, कार मेरी होगी 15 लाख की, ठीक है, उसके ऊपर 1% क्या होगा, TCS होगा इनकम टैक्स का 15,000 रुपए, उसके ऊपर GST होगा। अब ये GST 28%, सवाल ये है मैं 15 लाख पे लगाऊं या 15 लाख 15,000 पे लगाऊं। अगर आप 15 लाख बोलोगे तो यू आर अज्यूमिंग ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 15 इज 15 लाख रुपीज, आपने उसमें टैक्सेस नहीं जोड़े। मगर हमें ये एनालाइज करना है कि ये जो प्रोविजन है इस प्रोविजन के अंदर क्या TCS कवर होगा। पहले तो प्रोविजन को ध्यान से पढ़ें, एनी टैक्सेस चार्ज सेपरेटली अदर देन GST एंड सेस, वो कह रहा है कोई भी ऐसा टैक्स जो सप्लायर ने पे किया है और वो बायर से चार्ज सेपरेटली कर रहा है ऑन द फेस ऑफ इनवॉइस। प्राइम ऑफ एसआई देख के लगता है TCS एनी अदर टैक्स है, GST तो है नहीं, वो इनकम टैक्स है जो मैं रिकवर कर रहा हूं। प्राइम ऑफ एसआई देख के लगता है सर हम इसमें फॉल करेंगे और 15,000 रुपए ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड होना चाहिए। आई एम सेइंग प्राइम ऑफ एसआई बिकॉज दिस इज अ टैक्स बीइंग चार्ज सेपरेटली फ्रॉम द बायर एंड इट इज नॉट GST। तो लगभग जनवरी के आसपास, दिसंबर एंड था या जनवरी 2019 के आसपास, एक CBIC सर्कुलर आया जिसने बोल दिया ये ऐड होगा, ये ऐड होगा TCS को। उसने इनकम टैक्स वाले TCS को उसने GST पर्पस के लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड करा दिया। ये प्रोविजन जो CBIC लाया ये गलत प्रोविजन लाया था। गलत क्यों था, अगर आप ध्यान से देखो ये जो 15,000 का TCS है ये सेलर का नहीं है, ये तो बायर का टैक्स है। TCS इज नॉट अ सेपरेट टैक्स, इट इज अ टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। मिस्टर बी का, बायर का इनकम टैक्स
कलेक्ट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस, तो ये अलग से टैक्स है ही नहीं. टैक्सेस तो वो होते हैं जो सप्लायर के ऊपर है. म्युनिसिपल टैक्स के एग्जाम्पल में जो बंदा सप्लायर था, जिसका घर था, उसके ऊपर टैक्स लग रहा था, वो रिकवर सामने वाले से कर रहा था, अलग बात है. मगर इनकम टैक्स ना, ये मेरा नहीं है, इनकम टैक्स आपका है, बायर का है. मुझे तो सिर्फ टीसीएस के वे में कलेक्ट करने को बोला गया ताकि मैं डिपार्टमेंट को कलेक्ट करके दे दूं. तो ये प्रोविजन जो सीबीआईसी सर्कुलर था, इसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई, इसको चैलेंज किया गया. सीबीआईसी ने अपनी मिस्टेक रियलाइज करी. जिसने भी सर्कुलर निकाला होगा डिपार्टमेंट के अंदर, उसको डांट भी पड़ी होगी. फरवरी में उन्होंने अपने पुराने सर्कुलर को वापस खींच लिया. उन्होंने कहा हमारे से जो जनवरी में सर्कुलर था वो गलत इशू हो गया था, हम अब नया सर्कुलर दे रहे हैं. सीबीआईसी ने अपनी गलती मानी, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कई बार डिपार्टमेंट अपनी गलती नहीं मानता. सीबीआईसी ने अपनी गलती मानी, फरवरी में अपडेटेड सर्कुलर आया. अब मैं अपडेटेड सर्कुलर की बात बता रहा हूं. अपडेटेड सर्कुलर में उन्होंने बोला जो टीसीएस इनकम टैक्स का होता है, इट इज नॉट अ सेपरेट टैक्स, इट इज अ मैनर ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, पहली चीज. सेकेंडली, दिस टैक्स डज नॉट बिलोंग टू द सप्लायर, ये सप्लायर का नहीं है. ये टैक्स है किसका? ये बायर का है, ये बायर का टैक्स है. सप्लायर तो उसे कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को दे रहा है. सो फॉर दिस टू रीजन वी कैन नॉट से कि सेक्शन 15 में जो चीज लिखी है वो यहां पर सेटिस्फाई हो रही है. बिकॉज सेक्शन 15 कवर्स दोज टैक्सेस अदर देन जीएसटी विच वर इनिशियली द ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर, एंड द सप्लायर हैज पास्ड ऑन दिस ऑब्लिगेशन टू द बायर सेपरेटली ऑन द फेस ऑफ इनवॉइस. वेयर एज TCS under income tax, it is not a tax being levied on supplier, it is a buyer's tax. Secondly, it is not a separate tax, it is a manner of collection of tax. ये income tax में एक tax collect करने का तरीका है, ये अपने आप में कोई tax नहीं है. तो इसके ऊपर उन्होंने अपने circular को बिल्कुल उल्टा कर दिया और उन्होंने कह दिया TCS transaction value में add नहीं होगा. In other words, आप इस केस के अंदर transaction value किसको मानोगे? 15 लाख. अपनी पुरानी position से बिल्कुल उल्टी position ले ली. पहले जनवरी में सीबीआईसी ने पोजीशन क्या ली थी? टीसीएस को ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना है. गलत पोजीशन, बिल्कुल गलत पोजीशन. अगर कोर्ट में जाती तो सीबीआईसी हारती. सीबीआईसी को पहले अपनी गलती रियलाइज हुई, उसने फरवरी 2019 में सर्कुलर इशू कर दिया और कह दिया टीसीएस विल नॉट बी एडेड, टीसीएस विच इज लेविड अंडर इनकम टैक्स एक्ट विल नॉट बी एडेड टू द ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी. आपको ज्यादा रीजनिंग के चक्कर में नहीं पड़ना. अगर आपका क्वेश्चन आएगा, आई थिंक एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएगा, या किसी वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट बना के दे देंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग ऐसा कर सकते हैं वो वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में. तो आपको सिर्फ कितना लिखना है, एज पर सीबीआईसी सर्कुलर टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट शैल नॉट बी एडेड टू द ट्रांजेक्शन वैल्यू फॉर द पर्पज, ट्रांजेक्शन वैल्यू डिटर्मिन्ड अंडर सेक्शन 15 फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी कॉम्पिटिशन. रीजनिंग मैंने आपको बता दी, ये अपने आप में एक अलग टैक्स नहीं होता, ये बायर के टैक्स को कलेक्ट करने का एक तरीका होता है. वैल्यूएशन के अंदर सिर्फ यही अमेंडमेंट है और कोई भी अमेंडमेंट नहीं है. आज इस क्लास के अंदर हम इतनी अमेंडमेंट्स ही कवर करते हैं. अभी हमारी थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स पड़ी हैं, 27 अमेंडमेंट्स हैं, 17 हमने कर लिए हैं, 10 अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो अभी भी हमें कवर अप करनी है, विच वी विल कवर इन आर नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू सो मच. आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. आई थिंक एवरीथिंग इज गेटिंग क्लैरिफाइड. नेक्स्ट क्लास में विल रैप अप दिस अमेंडमेंट्स एंड पोस्ट दैट. आपके लिए हम इनकम टैक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर इनकम टैक्स में क्या कुछ नया है वो मैं छोटी सी वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा. सो थैंक यू सो मच.